हेलो बच्चों वेलकम टू आर एस एकेडमी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सर्किल जिसको हम कम्प्लीटली रिवाइज़ करेंगे जे के हिसाब से अब ये जो चैप्टर है जे में अगर सिलेबस को हम बात करें तो इसमें से कुछ पोर्शन जो अभी सिलेबस आया है उसमें बताया गया है कि इसका जो टेंजेंट वाला पोर्शन है वो नहीं आ नहीं आएगा लेकिन श्योर नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा कुछ क्वेश्चन बन भी सकते हैं या कुछ कुछ काम में चीज़ें आ सकती हैं तो हम लोग जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो जेई मेंस और एडवांस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे क्योंकि एडवांस में कोई भी टॉपिक कट नहीं हुआ है तो जो बच्चे पहले मेन्स पर फोकस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग का जो पोर्शन रहेगा वो मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर वो आपने सही से पढ़ लिया तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर स्टार्टिंग वाले पोर्शन से टेंजेंट से पहले पहले वो इजीली आपसे बन जाएंगे और आगे जो मैं पोर्शन पढ़ाऊँगा वो आपके ऑटोमेटिकली काम में आएगा एडवांस के लिए भी और इवन एक दो क्वेश्चन अगर आ भी गए तो वो आपसे बन जाने चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई डेफिनेशन ऑफ सर्किल तो सर्किल के लिए जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट का हमें लोकस निकालना रहता है तो कोई भी जो कर्व होता है बेसिकली वो किसी भी पॉइंट का क्या होता है लोकस होता है तो सर्किल की बात करें तो सर्किल की डेफिनेशन क्या आएगी अगर हम बात करें सर्किल की डेफिनेशन क्या आएगी तो देखिए सर्किल क्या होता है ऐसे पॉइंट का लोकस सर्किल क्या होता है ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा मतलब अगर मैंने बोला कि ये सर्किल मैंने बनाया है ये पॉइंट है फिक्स पॉइंट और ये है वेरिएबल पॉइंट तो आपसे पूछा कि एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई और इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा बीटा अगर इससे इसका डिस्टेंस हमेशा के लिए फिक्स है मतलब एक पी पॉइंट को इस तरह से मूव कराना है कि उसका डिस्टेंस इससे हमेशा के लिए क्या रहे आर रहे तो इस पॉइंट को इस सर्किल पे मूव करना पड़ेगा क्योंकि सर्किल पर जो सेंटर है उससे उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा इक्वल रहेगा तो इस पॉइंट का जो पाथ आएगा या जो कंडीशन आएगी उसे ही हम क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल तो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ सी जो डिस्टेंस है सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा R. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें डिस्टेंस फार्मूला से तो ये आएगा अंडर रूट माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस Y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर आप स्क्वायर कर दीजिए इसका तो यहाँ से आ गया X माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस Y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर तो ये जो x और y में एक रिलेशन मिल रहा है मतलब लोकस का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी कंडीशन दी गई है तो सर्किल के लिए क्या कंडीशन है कि एक वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए कॉन्स्टेंट रहना चाहिए तो सी पी इज टू आर लिख दिया इसको सिंप्लीफाई करने पर इसको सिंप्लीफाई करने पर जो भी एक्स और वाई का रिलेशन मिलेगा वही उस कर्व की इक्वेशन होगी तो यहाँ इक्वेशन आ रही है एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ सर्किल अब जैसे हमने लाइन्स में पढ़ा था कि अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग तरीके से हम लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं जैसे कि आपने पढ़ा है पॉइंट स्लो फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म सेम तरीके से सर्किल में भी किस टाइप से आपको डेटा दिया गया है जैसे यहां पर क्या डेटा दिया गया है सेंटर दिया गया है और रेडियस दिया गया है ये जो पॉइंट पॉइंट ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्किल आर क्या हो गया भाई ये सबको पता है अच्छे से आर हो गया रेडियस आर क्या हो गया भाई रेडियस तो देखिए अब ये जो डेटा था इसमें अगर जरूरी नहीं है कि सर्किल बनाने के लिए आपको जो डेटा दिया जाए वो केवल सेंटर या रेडियस ही दी जाए सर्किल के लिए कुछ और डेटा भी दिया जा सकता है जिसकी हेल्प से सर्किल बन सकता है तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग फॉर्म्स क्या हो सकते हैं सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो आगे बात करते हैं तो सबसे पहला जो फॉर्म आएगा दैट इज़ सेंटर रेडियस फॉर्म अभी अभी हमने जो फॉर्म देखा था वो एक तरह से सेंटर रेडियस फॉर्म ही हुआ कि अगर आपको सर्किल का सेंटर दिया हुआ है सर्किल का सेंटर दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा और पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है जो सर्किल पे मूव कर रहा है दैट इज एक्स कॉमा वाई और उसका डिस्टेंस चल रहा है आर के इक्वल तो आप सर्किल की इक्वेशन क्या लिखोगे कि इसका डिस्टेंस आर रहेगा तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर ये सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन हो गया जिसमें कि आपको डायरेक्ट क्या दिख रहा है सेंटर दिख रहा है और रेडियस दिख रहा है तो अगर डेटा सेंटर और रेडियस दिया है तो इक्वेशन लिखना आना चाहिए या अगर पहले से आपको इक्वेशन दिख रही है तो उसको देख के सेंटर और रेडियस बोलना आना चाहिए कहने का मतलब एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसमें तो देखो भाई अगर मैंने लिखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज टू फाइव अगर ये सर्किल की इक्वेशन दी है तो आपको कंपेयर करना है कि यार ये देखो ये सेंटर रेडियस फॉर्म से मैच कर रहा है टर्म्स अगर ये सेंटर रेडियस फॉर्म से मैच कर रहा है तो हम कंपेयर करके डायरेक्टली सेंटर और रेडियस बता सकते हैं तो आप देखो यहाँ आ रहा है x माइनस अल्फ़ा तो इसको ज़ीरो करेंगे तो x कितना मिलेगा अल्फ़ा मिलेगा इसको ज़ीरो करने पर x कितना आएगा अल्फ़ा आएगा तो ये ज़ीरो कब बनेगा जब x की वैल्यू क्या होगी माइनस वन यहाँ से ज़ीरो करने पे कितना आ रहा है वाई इक्वस टू बीटा आ रहा है भाई तो इसको ज़ीरो करने पर क्या टर्म आएगा अंदर वाले टर्म को अगर ज़ीरो करेंगे तो वाई कितना आएगा टू तो अगर कंपेयर करें तो बीटा की वैल्यू टू आ रही है अल्फा की वैल्यू माइनस वन आ रही है क्योंकि एक माइनस साइन पहले से है तो ये यहाँ प्लस आ रहा है तो अल्फ़ा को लेना पड़ेगा माइनस वन ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और अपना टेक्निक क्या है ये ज़ीरो कब बन रहा है ये ज़ीरो बन रहा है माइनस वन पर ये ज़ीरो कब बनेगा जब y की वैल्यू टू होगी तो इसका जो सेंटर होगा सेंटर हो जाएगा माइनस वन कॉमा टू अब अगर हम बात करते हैं रेडियस की तो इक्वल टू में क्या टर्म आ रहा है आर स्क्वायर तो इक्वल टू का जो टर्म आ रहा है कांस्टेंट टर्म उससे उसे हम कंपेयर करेंगे क्योंकि रेडियस हमेशा क्या रहेगी फिक्स रहेगी तो आर स्क्वायर को फाइव से कंपेयर करेंगे आर स्क्वायर इक्व टू फाइव तो आर की वैल्यू हो जाएगी रूट फाइव इस तरह से हम सेंटर रेडियस फॉर्म को देखकर ही डायरेक्टली सेंटर और रेडियस बता सकते हैं अगर इसी में मैं बात करता हूँ कि सेंटर किसी सर्किल का सेंटर हो गया है ज़ीरो कॉमा ज़ीरो और रेडियस है उसका आर तो क्या इक्वेशन आएगी सर्किल की तो आप बोलोगे ठीक है सर सेंटर अल्फा बीटा था अब सेंटर अल्फा बीटा की जगह क्या हो गया है ज़ीरो ज़ीरो तो यहाँ पे एक्स माइनस ज़ीरो आ जाएगा और वाई माइनस ज़ीरो हो जाएगा तो इक्वेशन आएगी एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वस टू आर स्क्वायर तो ये जो इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है जीरो जीरो है ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्किल इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्किल ठीक है भाई तो ये कुछ स्पेशल केस होंगे जहाँ पर कि हम पहले डेरिवेशन जो करेंगे वो स्टैंडर्ड सर्किल के लिए करेंगे और उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं तो अगर आप देखो दोनों में डिफरेंस रेडियस सेम है सेंटर ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है यहाँ पर यहाँ क्या आ रहा है अल्फ़ा बीटा मतलब अगर आपको इसका रिजल्ट पता है तो यहाँ से इस सर्किल से इस सर्किल तक पहुँचने के लिए केवल आपको शिफ्टिंग करनी है कि अगर सेंटर को जीरो जीरो से मैंने अल्फ़ा बीटा पे शिफ्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये वाला सर्कल मिल जाएगा तो इसके जो रिज़ल्ट आएंगे वो प्रूव करना आसान रहता है तो इसके रिजल्ट से हम यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं कुछ केसेस में हम ऐसा करने वाले हैं तो उस टाइम पे आपको बताऊँगा मैं कि इसकी कैलकुलेशन कर लिया और इसी को जनरलाइज कर दिया जनरल सर्किल के लिए चलिए ये हो गया अपना पहला सेंटर रेडियस फॉर्म आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल अब जनरल इक्वेशन का मतलब याद करिए आप जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ये था एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो की कहने का मतलब कि जो भी इस इक्वेशन में टर्म्स आएंगे अगर उन टर्म्स को हम वन बाय वन सारे लिख दें जनरलाइज फॉर्म में तो वो हो जाएगी जनरल इक्वेशन जैसे कि आपके पास जो सेंटर रेडियस फॉर्म आया था वो क्या आया था एक्स माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ये था हमारा सेंटर रेडियस फॉर्म अब इसी को मैं ओपन कर देता हूँ कि हमको जनरलाइज फॉर्म में बात करनी है तो अगर मैंने इक्वेशन में ओपन किया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से आएगा माइनस टू ए बी तो हो जाएगा माइनस टू अल्फ़ा एक्स यहाँ से आएगा माइनस टू बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर और यहाँ से आएगा प्लस का बीटा स्क्वायर और आर स्क्वायर को भी अपन इधर ले आएंगे तो माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो इस टाइप से आपको एक इक्वेशन मिलेगी उसको पूरा एक्सपेंड करने पर तो हमने ऑब्जर्व क्या किया हमने ये ऑब्जर्व किया कि यार जो भी पूरी इक्वेशन आ रही है ना उसमें एक टर्म आ रहा है एक्स स्क्वायर का एक टर्म आ रहा है वाई स्क्वायर का एक कॉफिशेंट आ रहा है एक्स का टर्म एक आ रहा है वाई का टर्म और ये पूरा हम मान सकते हैं कि एक कोई नंबर आ रहा होगा एक कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा होगा तो इसको अपन ऑब्जर्व करके इसकी जो इक्वेशन है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो जनरल इक्वेशन होगी जनरल इक्वेशन जो होगी वो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा एक वाई स्क्वायर का टर्म आएगा एक टर्म एक्स स्क्वायर का आएगा एक टर्म वाई स्क्वायर का आएगा एक x का कॉफिशेंट आएगा जिसे हम अज्यूम कर लेते हैं टू जी एक्स एक y का टर्म आएगा इसे हम अज्यूम कर लेते हैं टू एफ वाई और ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है जिसे हम प्लस सी इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो हम इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लाइंस तो पेयर ऑफ लाइंस में आपने पढ़ी थी सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है तो जो सर्किल की जो इक्वेशन आती है वो भी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन का ही एक पार्ट होती है वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे तो ये हमने सर्किल इक्वेशन को देख के अज्यूम कर लिया कि अगर कोई भी सर्किल पॉसिबल है तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम टाइम आपको जो इक्वेशन देखने को मिलेगी वो यही इक्वेशन क्वेश्चन में दी जाएगी कि आपको जनरल इक्वेशन को देख कर आपको सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए जैसे कि भाई आपको अगर ये इक्वेशन दी गई थी तो इस इक्वेशन को देख के इस इक्वेशन को देख के आपको पता है कि हाँ भाई सेंटर है मेरा बीटा और रेडियस है आर लेकिन जनरल इक्वेशन को देखते ही हमें सेंटर और रेडियस बताना आना चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई अभी प्रूफ करते टाइम पहले इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे कि ठीक है भाई ये जो टर्म था हमें यहाँ अल्फा और बीटा के बारे में पता है हमें यहाँ अल्फा और बीटा के बारे में पता है कि अल्फ़ा और बीटा अपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स से हैं बट यहाँ पे जी और एफ जो आ रहा है वो नहीं पता है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ वन बाय वन तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो सेम ही आ रहा है अगर एक्स का कॉफिशेंट कंपेयर करते हैं तो ये आ रहा है माइनस का टू अल्फ़ा माइनस टू अल्फ़ा बराबर टू इंटू जी और अगर वाई का टर्म कंपेयर करते हैं माइनस टू बीटा बराबर टू एफ और कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्व टू सी तो कहने का मतलब है मैंने एक्स का कॉपेशन कंपेयर कर दिया वाई का कॉपेशन कंपेयर कर दिया और टर्म कंपेयर कर दिया तो ध्यान से देखिए हमें अल्फा निकालना है क्योंकि हमें पता है कि भाई अल्फा जो है और बीटा जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई बताओ अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस जी बीटा की वैल्यू क्या रही की आ रही है भाई बीटा की वैल्यू आ रही है माइनस एफ और अगर देखिए अब हमें तो कांस्टेंट कौन्स, टर्म सी दिख रहा है बट जो सर्किल का रेडियस है वो क्या है आर तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक काम कर सकते हैं ना भाई अल्फा आ चुका है बीटा भी आ चुका है तो अल्फा और बीटा दोनों को भाई पुट कर दो ना इसके अंदर तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का जी तो माइनस जी का स्क्वायर बीटा की वैल्यू माइनस एफ माइनस एफ का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी तो यहाँ से आ रहा है आपके पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर सी तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो आर हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो ये हो गया अपना रेडियस का फॉर्मूला आप बोलोगे सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया अरे भाई जो रेडियस होगी सर्किल की वो हमेशा क्या होगी पॉजिटिव रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है भाई तो इस केस में जब स्क्वायर रूट लेंगे इन जनरल इन जनरल हम प्लस माइनस लेते हैं रूट लेने पर बट यहाँ आप हमको केवल पॉजिटिव वाला केस लेना है तो ये आ गया रेडियस और ये आ गया सेंटर तो सेंटर का जो कॉर्डिनेट होगा फाइनली वो हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ और रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी गई है जनरल फॉर्मेट में तो उसको देखते ही हम सेंटर का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कैसे आपको दिख रहा है देखो यहाँ पे सेंटर कितना आया एक्स कोऑर्डिनेट माइनस जी के बराबर सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना है भाई माइनस एफ के बराबर तो आप ध्यान से देखो हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसका जो एक्स का कॉफिशेंट आ रहा है वो आ रहा है टू इन टू जी तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार जो भी एक्स का कोफिशियंट आएगा उसका आप हाफ कर दो जो भी एक्स का कोफिशेंट आएगा उसका हाफ कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सेम तरीके से जो भी वाई का कोफिशेंट आएगा उसका हाफ़ कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वही अपना क्या हो जाएगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस में क्या होगा जो दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनका स्क्वायर कर देंगे माइनस सी कर देंगे और रूट ले लेंगे तो वो रेडियस आ जाएगा अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गलती कहाँ होगी कि हमने ये जो पूरे फॉर्मूले बनाए हैं सेंटर का और रेडियस का जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं वो ये मान के बनाए हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट भी वन है और वाई स्क्वायर का कोफ़िशेंट भी वन है देखो सर्किल अगर बनना है किसी एक भी इक्वेशन में तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा लेकिन बराबर में वो वन वन भी हो सकता है ये टू और टू भी हो सकता है थ्री और थ्री भी हो सकता है लेकिन हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो वन मान के बनाया है तो अगर भले ही इन दोनों के कॉफिशियंट सेम है भले ही इन दोनों के कॉफिशियंट सेम है लेकिन आपको उनको वन बनाना पड़ेगा कई बार जल्दीबाजी में हम कॉफिशेंट वन नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट एक्स के कॉफिशेंट का हाफ कर दिया तो वो आंसर भाई गलत हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए सर्किल आपको दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई माइनस का वन इक्व टू ज़ीरो मैंने कहा कि आपको भई यह कि सर्किल की इक्वेशन गिवन है इसका सेंटर बताओ और रेडियस बताओ तो अगर सेंटर बताना है मेरे को तो सेंटर बताने के लिए पहले मेरे को कॉफिशेंट जो आ रहे हैं टू और टू उसको वन बनाना पड़ेगा तो पहले मैं पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड करूंगा डायरेक्ट इसको टू जी एक्स और टू एफ वाई नहीं मानना है क्योंकि हमने वो वन कॉफिशेंट बनाने के बाद कंपेयर किया था तो इसको टू से डिवाइड किया माइनस का थ्री एक्स बाई टू प्लस फाइव बाई टू वाई माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो हाँ अब देखो भाई अब बन गया कोफ़िशेंट वन अब हम कंपेयर कर सकते हैं ये जो आ रहा है टर्म और एक टर्म ये आ रहा है तो टू इसको आप लोगों को सीखा क्या है भी? सेंटर अगर बताना है तो डायरेक्टली कैसे बताना है कि जो भी इसका कॉफिशेंट आएगा एक्स का उसका हाफ करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू का हाफ़ कितना हो जाएगा माइनस थ्री बाय फोर और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस थ्री बाय फोर ऐसे ही इसका कॉपिशन फाइव बाय टू आ रहा है इसका हाफ करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई तो यह आ जाएगा माइनस फाइव बाय फोर कहने का मतलब अगर एक्स सेंटर जब भी लिखेंगे यहाँ कॉपिशन नेगेटिव है तो प्लस का आ जाएगा और प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा और बात करें रेडियस की तो हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब नाइन बाय सिक्सटीन प्लस एफ स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन माइनस सी अब सी की वैल्यू कितनी है भाई माइनस हाफ जो भी टर्म कंपेयर करेंगे उनको विथ साइन लेना है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस हाफ तो यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करके सिक्सटीन इसका एलसीएम आ जाएगा भाई नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस एट सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई वहाँ से रेडियस मिल जाएगा सेंटर मिल जाएगा इस तरीके से हम कोई भी सर्किल का जनरल इक्वेशन का सेंटर रेडियस डायरेक्टली लिख सकते हैं ये ध्यान रखना है ये आपकी कॉमन प्रैक्टिस में होना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ सर्किल की इक्वेशन दी जाएगी सबसे पहले आपको सेंटर लिखना है रेडियस लिखना है फिर आगे क्वेश्चन के अंदर बढ़ना पड़ेगा तो ये आपको तरीके से लिखना है ठीक है भाई इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए अभी हमने जो बात करी जनरल इक्वेशन की तो हमने जो पेयर ऑफ लाइन में पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होती है सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन तो पेयर ऑफ लाइन्स में आपको बताया था कि भाई ये जो इक्वेशन आती है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये पेयर ऑफ लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है सर्किल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है यह पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला यह सारे कर्व को रिप्रेजेंट कर सकती है डिपेंड ऑन द कंडीशन तो हमने पेयर ऑफ लाइंस के अंदर कंडीशन पढ़ी थी एक टर्म पढ़ा था डेल्टा इक्वल टू जीरो फैक्टर होने चाहिए अगर इसको पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो।, तो हम बात करते हैं कि ये जो एक सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगी इट रिप्रेजेंट्स ए सर्किल दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट से सर्किल इफ कौन कौन सी कंडीशन है जो ट्रू होनी चाहिए कि ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करे तो पहली कंडीशन आएगी डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि डेल्टा इक्वल टू जीरो कंडीशन आती है पेयर ऑफ लाइंस के लिए बोल सब यह क्या कंडीशन होती है तो ये होती है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर दैट मस्ट बी नॉन जीरो सेकेंड कंडीशन क्या आती है अब हमने ऑब्जर्व किया था सर्किल की इक्वेशन में कि यार सर्किल का जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है वो हमेशा क्या आता है सेम आता है तो यहाँ कॉफिशियंट में आपको ए दिख रहा है और बी दिख रहा है तो अगर इस इक्वेशन के अंदर अगर इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट इक्वल हो जाता है तो वो सर्किल बन सकता है तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर के तीसरी कंडीशन क्या होगी भाई हमने ऑब्जर्व किया था कि सर्किल की इक्वेशन के अंदर हमने ऑब्जर्व किया था कि सर्किल की इक्वेशन के अंदर एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं आता है एक्स इंटू वाई का टर्म नहीं आता है तो यहाँ से इसमें और क्या कंडीशन आएगी कि कॉफिशियंट ऑफ कॉफिशियनट ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए तो अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन तीन कंडीशन को फॉलो करती है एच जीरो हो गया इसका मतलब है ए बराबर बी हो गया इन तीन कंडीशन को फॉलो करती है तो वो हमेशा एक सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा और हम बात करें जो जनरल हमारा रेडियस का फार्मूला आया था अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये हमने रेडियस का फार्मूला लिखा था तो रेडियस को डिफ़ाइन होना है सर्किल को अगर एग्जिस्ट करना है तो सिंस रेडियस जो आ रही है वो रूट में क्वांटिटी आ रही है तो रूट की क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा जीरो या ज़ीरो से ग्रेटर देन तो इसमें हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि अगर भाई अपना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या जो भी कॉन्सटेंट दिए हैं उस पर ये ज़ीरो आ सकता है या ये टर्म क्या आ सकते हैं नेगेटिव आ सकता है तो सिंपल सी बात है भाई अगर ये जो तो टर्म आ रहा है रूट के अंदर का जो तो टर्म आ रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक रियल सर्किल को ये रिप्रेजेंट करेगा एक रियल सर्किल को क्योंकि वो टर्म एग्जिस्ट करेगा अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी अब रेडियस ज़ीरो होने का सिग्निफिकेंस क्या है रेडियस जीरो होने का सिग्निफिकेंस भाई यही हो सकता है कि वो एक पॉइंट सेंटर माना और उसी पॉइंट पे ही इसको सर्किल मानना पड़ रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जनरली देखा जाए तो एक पॉइंट जो है पॉइंट को एक लाइन का भी पार्ट मान सकते हैं पॉइंट को एक सर्किल का पार्ट भी मान सकते हैं पॉइंट तो भाई कोई भी कर बनेगा तो पॉइंट से ज्वाइन करके ही बनेगा तो बोले सर आपने सर्किल क्यों कहा है पॉइंट को क्योंकि वो तो एक फिक्स पॉइंट आएगा रेडियस जीरो हो गई तो उस पॉइंट को आपने पॉइंट सर्किल ही क्यों बोला क्योंकि भाई अगर हम किसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं सर्किल के रेफरेंस में इसलिए हमने उसको पॉइंट सर्किल डिनोट कर दिया सिंपल अगर लाइंस के रेस्पेक्ट में बात करते तो उसको एक सिंपल पॉइंट बोलते उसको पॉइंट सर्किल नहीं बोलते हम ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है एक ऐसा सर्किल एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस ज़ीरो है वो एक पॉइंट सर्किल हो जाएगा बेसिकली रहेगा पॉइंट ही उसी पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट सर्किल और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव हो गया अगर अंदर का टर्म नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये जो रेडियस होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी इमेजनरी नंबर हो जाएगी तो उसको हम बोल देंगे इमेजनरी इमेजनरी सर्किल ठीक है ये हो गया सर्किल की जनरल इक्वेशन के सारे फंडामेंटल्स अब हम आगे बढ़ते हैं सर्किल के और फॉर्म्स देखते हैं तो नेक्स्ट फॉर्म जो आता है दैट इज़ कॉल्ड डायमीटर फॉर्म कि अगर हमें सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है और हमें सेंटर नहीं दिया गया भाई इस बार और ना ही रेडियस दी गई है हमें क्या दिया गया है कि भाई सर्किल है और इस सर्किल के कोई एक पर्टिकुलर डाया एक सर्किल में कितने डाया हो सकते हैं भाई इनफाइनाइट डाया हो सकते हैं डायामीटर का मतलब क्या है सेंटर से पास करने वाली लाइन तो अगर एक किसी पर्टिकुलर डायामीटर के किसी एक पर्टिकुलर डायामीटर के आपको एंड पॉइंट्स दिए गए हैं एक पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन और दूसरा पॉइंट है एक्स टू कोमा वाई टू तो अगर आपको डायामीटर के दो एंड पॉइंट पता हैं तो पहले तो ये देखो कि क्या ये डेटा सफिशेंट है कि नहीं है कि ये डेटा भैया दो पॉइंट दे दिए तो सर्किल कितने बन सकते हैं सर ज़्यादा तो नहीं बन सकते हैं क्या सर्किल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा अगर ये बोला गया है कि ये डाया है तो ये सेंटर से पास कर रहा होगा अगर सेंटर से पास कर रहा है डाया के एंड पॉइंट पता है मतलब इनका जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर होगा तो आपको सेंटर पहले से पता है और डाया की लेंथ पता होगी डिस्टेंस फार्मूला से तो वहाँ से आपको रेडियस भी पता है मतलब इन दो पॉइंट की हेल्प से उनका सेंटर भी फिक्स हो गया और इसकी रेडियस भी फिक्स हो गई मतलब सर्किल क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा अब अगर सर्किल फिक्स है इसका मतलब सर्किल की कुछ को निकालेंगे कैसे तो भाई अब हम पूरा सेंटर निकालने बैठ जाए पूरा सेंटर निकालें फिर रेडियस निकालें और फिर जाके सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करें उसमें भाई टाइम जाएगा तो हम क्या करेंगे हम लोकस की हेल्प से करेंगे कि देखो भाई हर जगह प्रॉपर फौर, हमें फॉर्म्स पढ़ी क्यों रहे हैं? कि भाई जो फॉर्म जो डेटा दिया गया है ना उस डेटा के हिसाब से सॉल्व करोगे ना जल्दी काम हो जाएगा नहीं तो हर डेटा को एक ही फॉर्म में लेके जाओगे कि हाँ हमको तो सर बस सेंटर निकालना पड़ेगा कैसे भी करके बिना सेंटर निकाले भी इसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है यही हमको देखना है तो हम लोग ने क्या किया इस पर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया एक्स कॉमा वाई जिस एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लिया अब इस पॉइंट पे हमको कंडीशन अप्लाई करनी है जो कि सर्किल के हर पॉइंट के लिए ट्रू हो जाए कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई करो जो हर पॉइंट पे एप्लीकेबल हो तो हमने क्या करा ए और बी को ज्वाइन कर दिया पी से तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर मैंने ज्वाइन कर दिया है पी से तो जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो पी पे नाइन्टी डिग्री सबटेंड करेगा क्योंकि भाई डाया है तो इसका स्लोप हो जाएगा एम वन इसका स्लोप हो जाएगा एम टू तो 90 डिग्री के लिए हमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं दैट इज एम वन एम टू इजिक्वल टू माइनस वन ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं भाई स्ट्रेट लाइन में तो हमको ये बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए तभी हम सर्किल के जो फंड स्टेट लाइन के जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होंगे तो ही हम सर्किल चैप्टर में समझ पाएंगे चीज़ों को अगर स्ट्रेट लाइन के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आपको सर्किल के कई जगह पर जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले यूज़ होंगे उसमें दिक्कत आ सकती है तो आपको पहले वो थ्योरी में जो बेसिक फार्मूलेज हैं बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो एकदम अच्छे से आने चाहिए क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर चलेंगे कॉर्डिनेट जोमेट्री में वो सारे कनेक्टेड होते हैं भाई स्ट्रेट लाइन और सर्किल अब स्ट्रेट लाइन पूरा यूज आएगा सर्किल में अब सर्किल के जितने भी थ्योरी होती है फंडामेंटल्स होते हैं वो मिक्स होकर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पैराबोला के अंदर पैराबोला के अच्छे क्वेश्चन मिक्स होकर इलिप्स में कंसेप्ट मिक्स हो सकते हैं कि पैराबोला और इलिप्स में कॉमन टेंजेंट पूछ लिया तो इस तरह से आपको ये जो कॉर्डिनेट जोमेट्री के पाँचों चैप्टर्स हैं ये कनेक्टेड चैप्टर हैं तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका पिछला चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए तो हम बात करते हैं कि भाई हमने कंडीशन लगा दी कि भाई कोई भी पॉइंट लेंगे हर पॉइंट पे ए बी कितना सबटेंड करेगा 90 डिग्री तो हर पॉइंट के लिए क्या होगा हर पॉइंट के लिए एम वन एम टू हो जाएगा माइनस का वन तो ये कंडीशन जो लगा रहे हैं ये हर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है मतलब इस कंडीशन से जो भी आंसर मिलेगा इस कंडीशन से जो भी आंसर मिलेगा उसी कंडीशन को हम बोल देंगे कि ये ही सर्किल की इक्वेशन है क्योंकि लोकस का फंडा ये है कि आपने एक ऐसी कंडीशन अप्लाई करी जो उस कर्व के सारे पॉइंट कवर कर रहा है उससे जो भी आंसर आएगा जो भी इक्वेशन आएगी वही उस कर्व की इक्वेशन कहलाएगी तो हमने लिखा एम वन एम टू माइनस वन तो पहले हमने लिखा कि भाई एम वन कौन सी स्लोप है ए पी लाइन का स्लोप है तो ए पी लाइन का स्लोप कितना आएगा वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स वन फिर बी पी लाइन का स्लोप कितना आएगा y माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वस टू माइनस वन अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ रहा है y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज इक्वस टू माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू ये पूरा इधर आके ऐड हो जाएगा तो जो फाइनल इक्वेशन आपके पास आ रही है x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस y- माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इज टू ज़ीरो तो ये हो गई सर्किल की इक्वेशन इन डायामीटर फॉर्म ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि जब भी आपको सर्किल के दो एंड पॉइंट पता हैं डायामीटर के तो डायरेक्ट अपन इक्वेशन लिख सकते हैं बिना सेंटर और रेडियस को फाइंड किए तो यहाँ पे दोनों एक, दोनों पॉइंट के पहले एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उनका मल्टीप्लाई उसके बाद यहाँ पर दोनों वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आ जाएगा उनका मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो यहाँ से आपको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म तो नेक्स्ट फॉर्म है आर्क ऑफ ए सर्किल सबटेंडिंग एन एंगल थीटा इसका मीनिंग क्या निकल रहा है देखो कि अगर आपको बोला है कि भाई आपको सर्किल का एक आर्क है तो यहाँ से आपने बोला कि ये एक पॉइंट आ रहा है ए पॉइंट है एक्स एक 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 वन कॉमा वाई वन और ये बी पॉइंट है एक्स टू कामा वाई टू और यहाँ से एक सर्किल का आर्क बन रहा है इसे करस्पॉन्डिंग और ये एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा एंगल किसी पॉइंट पर पी पॉइंट पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ठीक है तो आपको बोला गया कि भाई हमें ये आर्क है जो कि एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा तो पिछला वाला केस में क्या था कि वो जो पॉइंट थे ए और बी वो डायमीटर के एंड पॉइंट थे तो डायमीटर के एंड पॉइंट में तो पता था कि 90 डिग्री ही सब्टेंड करेगा बट अगर वो डायमीटर के एंड पॉइंट नहीं है कोई भी एक पार्ट है सर्किल का कॉर्ड है कोई भी एक तो वो थीटा एंगल सबटेंड करेगा वो देना पड़ेगा अपन को क्योंकि हर अलग अलग एंगल पे अलग अलग सर्किल्स बनने वाले हैं तो अपन ने ऐसा मान लिया कि अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ इस टाइप से सर्किल बन सकता है कि हाँ भाई एक सर्किल इस टाइप से कवर हो जाएगा ठीक है तो ये अब आपको पता है कि थीटा एंगल तो फिक्स है तो सर थीटा एंगल फिक्स है तो ऐसा कैसे होगा क्योंकि हमें पता है कि अगर ये सर्किल का एक पार्ट है तो एक पर्टिकुलर कॉर्ड से सर्कम के हर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से सर्कम के हर पॉइंट पे कितना एंगल बनता है थीटा एंगल ही बनता है इसलिए अगर आपने एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी ले लिया वो सारे पॉइंट के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा वो सारे पॉइंट के लिए ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा तो हम इसको मान सकते हैं x कॉमा वाई पी पॉइंट को क्या मान लिया हमने x कॉमा वाई अब हमें बस कंडीशन लगानी है कि हाँ ये ए बी है जो पी पॉइंट पे थीटा एंगल्स अपटेंड कर रहा है इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऑलमोस्ट सेम काम था कि ए बी है जो P पॉइंट पे 90 एंगल अपटेंड कर रहा है 90 की जगह आपको थीटा एंगल के लिए कंडीशन लगानी है अब ध्यान देने वाली बात पिछले क्वेश्चन में केवल एक ही सर्किल पॉसिबल था लेकिन इस वाले डेटा के लिए दो सर्किल पॉसिबल हैं क्यों क्योंकि अगर ये ए बी कौर से थीटा एंगल यहाँ सपटेंड हो रहा है तो थीटा एंगल इस सर्किल के लिए भी तो सबटेंड हो सकता है क्योंकि ए बी कॉर्ड है तो जो स... अगर मान लीजिए थीटा एंगल एक्यूट एंगल है एक्यूट एंगल हमेशा किस पे बनता है मेजर वाले पार्ट पे एक्यूट एंगल बनता है और माइनर वाले पार्ट पे ऑप्टीस एंगल बनता है तो अगर मैंने बोला भाई इससे थीटा एंगल बन रहा है ऊपर वाले पार्ट पर तो वो मेजर पार्ट ऊपर ना आके वो मेजर वाला पार्ट नीचे भी तो आ सकता है तो थीटा एंगल यहाँ पर भी बन सकता है कहने का मतलब इस पर्टिकुलर कॉर्ड के लिए दो सर्किल्स पॉसिबल हैं कि थीटा एंगल ऊपर बनेगा या थीटा एंगल नीचे बनेगा तो हमें आंसर में कितना सर्किल मिलने वाले हैं दो सर्किल्स मिलने वाले हैं तो हम बात करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे आपको करना वही है कि ये एम वन है ये एम टू है अब एम वन एम टू पर नाइन्टी डिग्री की जगह थीटा के लिए कंडीशन लगानी है तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि टेन थीटा बराबर मॉड एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू फिर से भाई स्ट्रेट लाइन के बेसिक फॉर्मूले हमको काम में आएंगे ही आएंगे तो टेन थीटा आपको गिवन है एम वन का मतलब कितना हो जाएगा बताइए तो मॉड यहाँ पे एम वन का मतलब हो जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन माइनस वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू अपॉन वन प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस मैंने बस एम वन एम टू की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भले ये वो सा दिख रहा है अपना काम है सिंपल एम वन की वैल्यू पुट करना तो मैंने जो भी एम वन स्लोप की वैल्यू थी वहाँ से टू पॉइंट फॉर्म से वो पुट किया जब मॉड को हटाएंगे जब यहाँ से मॉड हटेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस टेन थीटा तो प्लस माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि हमको दो आंसर चाहिए जब इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो एक प्लस साइन के करस्पॉन्डिंग करोगे और एक माइनस साइन के करस्पॉन्डिंग करोगे तो वहां से एक्स और वाई में दो इक्वेशन मिलेंगी और वो दोनों ही अपने सर्किल की इक्वेशन अलग अलग मिल जाएगी तो आई होप आपको ये क्लियर है फंडा तो ये बहुत कभी कभी कम ही पूछा जाता है क्योंकि इसमें एक थोड़ी कॉम्प्लिकेट सी बनती है आएगी तो सिंपल सी बट सॉल्व करने में टाइम लगता है इसलिए ये पूछे जाने के चांस थोड़े से कम रहते हैं बट हमें ये पता रहना चाहिए कि 90 डिग्री के अलावा भी 90 डिग्री के अलावा भी अगर कोई और एंगल अपटेंड हो रहा है तो सर्किल कैसे निकलता है नेक्स्ट हमारे हैं फॉर्म पे दैट इज़ इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स एक सर्किल को पास करना है तीन पॉइंट से तो आपके मन में डाउट आएगा सर आपने तीन ही पॉइंट क्यों लिए तीन पॉइंट इसलिए लिए भाई क्योंकि एक सर्किल को डिफाइन होने के लिए एक सर्किल को यूनिक होने के लिए कम से कम तीन पॉइंट होने चाहिए क्यों अगर आप वैसे इमेजिन करो कि भाई आपको सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की जो जनरल इक्वेशन होती है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स इसको मैं मैथेमेटिकली प्रूफ कर देता हूँ भाई मैथेमेटिकली कैसे प्रूफ करूंगा कि ये सर्किल की जनरल इक्वेशन है इस इक्वेशन में अगर आपको कोई सर्किल फाइंड करना है तो मैं ये सर्किल एज्यूम कर सकता हूँ इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आप बोले सर तीन वेरिएबल अननोन है जी एफ और सी तो अगर हमारे पास तीन डेटा हैं जो अननोन है तो उन तीन डेटा को जो अननोन डेटा है उनकी इक्वेशन वैल्यू निकालनी है तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए कम से कम तो तीन इक्वेशन निकालने के लिए हमें कम से कम तीन डेटा इसमें अप्लाई करने पड़ेंगे जैसे कि तीन पॉइंट पहला पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तीसरा पॉइंट मान लिया कि भाई पहला पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन कॉमा वाई वन दूसरा पॉइंट दिया है एक्स टू कॉमा वाई टू और तीसरा पॉइंट दिया है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री अगर आपको ये तीन पॉइंट दिए गए हैं तो ये तीन पॉइंट से पास करने वाला सर्किल है तो वन बाय वन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे सर्किल की इक्वेशन के अंदर तो वहाँ से आपको जी एफ और सी में तीन इक्वेशन मिलेंगी तीन इक्वेशन से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से अपना आंसर आ जाएगा एक तरीका तो ये हो गया ठीक है तो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ वो पूरा जो भी डेटा दिया रहेगा आपको एग्जाम में वो डेटा पुट करेंगे तो इजीली वो इक्वेशन सॉल्व आपस में हो जाएगी कि ये तीनों डेटा पुट करना है एंड सॉल्व सॉल्व थ्री वेरिएबल सॉल्व थ्री वेरिएबल एंड थ्री इक्वेशंस ये अपन इतना लिख के छोड़ देते हैं इसको कि भाई आप लोगों को तरीका समझ में आ गया है कि इस तरह से इसको ट्राई करना है एक अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर तीन पॉइंट दिए हैं इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है तीनों जो पॉइंट है वो क्या होने चाहिए नॉन कोलीनियर होने चाहिए ये अंडरस्टूड है या ये पहले से पता होना चाहिए क्योंकि अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन में हो गए तो तीन पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो उनसे सर्किल पास नहीं कर पाएगा तो जो हम तीन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और इसको हम दूसरे तरीके समझें कि अगर आपको तीन पॉइंट दिए हैं तो वो तीन पॉइंट से हमेशा क्या बनेगा एक ट्रेंगल बनेगा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा कोई ना कोई एक ट्रेंगल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अगर एक ट्रेंगल एग्जिस्ट करेगा तो हर ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग क्या होगा एक सरकम सर्कल बनेगा बस मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ कि हर तीन पॉइंट से नॉन कोलिनियर से हमेशा एक यूनिक सर्किल पास करेगा तो ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि तीन पॉइंट से ट्रेंगल जो बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग इन वर्टेक्स से एक सर्कम सर्किल एग्जिस्ट करता है तो वहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि सर्किल की जो इक्वेशन आएगी वो यूनिक आएगी और सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है तीनों पॉइंट को पुट करो सॉल्व कर दो आपस में वैसे भी कर सकते हैं या आप चाहो तो इस ट्रेंगल का सरकम सेंटर भी फाइंड कर सकते हो जो सर्कम सेंटर होगा वही उस सर्किल का क्या होगा सेंटर होगा और सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं कि दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेटर्स दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेकटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से भी आप उस सर्किल का सेंटर फाइंड कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से ये जो तरीका है पहला वाला ये सफ़ीशियंट है इससे अपना काम भी आसानी से हो जाता है आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो फॉर्म है दैट इज़ पैरामेट्रिक फॉर्म अब ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट फॉर्म क्यों है क्योंकि देखिए हमेशा जब भी अपन को सर्किल पे कोई पॉइंट वगैरह एज्यूम करना है तो सर्किल पे आप जब भी कोई पॉइंट एज्यूम करोगे तो हमेशा एक्स कॉमा वाई टाइप से मानना पड़ेगा तो हमेशा आपको दो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है तो पैरा फॉर्म का जो मेन यूज़ है कि हमको ज़्यादा वेरिएबल्स को यूज़ ना करना पड़े कम वेरिएबल्स में हमारी कैलकुलेशन हो जाए उसके लिए हम पैरा फॉर्म डिफाइन करते हैं तो देखो सर्किल की हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सर्किल के लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो हम स्टैंडर्ड सर्किल के लिए बनाएंगे और उसी को जनरलाइज कर देंगे जनरल सर्किल के लिए तो स्टैंडर्ड सर्किल की क्वेश्चन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर स्क्वायर या इसको मैं हाँ पे हूं, ए तो यहाँ पे ले तो सेंटर हो जाएगा जीरो जीरो और ए हो जाएगा सर्किल का रेडियस तो आप देखो अगर इसका डायग्राम बनाए अपन तो डायग्राम इस तरह से आ रहा है कि सेंटर जीरो जीरो है रेडियस ए है ठीक है भाई अब मैं मान लेता हूँ कि सर्किल पर एक पॉइंट पी है पी पॉइंट सर्किल पे मूव कर रहा है मुझे उस पॉइंट का पैरा फॉर्म डिफाइन करना है तो पैरा का मतलब है कि एक कोई टर्म है पैरामीटर पैरामीटर का मतलब <coughs> अगर पॉइंट वैरी करेगा तो उसमें कोई ना कोई टर्म होगा वेरिएबल जो वैरी कर रहा होगा जिसकी वजह से कि हमको सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं तो इन जनरल हम पॉइंट का मान रहे थे कि भाई एक्स कॉमा वाई जो इस पर लाई कर रहा है अब मैंने पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया सेंटर से और एज्यूम कर लिया कि इसका थीटा एंगल बन रहा है जैसे जैसे ये पॉइंट मूव ये डिस्टेंस कितनी है ए तो जब जब पॉइंट मूव करेगा जब जब पॉइंट मूव करेगा सर्किल के ऊपर तो डिस्टेंस तो उसका ए ही रहेगा बट उसका एंगल वेरी करेगा उसका एंगल वेरी करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपने दो दो जो कोऑर्डिनेट माने हैं एक्स और वाई दो वेरिएबल मानने की बजाय हमारा जो पूरा पॉइंट है पॉइंट जो है वो केवल थीटा पे डिपेंड कर सकता है केवल और केवल थीटा पे डिपेंड कर सकता है तो हमको दो दो अलग अलग वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है मतलब अगर मैं रिलेट करना चाहूं ये पॉइंट यहां पर है तो ये लेंथ आ रहा है ए कॉस थीटा दिख रहा है सब लोगों को ये ए है तो ये आ रहा है ए कास थीटा और ये आ रहा है ए साइन थीटा क्योंकि इसका कंपोनेंट आ जाएगा ये साइन थीटा ट्रैंगल से दिख ही रहा है राइट एंगल ट्रेंंगल है ये नाइन्टी एंगल हो जाएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यार ये जो एक्स आ रहा है वो ए कॉस थीटा के बराबर आ रहा है और जो वाई आ रहा है वो ए साइन थीटा के बराबर आ रहा है तो ए कॉस थीटा एक्स की जगह ए कोस थीटा मान लिया और वाई की जगह ए साइन थीटा मान लिया इसे ही हम बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्किल तो देखो x को भी थीटा से लिंक कर दिया y को भी थीटा से लिंक कर दिया थीटा क्या उन एंगल है जो कि जीरो से टू पाई तक मूव कर रहा है थीटा जीरो से टू पाई तक पूरा एंगल घूम रहा है तो वो अगर सारे पूरा टू पाई एंगल घूम लेता है तो वो सारे पॉइंट कवर कर लेगा वो सारे पॉइंट कवर कर लेगा तो वही अपनी इक्वेशन हो जाएगी सर्किल का पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा तो कई बार आपको वो सर्किल कंबाइन ना देके सर्किल को इस तरह से भी दे सकता है कि अगर आप थीटा थीटा अपना क्या है यहाँ पर थीटा इज पैरामीटर क्योंकि जो वेरी कर रहा है टर्म वो ही पैरामीटर है यहाँ पर जो ए आ रहा है ए क्या है ए इज द कॉन्सटेंट टर्म ए क्या है कॉन्सटेंट पैरामीटर क्या है थीटा तो अगर हम थीटा को इन दोनों से एलिमिनेट करते हैं तो एलिमिनेट करने के बाद हमको ये इक्वेशन यहाँ से मिल सकती है कि अगर मैंने इनको स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो वहाँ से अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी आई होप सबको क्लियर है अब अगर मैं सर्किल को जनरल कर देता हूँ मुझे देखो क्या समझ में आया कि यार ये पॉइंट एक टर्म पहला टर्म कॉस में आना चाहिए दूसरा टर्म साइन में क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाएगा और यहाँ पे ए कॉमन आएगा तो इक्वल टू में ए स्क्वायर आ जाएगा तो अगर मेरे को सर्किल दिया है जनरल एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अगर सर्किल दिया है जनरल एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर तो इस केस में सर्किल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा तो देखो भाई हुआ क्या है कि सर्किल शिफ्ट हो गया है पहले सर्किल का सेंटर जीरो ज़ीरो था वो जीरो ज़ीरो से शिफ्ट हो गया है अल्फा कॉमा बीटा पर तो ऑब्वियसली बात है कि अगर सर्किल शिफ्ट हो रहा है तो सर्किल के ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा मतलब अगर यहाँ मैं इस पूरे एक्स को एक थीटा मान रहा था इस बार आपको ये जो पूरा टर्म आ रहा है और ये जो पूरा टर्म आ रहा है इन दो टर्म्स को इसको मानना पड़ेगा कम्बाइंड क्योंकि ए स्क्वायर चाहिए तो इसको मानना पड़ेगा ए थीटा इसको मानना पड़ेगा ए साइन थीटा तो आप लिखोगे एक्स माइनस अल्फा बराबर ए कॉस थीटा और वाई माइनस बीटा बराबर ए साइन थीटा तो एक्स आ जाएगा अल्फा प्लस ए थीटा और वाई आ जाएगा बीटा प्लस ए साइन थीटा तो हम ऐसा बोल सकते हैं देखो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा तो आ ही रहा है जहाँ पर कि ए क्या है ए है रेडियस और जो अल्फ़ा बीटा है और जो अल्फ़ा बीटा है अगर आपको ये पूरा फॉर्म नहीं देखना है डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक्स में अल्फ़ा ऐड होगा वाई में बीटा ऐड होगा और अल्फ़ा बीटा क्या है उस सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो अगर आपको सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है बोलो सर इसका मतलब क्या हो गया तो अगर ले लेता हूँ भाई अगर आपको सर्किल दिया है सपोज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो अगर आपको ये सर्किल दिया है तो आपने और आपको बोला कि इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख के बताइए कि तो सर इसके पैरा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो हम वो डायरेक्टली हमको सर्किल को सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हम सर्किल को जनरल इक्वेशन को देख के ही डायरेक्टली उसका पैरामेट्रिक फॉर्म मान सकते हैं कैसे हमको पता है कि अल्फा बीटा सेंटर आ रहा है और एक रेडियस आ रहा है और सेंटर और रेडियस निकालने का फार्मूला हमारे पास डायरेक्टली है जो सेंटर आएगा वो हो जाएगा वन कॉमा माइनस टू इसका हाफ और माइनस से मल्टीप्लाई इसका हाफ और माइनस से मल्टीप्लाई और रेडियस आ रही है अंडर रूट वन प्लस फोर प्लस फाइव दैट इज़ रूट टेन तो सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखो वन प्लस रूट टेन कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट में आ जाएगा माइनस का टू प्लस रूट टेन साइन थीटा तो ये हो गए अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आई होप सबको क्लियर है कि भाई ये इस तरह से हम पैरामेट्रिक कॉर्डिनेट्स किसी भी सर्किल के लिए अज्यूम कर सकते हैं फ़ायदा क्या है फायदा यह है कि भाई अगर आपने उसको टेग्नोमेट्रिक के टर्म में पॉइंट को मान लिया है तो अपनी पूरी पूरी, -पूरी कैलकुलेशन टेग्नोमेट्रिक में शिफ्ट हो जाएगी प्लस पूरी की पूरी कैलकुलेशन के सिंगल वेरिएबल में डील होगा दो वेरिएबल में डील नहीं करना पड़ेगा तो ये इसका बेनिफिट रहता है पैरामेट्रिक फॉर्म का तो जब क्वेश्चन आएंगे उसमें हम कवर करेंगे चलिए तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं जितने भी मैंने फॉर्म्स पढ़ाए इस पर भी ये जो फॉर्म्स पढ़ाए हैं इस पर भी जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2022 में तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि द एफसीसा एफसीसा ऑफ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू दो पॉइंट हैं पी और क्यू उनके एक्स कॉर्डिनेट वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मैंने मान लिया कि भाई ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स बराबर जीरो इसके एफसीसा हो गए एक्स वन और एक्स टू दो इसके एफ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ऐसे ही उन्हीं दो पॉइंट के पी और क्यू के ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट्स वो किसके रूट से हैं इसी वाले क्वेश्चन के मतलब वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो इसके दो रूट्स मैं मान सकता हूँ वाई वन और वाई टू तो बेसिकली मैंने पी पॉइंट को माना है एक्स वन कोमा वाई वन क्यू पॉइंट को माना है एक्स टू कोमा वाई टू अब क्या बोल रहा है सुनिए ध्यान से अब बोल रहा है कि सर पी क्यू इज द डाया मीटर पी क्यू इज द डाया ऑफ सर्किल दिस डायमीटर ऑफ द सर्किल दिस तो सर्किल निकालना है बेसिकली सर्किल में ये सारे वेरिएबल्स डाले हुए हैं मतलब अगर पी क्यू डाया है तो वो सर्किल क्या रहा होगा वो सर्किल इससे कंपेयर करना है तो भाई सिंपल सी बात है कि डायरेक्टली जो अपने डाया फॉर्म पढ़ा है सर्किल का उससे क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है तो अगर आपको डायमीटर फॉर्म पता हो कि दो पॉइंट हैं और डायमीटर के एंड पॉइंट हैं तो क्या इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इन टू वाई माइनस वाई टू इज इक्व टू ज़ीरोसन आती है अब आप बोलोगे सर टाइम तो लगेगा ना सर अब कि सर एक्स वन एक्स टू सब पता ही नहीं है अब एक्स वन एक्स टू इसवेशन के रूट है वाई वन वाई टू इस इक्वेशन के रूट हैं अब हम इनके रूट्स निकालेंगे फिर रूट्स को पुट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि भाई इसमें लग जाएगा बहुत टाइम अगर आप इसको ऑब्जर्व करो कि यार अगर किसी इक्वेशन के कि अगर आपने क्वालिटी इक्वेशन में बेसिक्स पढ़ा है या क्वालिटी इक्वेशन छोड़िए आपने नाइन टेंथ का जो बेसिक पढ़ा है क्या बेसिक फैक्टर थियोरम कि अगर हम बोलते हैं कि यार ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं एक्स वन और एक्स टू तो हम फैक्टर थियोरम से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बताओ कि अगर किसी इक्वेशन का रूट एक्स वन है तो उसका फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अगर उसका रूट एक्स टू है तो उसका फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस एक्स टू मतलब अगर इसके दो रूट्स हैं तो उसको एज अ फैक्टर अगर इसके ये दो रूट्स हैं तो उसको एज अ फैक्टर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू तो भाई अलग से निकालने की क्या ही जरूरत है आपको डायरेक्टली आपको डायरेक्टली उन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली दिया तो है तो पहले अलग से रूट निकालेंगे फिर रूट्स को वापस से पुट करेंगे फिर वापस से मल्टीप्लाई करेंगे इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जर्व करना है अच्छे से कि भाई जो जिन दो टर्म का मल्टीप्लाई मेरे से पूछा है वो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है क्योंकि इसके भी रूट्स x1 और x2 टू ही आ रहे हैं और इस इक्वेशन के रूट भी x1 और x2 हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनेगी आपको डायरेक्टली सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है तो भाई ये जो टर्म दिया हुआ है इनका मल्टीप्लाई डायरेक्टली उसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स और सेम तरीके से वाई वन वाई टू इसके रूट्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू और यही तो हमको चाहिए यहाँ पे y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू ही तो चाहिए तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आप देखिए जो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी वैसा ही कुछ फॉर्मेट में हमको इक्वेशन मिल जाएगी या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस थर्टीन इक्वल टू ज़ीरो ऐसा हम बोल सकते हैं तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म पर क्वेश्चन और क्वेश्चन देख रहे हैं देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेन टू थाउजेंड नाइनटीन इसमें देखिए एक लोकस का क्वेश्चन पूछा गया है तो लोकस का क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे और अगर आपको सही तरीका क्लिक नहीं करेगा तो आप उसको थोड़ा लेंदी वे में कर सकते हैं तो मैं इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया टेक्निक सिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से इस पर्टिकुलर टाइप के अगर कोई लोकस का क्वेश्चन आता है तो उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं तो देखिए डेटा में क्या क्या दिया गया है पहले वो देखते हैं डेटा में आपको दिया गया है इफ़ ए सर्किल ऑफ़ रेडियस आर एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है पासिंग थ्रू ऑरिजिन ओरिजिन से पास कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है देन लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर देन लोकस ऑफ फुट ऑफ़ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए बी ओ से ए बी पर जो लोकस ऑफ फ़ुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा तो अगर हम बात करें प्रॉपरली देखो तो अगर हम डायग्राम बने सबसे सबसे पहले कि एक सर्किल है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को और कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है तो ये ओ पॉइंट है ये कट कर रहा है ए पॉइंट पर ये कट कर रहा है बी पॉइंट पर तो अगर यहाँ पर ये ओ पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है और ए बी सॉरी ए ओ और बी ओ पॉइंट 90 सपटेंड कर रहे हैं तो ए बी को क्या होना पड़ेगा ए बी को डायामीटर होना पड़ेगा अगर ए बी डाया है अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ओ से ओ पॉइंट से ए बी पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ओ से जो ए बी लाइन है उस पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा उसका लोकस क्या होगा अब लोकस वाले क्वेश्चन के लिए हम करते क्या हैं हमने जो बेसिक सीखा है स्ट्रेट लाइन में कि भाई जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मान लो जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के एज्यूम करेंगे अब जो भी डेटा दिया गया है उसके हिसाब से एच कॉमा के पर जो जो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि हमें एच और के को रिलेट करना है और गिवन डेटा की हेल्प से कंडीशंस को लगाना है तो क्या क्या कंडीशन दी है कि रेडियस कैपिटल आर है ठीक है भाई तो सिंस ए बी जो है ए बी डाया हो गया है तो हम ए बी को बोल सकते हैं कि वो टू आर होगा अब ये पॉइंट है ज़ीरो को ज़ीरो इससे परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है और ये टोटल लेंथ पता है तो टोटल लेंथ पता है उसके लिए मुझे ए पॉइंट पता होना चाहिए बी पॉइंट पता होना चाहिए तो अगर आपने ए और बी पॉइंट को अज्यूम किया वेरेबल्स फिर आपके मन में क्या तरीका आएगा कि इसको अल्फ़ा कॉमा जीरो मान लेते हैं इसको ज़ीरो कॉमा बीटा मान लेते हैं आपने इस तरह से पॉइंट एज्यूम कर लिए और फिर आपने लाइन की इक्वेशन निकाली फिर आपको लगाना पड़ेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला उससे क्या होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेट इक्वेशन हो जाएगी भाई अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको वो हमेशा वो आपको हमेशा कब लगाना है कि जब भी जब भी आपको कभी कि, किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है किससे ओरिजिन से अगर ओरिजिन से किसी भी लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है समझ में आई बात कि तो जो तो तरीका बताऊंगा वो लगाओगे तो हमेशा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा क्योंकि आप लाइन निकालने के लिए डेटा अज्यूम कर रहे हो ये अज्यूम कर रहे हो ये अज्यूम कर रहे हो तो उसमें हो रहा है टाइम वेस्ट क्योंकि वे, वेरेवर्स बढ़ गए मैं कह रहा हूं कि मैं एक भी वेरिएबल नहीं मानूंगा बिना एक भी वेरिएबल माने मैं इसकी इक्वेशन को निकाल दूंगा, और ये जो तरीका है ये जरूरी नहीं सर्किल में काम आए सर्किल के अलावा पैरा बोला एलिप्स हाइपर बोला किसी भी चैप्टर में किसी भी लाइन या टेंजेंट के ऊपर सेंटर से या ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसका लोकस पूछा जाएगा तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट तरीका है बिना किसी ज़्यादा वेरिएबल माने बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ध्यान से देखिए भाई सब लोग अगर आपको ये ज़ीरो ज़ीरो दिया है ये एच कॉमा के दिया है ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए ये लाइन की इक्वेशन मिलेगी तब जाके ही सॉल्व हो पाएगा तो हमने क्या करा कि इसकी स्लोप हमको पता है ये लाइन की स्लोप हो जाएगी के बाय एच के माइनस ज़ीरो अपॉन एच माइनस ज़ीरो अगर इसकी स्लोप पहले से पता है और जो ए बी लाइन है वो इसके हमेशा परपेंडिकुलर है क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर पेंडिकुलर का लोकस निकाल रहे हैं तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस एच बाय के इसका स्लोप हो जाएगा माइनस एच बाय के तो अब आपको ए बी लाइन का स्लोप भी पता है ए बी लाइन का पॉइंट भी पता है तो हम बोल सकते हैं कि वाई माइनस के y माइनस वाई वन इजिक्वल्स टू माइनस एच बाई के इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो यहाँ से आएगा के वाई माइनस के स्क्वायर बराबर माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायेर तो देखिए आपको डायरेक्टली एच और के में इक्वेशन मिल गई ये आपको एच और के में डायरेक्टली ए बी की इक्वेशन मिल गई हमको एक भी वेरिएबल नहीं अज्यूम करना पड़ा अब अगर ये हमारे पास ए बी का इक्वेशन आ गया है तो ये लाइन कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर और ये कट कर रही है वाई एक्सिस पर तो अगर आपको ए पॉइंट निकालना है तो ए पॉइंट के लिए वाई को ज़ीरो पुट कर देंगे तो अगर मैंने वाई को ज़ीरो पुट कर दिया तो आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच कॉमा ज़ीरो और अगर बी पॉइंट के लिए वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो आप एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे आपने अगर एक्स को जीरो पुट किया तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के तो ये आ गए अपने दोनों टर्म ए और बी बिना किसी वेरेबल का जूम किए पहले से ही एच और के के टर्म्स में आ गए और हमें तो एच और के का ही तो रिलेशन चाहिए अब देखो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है यही ओ ए लेंथ के बराबर है कि जहाँ कट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट वही ओ ए लेंथ के बराबर है ये जो आ रहा है यही ओ बी लेंथ के बराबर है तो आपने ये लेंथ भी फाइंड कर लिया ये लेंथ भी फाइंड कर लिया और ये टोटल लेंथ तो हमको पहले से पता है टू आर है तो हम लगा सकते हैं पाएथे हम बोल सकते हैं कि भाई ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर टू आर का होल स्क्वायर अगर दोनों की वैल्यू पुट कर दे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इजिक्वल्स टू फोर आर स्क्वायर अगर आप देखें तो इसमें से कॉमन लेंगे इसका इसका भी होल स्क्वायर आएगा इसका भी होल स्क्वायर आएगा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन आया यहाँ से बच रहा है वन अपॉन एच स्क्वायर वन अपॉन के स्क्वायर वो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर के स्क्वायर इजिक्वल्स टू फोर आर स्क्वायर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका होल क्यूब हो जाएगा तो यहाँ से सी आंसर अपना मैच कर जाएगा एच की जगह लास्ट में एक्स और के की जगह वाई रिप्लेस कर देंगे ठीक है भाई तो इस तरह से लोकस का क्वेश्चन बन सकता है <laughs> इसमें देखिए अपने ऐसे कोई खास फॉर्म काम नहीं आया और ऐसे कोई ख़ास अपन को आगे की कोई थ्योरी भी नहीं पढ़नी पड़ी फिर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आ गया इस तरह से सर्किल में अगर हम बात करें जेई मेन का जो रिसेंट नया वाला सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए बात करें तब भी इस टाइप के क्वेश्चन तो बन सकते हैं लोकस के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको जो बेसिक आइडिया है वो दिमाग में रखना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंटरसेप्ट ऑफ द सर्किल ऑन द एक्सिस अब हम सर्किल के फॉर्म सारे कवर हो गए अब हम सर्किल्स में क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं वो सब हमको पढ़ना है तो पहला है इंटरसेप्ट ऑफ़ द सर्किल ऑन द एक्सिस कि भाई देखो इन जनरल कोई भी अगर सर्किल होगा या तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर सकता है अगर अपना सर्किल एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो मैंने अज्यूम कर लिया जरूरी नहीं है हमेशा कट करे, कट कर भी सकता है और नहीं भी अगर कट कर रहा है तो उसका जो पार्ट कट होगा एक्स एक्सिस पर जैसे कि कट किया ए पर और बी पर सर्किल ने कट किया ए पर और बी पर एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट किया सी पर और डी पर y एक्स को कट किया c पर और d पर तो आपको ए बी लेंथ और सी डी लेंथ को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे और हमको सर्किल दिया हुआ है कौन सा वाला जनरल सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इस सर्किल का x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट आएगा वो हमें देखना है तो देखो भाई पहले हम बात करते हैं ए बी के लिए अगर सर्किल अगर सर्किल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट मान लिया भाई पॉइंट किस टाइप का आएगा ये पॉइंट आएगा एक्स वन कॉमा जीरो जीरो अगर सर्किल एक्स एक्सिस पर है तो उस टाइम पर क्या जीरो रहेगा वाई की वैल्यू तो हम क्या करेंगे अगर मैंने y को जीरो पुट कर दिया कि जो सर्किल आ रहा है वो किससे कट कर रहा है x एक्सिस से और x एक्सिस का मतलब होता है इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस का मतलब होता है भाई y इक्व टू ज़ीरो तो मैंने y को ज़ीरो पुट कर दिया जब y को ज़ीरो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी बराबर जीरो बचेगा और जो यहाँ से बच रहा है वो टू डिग्री की इक्वेशन मिल रही है मतलब ये देखो ना सर्किल दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके जो दो वैल्यू आएंगी वो किसकी होंगी वैल्यू एक्स वन और एक्स टू की ही तो होंगी इसके जो दो रूट आएंगे वो एक्स वन और एक्स टू ही तो होंगे भाई ठीक है अब हमारा काम क्या है हमको ए बी लेंथ फाइंड करना है तो ए बी लेंथ किसके बराबर होगा क्योंकि ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है तो हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होती है वो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर होगी हॉरिजेंटल डिस्टेंस किसके बराबर होगी दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर अब मेरे को चाहिए एक्स वन माइनस एक्स टू और x1 x2 कहां से मिल रहा है ये जो क्वाड्रेटिक आ रही है इसके रूट्स हैं x1 और x2 तो हम क्या कर सकते हैं हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ रूट और हमें इस क्वाड्रेटिक से क्या पता रहेगा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो देखो भाई मैंने लिख दिया एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस का टू जी अपॉन वन और एक्स वन एक्स टू हो जाएगा सी बाई ए दैट इज़ सी अपॉन वन अब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट से हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बहुत ही स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिससे कि हम सम ऑफ द रूट से डिफरेंस ऑफ रूट तक पहुंच सकते हैं तो आप देखिए भाई ध्यान से मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू तो ये बन जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए तो हो जाएगा फोर जी स्क्वायर माइनस का फोर सी तो ये फोर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा अंडर टू टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी तो ये आ गया सर्किल का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट तो सेम तरीके से अगर मैंने x पे निकाला है तो वाई पे भी अगर मैं इंटरसेप्ट निकालता हूँ तो वाई पे जो इंटर सी डी आएगा वो वाई वन माइनस वाई टू आएगा कि भाई एक पॉइंट जीरो कॉमा वाई वन हो जाएगा एक पॉइंट जीरो, कॉमा वाई, टू एक जीरो कॉमा वाई टू हो जाएगा और इसी में अगर हम y x को जीरो पुट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इसके जो रूट्स होंगे वो y1 और y2 ही तो होंगे इसके जो रूट्स होंगे तो सेम तरीके से हम डिफरेंस ऑफ रूट निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख देता हूँ वो आता है टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी ठीक है भाई तो ये होगा किसी सर्कल के एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट ठीक है अब इसमें अगर इंटरसेप्ट मालू सर सर्किल तो कट ही नहीं कर रहा सर इंटरसेप्ट ही नहीं बन रहा है इसका क्या मतलब निकलेगा तो हम बोल सकते हैं कि भाई देखो ये टर्म रूट के अंदर आ रहा है तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो सर्किल कट करेगा है ना कट कट एक्स एक्सेस अगर जी स्क्वायर माइनस सी ज़ीरो आ रहा है तो सर्किल टचेस सर्किल टचेज एक्स एक्सिस और जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो आ रहा है मतलब अगर अंडर रूट में टर्म नेगेटिव आ गया मतलब ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा सर्किल नीदर इंटरसेक्ट नॉट टच क्या एक्स एक्सिस और सेम तरीके से वाई एक्सिस के, के केस भी बन सकते हैं तो ये हो गया अपना इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल का थियोरी तो ये फार्मूला जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ काम में ले सकते हैं अगर याद नहीं है तो आप डायग्राम में बना के उस टाइम पे निकाल सकते हैं चीज़ों को आपको प्रूफ पता होना चाहिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग है स्पेशल केसेस ऑफ सर्किल इसका क्या मतलब है कि भाई आपको मान लीजिए कि भाई सर्किल जो दिया है, है ना कुछ डेटा दिया गया है और सर्किल निकालना है तो सर्किल निकालने के लिए आप पूरी पूरी जनरल इक्वेशन को एज्यूम करेंगे कि हाँ सर ये पूरी इक्वेशन है अब इसको इससे पास कराएंगे अब ये इसका इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है तो कुछ स्पेशल केसेस में आपको पूरी इक्वेशन ना मान के आप सारा काम ज्योमेट्री के अंदर ही कर सकते हो सारा काम ज्योमेट्री के अंदर ही कर सकते हो तो पहला केस जैसे कि अगर आपको बोला गया है कि कोई सर्किल एज्यूम करना है कई बार ऐसा होता है ना आपको सर्किल एज्यूम करना है और कुछ स्पेशल केस दिया हुआ है तो आपको पूरा क्वेश्चन एज्यूम नहीं करना है आप उसका स्पेशल डायग्राम बना के कुछ वेरिएबल को आप पहले ही कम कर दोगे आप इन जनरल जब सर्किल मानोगे तो क्या मानोगे कि सर्किल में तीन वेरिएबल मानने पड़ेंगे फिर एक एक करके एक एक वेरिएबल को हटाएंगे अगर कुछ वेरिएबल अपने पहले ही कम हो जाए अगर कुछ वेरिएबल पहले ही कम हो जाए तो फ़ायदा हो जाएगा तो पहला केस मैं ले रहा हूँ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस अगर कोई सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो पहले से गिवन है कि सर्कल टच कर रहा है तो आप वो चीज़ पहले ही डायग्राम में बना लो ना भाई आप बिना डायग्राम बनाए पहले पूरा सर्कल मानेंगे वो क्यों करना है अगर ये मैंने मान लिया है <coughs> तो क्या क्या चीज मैं बोल सकता हूँ देखो अगर सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को सेंटर है एच कॉमा के तो उसका जो रेडियस होगा वो भी हो जाएगा मॉड के क्यों क्योंकि भाई जो वाई कोऑर्डिनेट होगा टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को तो यहां से यहां तक रेडियस होगा और वो रेडियस वाई कोऑर्डिनेट के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ये जो डिस्टेंस होगा वही वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा तो रेडियस को भी मैं के ही मान लूंगा ना तो अल्टीमेटली मेरे कितने वेरिएबल आए देखो दो वेरिएबल एक एच वेरिएबल एक के रेडियस वाला वेरिएबल तीसरा मेरा होता लेकिन मैंने उसको के के टर्म में ही मान लिया तो मेरा टाइम बच गया मॉड क्यों क्यों लिखा है क्योंकि मुझे पता नहीं ना सर्किल टचिंग है एक्स एक्सेस में तो वो नेगेटिव में भी तो हो सकता है तो भले ही के नेगेटिव हो लेकिन रेडियस में तो पॉजिटिव होना चाहिए अगर ये सर्किल आप सेंटर मान लिया है रेडियस मान लिया है तो सर्किल की आप इक्वेशन लिख पाएंगे ना एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड के का स्क्वायर तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि जैसे इतना दिया गया है तो आपने सर्किल पहले ही इतना मान लिया तो पहले से ही आपने एक वेरिएबल को कम कर दिया आपको तीन तीन वेरिएबल को दिखाना फिर उसको फॉर्मूला लगा के एलिमिनेट करना ये सारा काम ना करके अपन डायरेक्टली इक्वेशन मान सकते हैं जिसमें कि के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कट जाएगा तो थोड़ी सी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो इस टाइप से हम बोल सकते हैं सिमिलरली ये मेरा पहला केस था अगर आपको बोला है कि दूसरा केस क्या है कि सर्किल टचिंग वाई एक्सिस अगर सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है सर्किल टचिंग वाई एक्सिस तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि भाई सर्किल में कुछ ऐसा मान सकता हूँ स्पेशल केस में अब वो ज़रूरी यहाँ वो यहाँ पर भी हो सकता है वो सर्किल थर्ड फोर्थ में भी हो सकता है थर्ड वो किसी भी क्वार्टर में पॉसिबल है तो बस आपको करना क्या है आपको सेंटर मानना है एच कॉमा के रेडियस जो होगी वो मॉड एच हो जाएगी तो अभी भी हमारा काम केवल दो वेरिएबल में हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि भाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एच का स्क्वायर इस तरह से हम मान सकते हैं अगर आपको दिया है कि भाई सर्किल जो है तीसरा केस सर्किल टचिंग सर्किल टचिंग बोथ द एक्सेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर सर्किल दोनों एक्सेस को टच कर रहा है एक्स और वाई एक्सेस को टच कर रहा है तो उस केस में अपन जो सर्किल मान सकते हैं वो मान सकते हैं कि भाई इस टाइप से हो जाएगा भाई कि एक्स को भी टच कर रहा है और वाई को भी टच कर रहा है जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है ना भाई ठीक है अब इस केस में अपने लिए सर्किल मानना और भी आसान काम हो गया है क्यों अगर वो एक्स एक्स को भी टच कर रहा है वाई को भी टच कर रहा है तो जो सेंटर होगा वो मैं आर कॉमा आर मान सकता हूँ क्या क्यों क्योंकि ये डिस्टेंस ये भी रेडियस आर है ये भी आर है ये नाइन्टी है ये नाइन्टी है ये नाइन्टी है तो चौथा एंगल भी क्या हो जाएगा नाइन्टी हो जाएगा चारों नाइन्टी हो गए ये आर है ये आर है तो ये स्क्वायर बन चुका है स्क्वायर बन चुका है तो ये भी आर हो जाएगा तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस भी एक्स का डिस्टेंस भी आर हो गया वाई का डिस्टेंस भी आर हो गया तो सेंटर का कॉर्डिनेट हो जाएगा आर कॉमा आर मतलब पूरा काम अपना एक ही वेरिएबल में हो जाएगा बट अगर अपन सर्किल इस तरह से मानते हैं तो इस केस में आर जो अपन मान रहे हैं वो तो पॉजिटिव है तो इस केस में सेंटर मानना पड़ेगा आर कॉमा माइनस आर मतलब जो भी रहेगा वेरिएबल तो एक ही रहेगा सेंटर आर कॉमा आर टाइप का होगा या आर कॉमा माइनस आर टाइप का होगा चार सर्किल पॉसिबल है तो हम सर्किल के क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर क्योंकि सेंटर आर कॉमा आर हो सकता है आर कॉमा माइनस आर हो सकता है माइनस आर कॉमा आर हो सकता है और माइनस आर कोमा माइनस आर हो सकता है तो चारों केस मैंने ले लिए हैं जो भी सेंटर दिया रहेगा क्वाड्रेंट दिया रहेगा उसके हिसाब से आप अज्यूम कर लेंगे इससे क्या होगा कि पूरा इक्वेशन अपन ने पहले से ही पूरी जो इक्वेशन है वो अपन ने पहले से ही एक वेरिएबल में एज्यूम कर ली है उस एक वेरिएबल को निकालने के लिए डेटा दिया जाएगा उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं या फिर कभी आपसे बोल दिया कि सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन सर्किल पासिंग थ्रू ऑरिजिन आपको ओरिजिन से पास करता हुआ सर्किल एज्यूम करना है तो वो कैसे एज्यूम करेंगे तो उसके लिए हम बोलेंगे ठीक है भाई सर्किल अगर धीरे धीरे से पास कर रहा है तो लॉजिकली सर्किल की जनरल इक्वेशन आएगी उसमें आप जीरो जीरो पुट कर दो तो जीरो जीरो पुट करने पे क्या होगा सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो सी का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो आप डायरेक्टली मान सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई बराबर जीरो कॉन्स्टेंट हम मानने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली अपन यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे और भी कई फॉर्म्स बन सकते हैं हमको रटने की जरूरत नहीं है किसी भी फॉर्म को जो भी लैंग्वेज दी गई है उसके हिसाब से डायग्राम बनेगा डायग्राम के हिसाब से देखना है कि कितने वेरिएबल्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है ठीक है उसके हिसाब से काम करेंगे चलिए इसमें हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन तो इंटरसेट फॉर्म पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो देखिए ये मैं जेई का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें दिया गया है कि सर्किल है एक जो टच कर रहा है वाई एक्सिस को जीरो कॉमा सिक्स पर एक सर्किल है जो Y एक्सिस को जीरो कॉमर सिक्स पर टच कर रहा है एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट उसका जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है सिक्स रूट फाइव ऑन द X एक्सिस सर्किल X एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट कट भी कर रहा है अब हमको इंटर जो X एक्सिस का इंटरसेप्ट की लेंथ वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं करना है उसके लिए आपको पूरा सर्किल मानना पड़ेगा फॉर तीन तीन वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप इस टाइप के क्वेश्चनों को पहली प्रायोरिटी पर पहली प्रायोरिटी पर आपको ट्राई करना है कि क्या पता वो जो डेटा दिया गया है वो डायग्राम में ही सिंप्लीफाई हो जाए तो अपना काम आसान हो सकता है तो हम क्या करेंगे पहले जो डेटा दिया गया है उसको डायग्राम बनाते हैं कि अगर वो जीरो पे सिक्स टच कर रहा है तो ये मैंने पॉइंट मान लिया जीरो कॉमर सिक्स जीरो सिक्स टच करते हुए सर्किल कुछ इस टाइप का बनेगा जीरो कॉमर सिक्स पर टच करते हुए सर्किल और X पे कट कर रहा है इंटरसेप्ट अब मुझे पूछा है रेडियस तो सिर्फ रेडियस निकालना है तो देखो सेंटर मैंने सी मान लिया या सेंटर को ज्वाइन कर दिया जहाँ टच कर रहा है तो यहाँ तक का जो ये जो डिस्ट और यहाँ से ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर अगर ये कट कर रहा है ए और बी पर और टोटल लेंथ ए बी का जो लेंथ है सिक्स रूट फाइव है तो हमको ये अच्छे से पता है कि सेंटर से सर्किल की किसी भी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो हर एक की लेंथ हो जाएगी थ्री रूट फाइव और टोटल लेंथ है सिक्स रूट फाइव तो हाफ हाफ हो जाएगा हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर सी से लेकर ए तक का जो तो डिस्टेंस होगा वो आर होगा ये थ्री रूट फाइव है और अगर ध्यान से देखें तो ये लेंथ अगर सिक्स आ रहा है तो ये भी एक्स एक्सिस से ही डिस्टेंस आ रहा है ये भी कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा तो भाई आपको देखो आपको रेडियस निकालना था तो इसी ज्योमेट्री के अंदर ही एक ट्रायंगल बन गया है वहाँ से आप डेटा इजीली फाइंड कर सकते हैं मतलब थ्री रूट फाइव का होल स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इजिक्वल टू आर स्क्वायर तो आर की वैल्यू आ जाएगी थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी फाइव तो ये हो जाएगा एट्टी वन तो आंसर आ जाएगा नाइन तो देखिए आप ये जो क्वेश्चन जेई में पूछा गया है तो जेई में कुछ क्वेश्चन थोड़े से अगर लॉजिकल आपको चीजें पता है तो वो आसानी से किया जा सकता है तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस रखनी है आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल किसी भी एक पॉइंट का सर्किल के रेस्पेक्ट में पोजिशन कैसे बताएंगे तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आपको जो सर्किल दिया गया है उसको हम एस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हमने मान लिया कि ये हमारा जनरल सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो अब आपको बोला गया कि ये सर्किल है और एक पॉइंट पी पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन अब ये जो पॉइंट है वो सर्किल के अंदर भी हो सकता है सर्किल के बाहर भी हो सकता है सर्किल के ऊपर भी हो सकता है तो हम चेक कैसे करेंगे डायरेक्टली बिना डायग्राम बनाए हमको चेक करना है मैथमेटिकली कि यार ये पॉइंट कहाँ होगा तो देखो इसका सिंपल तरीका चेक करने का आपको सर्किल दिया हुआ है मतलब सेंटर पता है उसका माइनस जी माइनस एफ हम क्या करेंगे सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे पी पॉइंट से अगर ये पी पॉइंट सर्किल के बाहर है तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस आएगा अगर ये पी पॉइंट सर्किल के बाहर है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस आएगा वो रेडियस से हमेशा बड़ा आएगा मतलब हमको एक ऐसी कंडीशन लगानी है जो डिसाइडिंग फैक्टर हो कि हाँ इस कंडीशन से या तो पॉइंट अंदर आएगा या पॉइंट बाहर आएगा तो इससे इसका जो डिस्टेंस आएगा अगर पी अपन मान के चल रहे हैं कि हम पॉइंट बाहर आ रहा है अगर पी पॉइंट बाहर आ रहा है उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन तो हम बोल रहे हैं कि जो सी पी डिस्टेंस आ रहा है वो आर से ग्रेटर देन आएगा अगर यही पॉइंट अंदर होता सी पॉइंट पी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर होता तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस से कम आएगा इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ यहाँ से मेरी जो भी कंडीशन बनेगी वही उस पॉइंट के बाहर लाई करने की कंडीशन हो जाएगी देखते हैं वो कंडीशन क्या आती है तो C से लेकर P तक का जो तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका मैंने दोनों तरफ कर दिया स्क्वायर क्योंकि मुझे पता है कि दोनों फार्मूले में रूट आता है तो जाएगा एक्स वन प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर स्क्वायर अब आर का फार्मूला क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसको मैंने सिम्प्लीफाई किया एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो ये इससे कैंसिल आउट तो अगर आप ध्यान से देखें तो कंडीशन आ रही है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो तो अगर आप कंडीशन को देखें तो कंडीशन इस टाइप की आ रही है कि वो आसानी से याद किया जा सकता है इस कंडीशन को कैसे याद कर सकते देखो ये जो अपने पास आ रहा है टर्म ये ऑलमोस्ट सर्किल का जैसा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि पहला टर्म एक्स स्क्वायर आ गया वाई स्क्वायर आ गया टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी बस जहाँ जहाँ पर x आ रहा था वहाँ x1 रख देना है जहाँ जहाँ y का टर्म आ रहा है वहाँ y1 रख देना है तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे ये जो टर्म आ रहा है इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे s1 s1 क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमने सर्किल को नाम दिया है s सिंबल से सर्किल को नाम दिया है कैपिटल s सिंबल तो इसी सेम टू सेम एक्वेशन आ रही है x की जगह x1 वन आ रहा है y की जगह y1 वन आ रहा है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये s1 वन के बराबर है फॉर्मूला याद रखने में आसानी रहेगी कि भाई s1 वन जो टर्म आएगा मतलब जो भी पॉइंट दिया है वो पॉइंट डायरेक्टली आपको सर्किल में पुट कर देना है अगर उसको पुट करने पर वो वैल्यू आती है पॉजिटिव अगर उसको पुट करने पे वैल्यू आती है पॉजिटिव तो हम बोलेंगे कि पी लाइज पी लाइज आउटसाइड द सर्किल पी लाइज आउटसाइड द सर्किल अगर इसको पुट करने पर अरे भाई देखो इसको पुट करने पर अगर वैल्यू आती है नेगेटिव इसका मतलब यहाँ साइन अगर लेस देन लिया होगा तभी तो यहाँ लेस देन आएगा तो ऐसा नेगेटिव का मतलब हो गया पी लाइज इनसाइड द सर्किल और अगर एस वन ज़ीरो आ गया पी लाइज ऑन द सर्किल तो ये तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की पोजिशन को सेम तरीके से हमने चेक किया था लाइन के अंदर भी कि उसमें हम पॉइंट को लाइन के अंदर पुट कर रहे थे अगर उनका दो पॉइंट का पुट करने पे सेम साइन आया तो पॉइंट सेम साइड दो पॉइंट को पुट करने पर साइन अपोजिट आया तो वो अपोजिट साइड लाई कर रहे थे वैसे ही कुछ हमने अलग टाइप के लॉजिक से सर्किल के लिए बनाया कंडीशन अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें पॉइंट का पोजिशन का फंडा यूज होगा सर्किल के लिए भी और लाइन के लिए भी हम दोनों के लिए रिवाइज करने वाले हैं तो क्या बोला है कि भाई एक अल्फा निकालना है कि एक पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर इट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट इट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ दिस सर्किल एंड दिस लाइन कहने का मतलब हमें बोल सकते हैं अगर सर्किल को बनाना है तो सेंटर आ रहा है इसका फाइव ज़ीरो रेडियस आ रही है फाइव तो फाइव ज़ीरो है रेडियस फाइव है तो सर्किल कुछ इस टाइप का बन जाएगा फाइव ज़ीरो रेडियस फाइव और एक लाइन है वाई बराबर एक्स ये लाइन और सर्किल से क्या बन रहा है माइनर सेगमेंट तो देखो भाई मैंने लाइन को ड्रॉ किया वाई बराबर एक्स तो इनसे ये ऊपर वाला जो सेगमेंट दिख रहा है वो माइनर सेगमेंट है नीचे वाला क्या है मेजर सेगमेंट है तो क्वेश्चन क्या भाई कि ये पॉइंट उन दोनों के माइनर सेगमेंट में आना चाहिए पॉइंट पी इस रीजन के अंदर आना चाहिए तो अल्फा का क्या इंटरवल होगा तो हमको क्या दिख रहा है कि पॉइंट पी को अगर इन दोनों के बीच में आना है तो पहली बात तो वो सर्किल के अंदर आ गया आप सर्किल के अलग अलग से सोचो लाइन के लिए दोनों की कंडीशन को फिर अपन ले लेंगे इंटरसेक्शन तो पहली बात पॉइंट इस सेगमेंट में आने का मतलब है सर्किल के अंदर आएगा मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर वो इस सर्किल के रेस्पेक्ट में अंदर आना चाहिए तो इसको पुट करने पर एस वन क्या होगा नेगेटिव तो मैंने अगर पुट कर दिया alpha square, alpha की जगह अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर फोर माइनस टेन अल्फा नेगेटिव एक तो हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरी बात ये जो पॉइंट है सर्किल के अंदर में तो ये पूरा आ गया ये पूरा ना आके हमको चाहते हैं कि लाइन के ऊपर भी तो रहना चाहिए ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी तो रहेगा तभी तो दोनों के बीच में आ पाएगा अब अगर ये पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर और ये लाइन है वाई बराबर एक्स ये लाइन है वाई बराबर एक्स तो वाई बराबर एक्स का मतलब क्या निकल रहा है वाई बराबर एक्स का मतलब निकल रहा है कि हर पॉइंट पे इस लाइन के हर पॉइंट में एक्स और वाई बराबर होगा तो इसका मतलब इसका जो सेगमेंट आएगा ऊपर वाला सेगमेंट या नीचे वाला सेगमेंट मतलब वाई बराबर एक्स डिसाइडिंग लाइन हो गई कि इसके ऊपर या तो वाई एक्स में से कोई बड़ा रहेगा या इसके नीचे कोई एकटम बड़ा छोटा रहेगा क्योंकि इस लाइन पे बराबर वाले सारे पॉइंट आ गए तो अगर आप देखो अगर यहाँ बराबर वाले पॉइंट आ रहे हैं अगर मैं ऊपर जाऊँगा वर्टिकल ऊपर जाऊँगा तो मैं इस वाले रीजन में आऊँगा और नीचे जाऊंगा तो इस वाले रीजन में आऊंगा तो ऊपर जाने पे क्या हो रहा है ऊपर जाने पर एक्स तो सेम रहेगा वाई बढ़ जाएगा मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई ऊपर में जो रीजन आएगा उसमें वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में कौन सा टर्म बड़ा रहेगा वाई कोऑर्डिनेट बड़ा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट छोटा हो जाएगा क्योंकि एक्स तो सेम रहा वाई बढ़ गया अगर ये पॉइंट नीचे वाले रीजन में होता तो वाई कोऑर्डिनेट कम होता एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा होता तो सेकंड वाले केस के लिए हम बोल सकते हैं कि P पॉइंट अल्फ़ा का अल्फा स्क्वायर है ये लाई करेगा अबव द लाइन अबव द लाइन y बराबर एक्स तो y बराबर एक्स के ऊपर जाने के लिए y को ज़्यादा होना पड़ेगा x से तो y कोऑर्डिनेट अल्फ़ा स्क्वायर है उसको अल्फ़ा से ज़्यादा होना पड़ेगा जब हम ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा x से और हमें इन दोनों का सॉल्व करना है इंटरसेक्शन दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा वो चाहिए तो अगर सॉल्व करें यहाँ से तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ से आया जीरो वन प्लस माइनस प्लस ये हमने अप्लाई कर दिया वेवी कर मेथड और इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा कॉमन आया तो अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा माइनस टेन लेस देन ज़ीरो तो अल्फ़ा टू सेटिस्फाई कर रहा है देखो इसमें भाई अल्फ़ा का सेटिस्फाई कर रहा है अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस टू एक इसका रूट अगर हिट एंड देखेंगे तो पहला रूट टू आ रहा है और बाकी जो बचे हुए दो रूट हैं वो आप इसमें डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं बट जो दोनों रूट आएंगे वो उसके क्या आएंगे इमेजनरी रूट आएंगे वो इमेजनरी रूट आएंगे तो उसके हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से आया अल्फ़ा का एक रूट ज़ीरो एक रूट टू प्लस माइनस प्लस तो यहाँ से अपना आंसर आया ज़ीरो से टू वाला और यहाँ से आंसर आया वन से इन्फिनीटी और ज़ीरो से छोटा वाला अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो हम दोनों को बनाएंगे एक ही नंबर लाइन पे दोनों को हम एक ही नंबर लाइन पे बनाएंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि ठीक है भाई पहला आ गया ज़ीरो फिर आ गया वन फिर अपना आ गया टू तो यहाँ से आंसर आ रहा है ज़ीरो से टू वहाँ से आंसर आ रहा है जीरो से लेस देन और वन से ग्रेटर देन तो इन दोनों का जो ओवरलैपिंग पार्ट आ रहा है दैट इज़ वन से टू तो अल्फ़ा का इंटरवल हो जाएगा वन से टू इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं पोजिशन ऑफ पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोजिशन ऑफ द लाइन पोजिशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्किल तो एक कोई लाइन है उसका सर्किल के रेस्पेक्ट में पोजिशन क्या होगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्किल दिया है तो या तो कोई लाइन सर्किल को टच करके जाएगी या लाइन सर्किल के बाहर से ले जाएगी या लाइन सर्किल को कट करके जाएगी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर या तो लाइन सर्किल पे टेंजेंट है या सीकेंट है इस लाइन को क्या बोल देंगे अपन सीकेंट जो लाइन कट करके जा रही है दैट इज़ सीकेंट जो लाइन टच करके जा रही है दैट इज टेंजेंट और जो लाइन बाहर से जा रही है दैट इज़ एक्सटर्नल लाइन तो हर केस में कंडीशन क्या होगी ये हमारा जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट केस है टेंजेंट वाला केस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट केस है वो कैसे चेक करेंगे देखो तो भाई आपको क्या दिया सेंटर दिया रहेगा सर्किल का आपको सर्किल की इक्वेशन दी गई है लाइन भी दिया गया है बस चेक करना है कि उसकी पोजिशन कहाँ पर है तो हमने अज्यूम कर लिया कि भाई अभी टेंप्ररी हमने अज्यूम कर लिया कि सर्किल आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ़ वाई ये जनरल सर्किल आपको दिया हुआ है और कोई लाइन लाइन दी हुई है पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस आर इक्वल टू जीरो तो आप क्या करेंगे या लाइन दी हुई है आपको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो सेंटर से हम उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे हम क्या करेंगे सेंटर से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि भाई अगर उस पॉइंट सेंटर कितना हो गया माइनस जी को माइनस है यह आपको दिया रहेगा लाइन दी रहेगी तो सेंटर से लाइन का डिस्टेंस निकालना है और रेडियस से कंपेयर करना है देखो अगर लाइन जस्ट टेंजेंट है तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो तो रेडियस हो जाएगी अगर लाइन अंदर आर कट कर रही है तो वो डिस्टेंस रेडियस से कम होगी और अगर लाइन बाहर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस से ज़्यादा आएगा इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको लाइन दी हुई है इसको प्रॉपर तरीके से लिखूँ तो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर जीरो तो इसका कोई फार्मूला वगैरह नहीं बनता है भाई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कंडीशन कैसे लगानी है कि माइनस जी माइनस एफ सेंटर है और लाइन दी है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू तो ज़ीरो इस पॉइंट से इस लाइन का निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक्स को पुट करेंगे माइनस जी वाई को पुट करेंगे माइनस एफ प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन का होल मॉड इज़ इक्वल्स टू आर फॉर टेंजेंट अगर टेंजेंट बनना है तो आर के बराबर होना पड़ेगा अगर ग्रेटर देन आर है तो एक्सटर्नल लाइन होगा अगर लेस देन आर है तो सीकेंट होगा तो ये उसी टाइम पर जो भी लाइन और सर्किल दिया है अपन अप्लाई कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आने की जरूरत नहीं है केस ऑफ स्टैंडर्ड सर्किल इन केस ऑफ स्टैंडर्ड ये अपन याद करते हैं अलग से कि अगर सर्किल स्टैंडर्ड है मतलब सेंटर क्या है जीरो जीरो और लाइन दी है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि अगर ये लाइन इस सर्किल पे टेंजेंट है तो टेंजेंट होने की कंडीशन क्या होगी देखो अगर मैं जब भी बोलता हूँ कि अप्लाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब है कि वो लाइन आपको अप्लाई क्या करना है ज़रूरी नहीं है फॉर्मूला याद रखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब है कि आपको उस सर्किल के सेंटर से उस सर्किल के सेंटर से लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस के बराबर करना है सेंटर के सर्किल के सेंटर से लाइन का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल अगर आप कर देंगे तो उसी को हम बोल देंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो इस पर्टिकुलर केस में भाई अप्लाई कर लेते हैं सेंटर जीरो जीरो है अगर लाइन को लिखे अपन प्रॉपरली जनरल फॉर्मेट में तो ऐसा आएगा तो जीरो जीरो से डिस्टेंस आएगा जीरो माइनस जीरो प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन का होल मॉड बराबर ए रेडियस के बराबर तो यहां से सी की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए अंडर रूट यही अपनी आ जाएगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर ऐसा हम बोल सकते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई जो आप चाहो तो याद कर सकते हो अपने जब आगे हम टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम ये काम में लेंगे ठीक है भाई आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें लेंथ ऑफ कॉर्ड अब देखिए जो हमने पोजिशन ऑफ लाइन पढ़ा यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई सर्किल दिया है और कोई लाइन उसको कट कर रही है अगर कोई लाइन उसको कट कर रही है तो वो जो दिन जिन दो पॉइंटों पर कट करेगी या जो कॉर्ड बनेगी अगर कोई लाइन कट करेगी तो सर्किल के अंदर क्या बनेगा सर्किल के अंदर बनेगी कॉर्ड ए और बी तो हमें ए बी का लेंथ फाइंड करना है तो ए बी का लेंथ फाइंड कैसे करेंगे तो इस केस में भी कोई फार्मूला याद नहीं रखना है आपको आपको सिर्फ तरीका याद रखना है कि यहाँ पर कैसे अपन को अप्लाई करना है ठीक है तो आपको मान लीजिए जनरल सर्किल दिया हुआ है सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ सर्किल जनरल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो आपको जनरल सर्किल दिया है तो आप क्या करेंगे इसको इस तरह ज्वाइन करेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये मैंने मान लिया डी पॉइंट है और ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा ए डी रेडियस हो गया ए डी लेंथ मेरे को फ़ाइंड करना है ये डी पॉइंट परपेंडिकुलर आ गया अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें सेंटर से ए बी पे जो परपेंडिकुलर जाएगा वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा क्योंकि प्रॉपर्टी है सर्किल का सेंटर किसी भी कॉर्ड पे जब ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा मतलब अगर मुझे ए बी लेंथ फाइंड करना है तो ए बी को मैं लिख सकता हूँ टू टाइम्स ऑफ ए डी ए बी लेंथ को लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ ए डी लेंथ ठीक है भाई अगर टू टाइम्स ऑफ ए डी लिख दिया है तो अगर मैं ए डी लेंथ फाइंड कर लूँगा तब भी काम हो जाएगा आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो एक काम करेंगे ना पहले सी डी लेंथ फाइंड कर लेंगे सी डी लेंथ का मतलब है इस पॉइंट से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको सी डी लेंथ पता होगा आपको आर लेंथ पता होगा तो आप थ्योरम से एडी भी फाइंड कर सकते हैं तो सी डी लेंथ कितना आएगा देखो जी माइनस ऑफ वाई की जगह पुट कर देंगे माइनस एफ प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन का होल मोड ये आ गया सी डी लेंथ अब अब इसकी फार्मूला याद सर बोले इतना सब कॉम्प्लिकेड फार्मूला याद रखना है क्या अरे भाई ये याद नहीं रखना है ये सिर्फ तरीका बता रहा हूँ इस तरह से अप्लाई करेंगे सी डी लेंथ आ गया रेडियस पहले से पता होगी तो ए डी लेंथ आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर तो ए बी लेंथ ये जो भी वैल्यू आएगी इसका टू टाइम्स कर देंगे तो वहाँ से आपको कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी इस तरीके से आपको ये रखना है ठीक है भाई चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन लिया है तो इस क्वेश्चन में भाई देखो ये जो डेटा दिया है आपको इसमें कॉर्ड का ही फंडा यूज़ करना है तो बिना फॉर्मू के आप पूरा क्वेश्चन करेंगे डायग्राम बनाएंगे जो तरीका सिखाया गया वो अप्लाई करना है आपको अलग से फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है क्या दिया गया देखो ये जेई मीन्स में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि मैंने आपको जो भी फंडा सिखाया पिछली बार में लास्ट स्लाइड में उसे वो फंडा यूज़ करना है इसमें क्या दिया है टू सर्किल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिनका रेडियस है आर वन और आर टू दो सर्किल हैं एंड टचिंग कोऑर्डिनेट तो जैसे ही इससे पिछली बार हमने पढ़ा था स्पेशल केसेस स्पेशल केसेस में क्या था कि जैसे ही दो सर्किल टच कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस को तो उसके लिए मैंने बताया था कि डायरेक्ट आप सर्किल एज्यूम कर सकते हैं आपको जनरल इक्वेशन नहीं माननी है तो इसमें दिया गया है कि दो सर्किल हैं और दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं अगर दोनों सर्किल कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं और उनका रेडियस है आर वन और आर टू तो हम क्या करेंगे दोनों सर्किल सेम प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो हम स्टार्टिंग में एक ही सर्किल मानेंगे और हम वेरिएबल आर वन और आर टू की जगह आर वन और आर टू की जगह मानेंगे आर हम वेरिएबल आर वन और आर टू की जगह क्या मानेंगे आर मानेंगे वो आर में ऑटोमेटिकली एक क्वाड्रेटिक आएगा जिसकी दो वैल्यू आएंगी आर वन और आर टू अगर वो बोल रहा है कि दो सर्किल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम एक सर्किल लेके चलेंगे बाद में हमको उसकी दो वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक की हेल्प से मिल जाएगी तो पहली बात तो ये दे दिया तो जैसे मैंने डेटा दिया तो इस डेटा मैंने आपको डायरेक्टली लिखवाया था कि इस केस में हम सेंटर डायरेक्टली आर कॉमा आर मान सकते हैं क्योंकि रेडियस आर दी हुई है तो आपको सर्किल अलग से पूरा एज्यूम नहीं करना पड़ेगा अब क्या बोला है ईच ऑफ देम कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ टू यूनिट वो जो सर्किल है वो टू यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है ऑन द लाइन x प्लस वाई बराबर टू एक्स प्लस वाई बराबर टू कोई लाइन है जिससे जो कट कर रही है मान लो यहाँ पे A पर और B पर तो ए बी पे जो लाइन सेगमेंट कट हो रहा है उसकी लेंथ टू है आपको पहले से लेंथ दिया गया है अगर ए बी की लेंथ आपको दी गई है तो मैं और मेरे को आर की वैल्यू फाइंड करनी है आर वन आर टू का वैल्यू फाइंड करना है तो आप बोल सकते हो कि ठीक है भाई ए पॉइंट पता है ये बी पॉइंट है इसकी लेंथ पता है तो हम फंडा अप्लाई करेंगे कि इस पर ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर क्योंकि जब भी हमको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है या कॉर्ड की लेंथ पता है वो सारा काम डायग्राम में भी किया जा सकता है कि अगर टोटल लेंथ टू है तो ये पार्ट इसका वन हो जाएगा ये पार्ट भी वन हो जाएगा टू है तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर हम सेंटर से ठीक है भाई ये ज्वाइन कर दिया इस तरह से और यहाँ पर परपेंडिकुलर था ये लेंथ वन है ये लेंथ वन है यहाँ से यहाँ तक का जो तो डिस्टेंस होगा वो होगा आर क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा इसका अब आपको कंडीशन अप्लाई करनी है आपको ऑलरेडी क्या दिया गया है इस लाइन की इक्वेशन दी गई है एक्स प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो तो अगर मुझे ए लेंथ पता है मुझे ए डी लेंथ पता है तो अगर मैं ये पी डी लेंथ फाइंड कर लूँगा तो हम इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं और पी डी लेंथ कैसे मिलेगा पी डी लेंथ का मतलब है सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर कॉम आर से डिस्टेंस निकालेंगे तो आर प्लस आर माइनस टू बाय रूट टू ये आ जाएगा आपके पास पी डी लेंथ तो ये भी आर के टर्म्स में है ये भी आर के टर्म्स में है ये डिस्टेंस फिक्स है तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, वहाँ से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी आप बोल सकते हो ए पी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर तो ए पी का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर और मैंने आपको कहा ही था कि देखो आर में क्या मिलेगी क्वाड्रेटिक क्योंकि इस टाइप के सेम प्रॉपर्टी के दो सर्किल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों सर्किल को एक साथ नहीं बनाना है नहीं तो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर कोई भी दो कर्व हैं सेम जोमेट्री को या सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना तो आप एक को एज्यूम करिए ऑटोमेटिकली वहां से वो दोनों के लिए वैल्यू मिल जाएंगी आपको दोनों को एक साथ मानने की ज़रूरत नहीं है तो आर स्क्वायर बराबर पी डी का स्क्वायर हो जाएगा ये लिखा हुआ है अपने टू आर माइनस टू बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा वन का स्क्वायर तो आर स्क्वायर बराबर टू कॉमन ले लेंगे तो फोर टाइम्स आर माइनस वन का स्क्वायर बाई टू प्लस वन ये कट जाएगा टू टाइम्स तो आर स्क्वायर टू टू इसको ओपन कर देंगे भाई टू आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस टू प्लस वन तो यहाँ से आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो इसके हम फैक्टर कर रहे हैं तो आर की वैल्यू आ रही है वन और थ्री तो दो वैल्यू आ रही हैं तो एक को आर वन मान सकते हैं और एक को आर टू मान सकते हैं आर वन आर टू की वैल्यूफ करने पर आपको आंसर मिल जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब अगर आपको सर्किल पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो वो कैसे हम करेंगे तो सर टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए भी तीन अलग अलग डेटा हो सकते हैं जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं पॉइंट फॉर्म कि मतलब अगर आपको बोल दे कि ये पॉइंट है सर्किल के ऊपर इस पॉइंट पर सर्किल की पर टेंजेंट की इक्वेशन बताइए तो कैसे करेंगे तो देखिए पॉइंट फॉर्म का फंडा क्या है कि अगर आपको सर्किल है इस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी पॉइंट ये फॉर्म कब अप्लाई हो रहा है ये फॉर्म अप्लाई कब हो रहा है जब पॉइंट आपको कर्व के ऊपर दिया गया है जब पॉइंट कर्व के ऊपर है तब ये फंडा अप्लाई कर रहे हैं अगर पॉइंट सर्किल के ऊपर नहीं है तब उसके लिए टेंजेंट लिखने का तरीका अलग से अपन देखेंगे तो देखो भाई आपको सर्कल में जनरल मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स ये अपन ने सर्किल मान लिया कि इस पर हमको टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीखना है ठीक है भाई अब मैंने बोला कि ये पॉइंट हो गया यहाँ से अपन ने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए पी पॉइंट पर मतलब लाइन की इक्वेशन चाहिए सेंटर कितना है माइनस जी माइनस एफ तो अगर आप ध्यान से देखो मुझे ये जो लाइन की क्वेश्चन निकालनी है उसमें पॉइंट तो पता ही है कि ये लाइन एक्स वन वाई वन से पास कर रही है लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए अपन को दो डेटा चाहिए एक पॉइंट चाहिए और एक उसका स्लोप चाहिए तो स्लोप के लिए क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन है टेंजेंट इसका जो स्लोप होगा वो सी पी लाइन के क्या होगा परपेंडिकुलर इसको स्लोप मैंने एम इन एम टी बोल दिया मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हम बोलेंगे कि स्लोप सी पी लाइन का स्लोप आ रहा है एम ऑफ सी पी वो कितना आ रहा है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो आ जाएगा माइनस क्योंकि वो लाइन इसके क्या है टेंजेंट जो है वो इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर तो इसका माइनस टाइम्स कर देंगे एक्स वन प्लस जी अपॉन वाई वन प्लस एफ आपके पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट अब स्लोप पता है पॉइंट पता है तो इक्वेशन मिल जाएगा भाई y माइनस वाई वन स्लोप आ गया माइनस का एक्स वन प्लस जी अपॉन वाई वन प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स वन बट इस फॉर्म को याद रखना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा तो हम इसको पहले पूरा ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं कि इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो y का टर्म मल्टीप्लाई y माइनस वाई वन वाई वन प्लस एफ़ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस जी इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो मल्टीप्लाई करने पा रहा है वाई वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस का एफ वाई वन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स एक्स वन माइनस माइनस प्लस का एक्स वन स्क्वायर माइनस का जी एक्स और माइनस माइनस प्लस जी एक्स वन तो इसको सॉल्व करने पे देखो क्या आ रहा है यहाँ से एक्स एक्स वन को इधर लेके आए तो एक्स एक्स वन मतलब अपन कुछ सिमेट्री बनाने का ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर mm. hmm. कि एक्स एक्स वन का टर्म आया एक टर्म आया वाई वाई वन का टर्म आया, आया प्लस तो यहाँ से आ रहा है जी इंटू एक्स यहाँ से आ रहा है एफ इंटू वाई और इक्वल टू में बच रहा है एक्स वन स्क्वायर प्लस यहाँ से जाएगा वाई वन का स्क्वायर प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन ये फॉर्म आया हमारे पास अब हमको पता है कि जो ये पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट इस सर्किल पे लाई करेगा सेटिस्फाई करेगा इसकी इक्वेशन को तो क्यों ना हम इस पॉइंट को इसमें पुट करके जो कंडीशन मिलेगी वो कंडीशन को काम में लिया जाए तो एक्स वन वाई वन को जब इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी बराबर जीरो अगर इस कंडीशन को काम में लेंगे तो अपनी जो इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो सकती है तो ध्यान से देखिए यहाँ एक्स वन स्क्वायर आ गया वाई वन स्क्वायर आ गया यहाँ प्लस जी एक्स वन आ रहा है वहाँ चाहिए टू जी एक्स वन तो अपन ने क्या करा यहाँ पर भी जी एक्स वन ऐड कर दिया एफ़ वाई वन ऐड कर दिया क्योंकि डबल चाहिए था और प्लस सी ऐड कर दिया तो यहाँ पर भी प्लस जी एक्स वन कर दिया प्लस एफ़ वाई वन कर दिया और प्लस सी कर दिया तो ये हो गया टू जी एक्स वन ये हो गया टू एफ़ वाई वन तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा टर्म आ रहा है इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म मैच कर गया इस टर्म से एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी क्या हो गया जीरो और यहाँ देखें अपन तो इक्वेशन आ रही है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी आएगा तो एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ़ कॉमन आएगा तो वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो तो ये हो गई हमारे पास सर्कुलेशन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे कैपिटल टी सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि एक एक्स एक्स वन आएगा एक वाई वाई वन आएगा एक जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन एक एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो तो आपको याद कैसे रखना है देखो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं कि आपको कोई भी कर्व अगर आ रहा है कोई भी कर्व आ रहा है टू डिग्री का अगर कर्व है और किसी पॉइंट पर अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है और आपको टेंजेंट लिखनी है तो जैसे ये आंसर तो आ ही गया बट इसको याद कैसे कर सकते हैं तो आप करोगे क्या शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो भी कर में एक्स स्क्वायर आ रहा है अगर कर्व में ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ वो वैलिड है ओनली फॉर सेकेंड डिग्री कर्व जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो वैलिड है ओनली फॉर सेकंड डिग्री कर्व और अपने सेकंड डिग्री अपने जो चैप्टर सिलेबस में हैं वो सारे ही सेकंड डिग्री हैं मतलब ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ सर्किल की ये आपकी पैराबोला में भी वैलिड है एलिप्स में भी वैलिड है और हाइपरबोला में भी वैलिड है कि अगर भले वो इक्वेशन सर्किल की हो पैराबोला की हो इलिप्स या हाइपरबोला कोई भी कर्व की इक्वेशन हो अगर पॉइंट अगर पॉइंट कर्व के ऊपर दिया है और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है डायरेक्टली तो आप क्या करोगे जहां जहां आपको एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा उसको रिप्लेस कर दोगे एक्स इंटू एक्स वन ये कैसे बताया अरे भाई ऑब्जर्व करके बताया ना यार कि दिख रहा है यहाँ पे कि ये अपना आंसर आया था तो इसको ऑब्जर्व करके हमने ट्रिक बनाया और वो ट्रिक हमारे सारे चैप्टर में काम कर रही है तो वहां पे अपना काफ़ी सारा टाइम सेव हो सकता है टेंजेंट लिखने में कि जहां जहां एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा उसको एक्स इंटू एक्स वन से रिप्लेस करेंगे जहां जहां वाई स्क्वायर का टर्म आएगा उसको वाई इंटू वाई वन से रिप्लेस करेंगे जहां पर यहाँ क्या रहा देखो जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन आ रहा है तो जहां पर एक्स का टर्म अपन को टू नहीं चाहिए यहाँ पर तो जहां एक्स का टर्म आ रहा है उसको एक्स प्लस एक्स वन बाय टू से रिप्लेस कर दो अगर x को रिप्लेस करोगे x प्लस एक्स वन बाई टू टू से टू कटेगा और मैच कर जाएगा जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन जहाँ जहाँ वाई आएगा उसको रिप्लेस कर दोगे वाई प्लस वाई वन बाई टू से कॉन्स्टेंट टर्म को नहीं छेड़ना है भाई कॉन्स्टेंट टर्म तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा और आगे जाके सर्किल में तो एक्स इंटू वाई का टर्म आता नहीं है लेकिन आने वाले चैप्टर्स में एक्स इंटू वाई का टर्म आ सकता है तो उसमें शॉर्ट ट्रिक काम करेगी एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू अगर आप ये रिप्लेसमेंट याद रखते हैं तो इससे आप कोई भी कर्व में टू डिग्री में डायरेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं तो ये हो गया भाई हमारा पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म है अपना पैरामेट्रिक फॉर्म अब पैरा फॉर्म का मतलब है कि जो आपको पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट पैरा फॉर्म में है अभी मैंने पिछले फॉर्म में क्या था पॉइंट फॉर्म मतलब पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन दिया गया था अब मैंने सर्किल ले लिया है स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बोल रहा हूं कि इस सर्किल पर पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखो तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है कि मेरे को जो P पॉइंट मानना पड़ेगा वो पैरामेट्रिक में मानना पड़ेगा तो इस सर्किल पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा तो P पॉइंट पर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है P पॉइंट है पैरामेट्रिक में तो देखो भाई भले ही आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है लेकिन आपको पॉइंट फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पर एक्स वन कॉमा वाई वन होता तो इस सर्किल पर इस पॉइंट पर टेंजेंट आती x x1 वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर कि भाई एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा x इंटू एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा वाई इंटू वाई वन अब एक्स टर्म है नहीं वाई टर्म है नहीं तो वो तो रखना नहीं है कांस्टेंट की जगह कॉन्स्टेंट तो जहाँ जहाँ एक्स वन कॉमा वाई वन आ रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा तो एक्स इंटू हो जाएगा ए कॉस थीटा प्लस वाई इंटू ए साइन थीटा इजिक्वल्स टू ए स्क्वायर एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए ये स्टैंडर्ड सर्किल के लिए है इन जनरल अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म जो काम में आ सकता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ज़रूरत पड़ती है तो मैंने केवल आपको उसी के लिए लिखवाया है आप चाहें तो आप जनरल सर्किल ले कर उस पर जनरल पॉइंट मान के आप टेंजेंट लिख सकते हैं बट बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उसमें हम टाइम इन्वॉल्व नहीं करेंगे नेक्स्ट है अब तीसरा फॉर्म आता है स्लोप फॉर्म ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई देखिए कि अगर आपको पहले से क्या दिया हुआ है टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है कि एक स्लोप है इस पर्टिकुलर स्लोप की लाइन सर्किल पे टेंजेंट है तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी कहने का मतलब आपको इस बार सर्किल पे पॉइंट नहीं दिया है इस बार आपको स्लोप दिया है तो एक बार बताइए आप कि अगर ये सर्किल दिया है पहले मैं सर्किल ले रहा हूँ स्टैंडर्ड इसको बाद में अपन जनरलाइज कर देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ये आपको सर्किल दिया है इस पर आपसे बात कर रहे हैं कि टेंजेंट है और इसका स्लोप है एम एक पर्टिकुलर स्लोप है एम जो फिक्स है तो पर्टिकुलर फिक्स स्लोप की लाइन इस सर्किल पे क्या आ रही है टेंजेंट आ रही है तो आप ही बताइए सोच के कि एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए कितनी लाइन टेंजेंट हो सकती हैं तो देखो भाई मेरा दिमाग में दूसरा आंसर भी ही आ रहा है कि सर अगर इसी के स्लोप से है ना स्लोप से है कहीं पर भी टच करे तो इसी के पैरल में एक दूसरी भी लाइन तो एग्जिस्ट कर सकती है जो कि सर्किल को टच करके जाएगी सही बात है कि नहीं तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए कितनी टेंजेंट पॉसिबल हैं दो टेंजेंट पॉसिबल हैं और वो दो टेंजेंट्स एक्चुअली में बोला जाए तो वो डाय, डायमीटर के अपोज़िट पॉइंट होंगे जहां वो लाइन टच करेगी वो डायमीटर के अपोजिट पॉइंट्स होंगे तो हम बोल सकते हैं कि अगर एम स्लोप है तो मैंने लाइन के क्वेश्चन एज्यूम कर ली वाई बराबर एम एक्स प्लस सी तो एम तो आपको दिया हुआ है बट सी मैंने अननोन माना है ये मुझे निकालना पड़ेगा सिंस ये लाइन टेंजेंट है तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस के बराबर होना चाहिए तो अगर हम लाइन के क्वेश्चन लिखें एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर जीरो और जीरो जीरो से इसका डिस्टेंस निकालें तो जीरो माइनस जीरो प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन का होल मॉड इज इक्वल टू ए तो सी की वैल्यू आ रही है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था तो सी की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस ए इंटू वंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर तो सी की कितनी वैल्यू आ रही हैं दो ये तो हमने पहले से ही बोल दिया था कि दो लाइंस आएंगी इसलिए सी की दो इंटरसेप्ट पॉसिबल हैं दोनों की स्लोप सेम रहेगी तो अगर मैं सी को पुट कर देता हूँ तो हमारा जो टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर ये फॉर्मेट हमको याद रखना है फॉर स्टैंडर्ड सर्किल फॉर स्टैंडर्ड सर्किल ये वाला फॉर्म हमको याद रखना है कि अगर सर्किल स्टैंडर्ड सर्किल है तो डायरेक्ट वाई बराबर एम एक्स एम स्लोप दिया हुआ है उस स्लोप के करस्पॉन्डिंग जो उसका इंटरसेप्ट आएगा प्लस माइनस ए टाइम्स अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर आएगा ठीक है तो ये कब है जब सर्किल का सेंटर क्या है जीरो जीरो है और दो आंसर क्यों आ रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए सर्किल पर दो टेंजेंट पॉसिबल हैं ठीक है ठीके? और इसको हम कैपिटल टी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि आगे जाके हम टेंजेंट को पूरा पूरा ना लिख के जहाँ कुछ फॉर्मूले बनाने रहेंगे वहाँ उसको कैपिटल टी तो कैपिटल टी का मतलब ही है कि उस पॉइंट पर या उस पर्टिकुलर स्लोप पर वो टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं बट अगर मैं सर्किल को करता हूँ जनरल अगर मेरा सर्किल है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इस केस में इस केस में स्लोप फॉर्म में टेंजेंट क्या होगी आपको बोलने जा रहा है कि एम स्लोप की लाइन है जो टेंजेंट है तो देखो अगर सर्किल का सेंटर ज़ीरो ज़ीरो था तो हमारा आंसर ये आया अब सर्किल अगर शिफ्ट कर गया है तो आप देखो कि यहाँ पहले एक्स का टर्म आ रहा था अब यहाँ x माइनस अल्फ़ा आ रहा है यहाँ y का टर्म आ रहा था यहाँ y माइनस बीटा आ रहा है तो क्या मैं डायरेक्टली तो क्या मैं डायरेक्टली एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ तो पर्टिकुलर स्लोप के लिए टेंजेंट क्या आएगा देखो जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई माइनस बीटा से एम टाइम्स जहाँ एक्स आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस अल्फ़ा से अब बाकी पार्ट सेम रहेगा क्योंकि रेडियस तो ए ही है ए इंटू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर ऐसा हम बोल सकते हैं और अगर वो आपसे पूछ ले कि नहीं भाई आपको तो स्लोप दिया था लेकिन हमको तो ये बताओ कि ये लाइन किस पॉइंट पे टेंजेंट है अगर बोला कि ये किस पॉइंट पर टेंजेंट है वो भी बताओ कि भाई हमको स्लोप दिया हुआ था अब हमको तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी इसको क्या बोलेंगे अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि स्लो पता है वो ठीक है लेकिन ये किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो हमको चाहिए ये किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो हमको चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो उसके लिए हम बोलेंगे देखो दो तरीके हैं आपने टेंजेंट तो निकाल ही लिया ये रहा टेंजेंट अब टेंजेंट पता है और आपको सेंटर भी पता है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो सेंटर से उस टेंजेंट पे क्या होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली पी क्या हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो अपने अपने स्ट्रेट लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला देखा हुआ है वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली आपको पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट एक तरीका तो ये हो गया या फिर या फिर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट लिख दो एक्स वन वाई वन के रेस्पेक्ट में वो टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होनी चाहिए दोनों को कंपेयर कर दो वहां से भी हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं ऐसा सच फॉर्मूला याद करने की कोई नीड है नहीं आप उसी टाइम पे अप्लाई करके निकाल दीजिए या फोटो फरपेंट का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए वहां से भी डायरेक्ट काम हो जाएगा चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब जो मैंने आपको सब चीजें बताई इनसे पर अपने क्वेश्चन लेते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वगैरह पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए इसमें हमारे थोड़े से जो कंसेप्ट है वो समझ में आएंगे हमको कैसे सोचना होता है आपको बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विज द लाइन वाई बराबर टू एक्स प्लस लेमडा फॉर विज द लाइन वाई बराबर टू एक्स प्लस लेमडा लाइज बिटवीन द सर्किल दिस एंड दिस दो सर्किल दिए हैं पहला सर्किल है जिसका सेंटर है अपन मान माइनस टू एक्स तो वन कामा वन और रेडियस है वन क्योंकि अंडर रूट में वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन फिर दूसरा सेंट सर्किल दिया है तो इसका भी अपन सेंटर और रेडियस लिख लेते हैं जिससे अपन को हेल्प मिलेगी ले बनाने में तो इसका सेंटर है एट कॉमा वन आप देखो भाई डायरेक्टली बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो एक्स के कोफिशेंट का हाफ करना है माइनस से मल्टीप्लाई करना है और रेडियस कितना आएगा अंडर रूट सिक्सटी फोर प्लस वन सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी वन फोर फोर का रूट फोर का रूट टू तो ये हमारे पास सी वन सी टू और आर वन आर टू आ गया है अब हम डायग्राम बनाएंगे और इसने बोला है कि लाइन जो है ये लाइन इन दोनों के सर्किल के बीच में आनी चाहिए विदाउट इंटरसेप्टिंग ए कॉर्ड ऑन ईदर सर्किल दोनों ही सर्किल पे कोई इंटरसेप्ट नहीं बनाना चाहिए मतलब ना ही इसको कट करना चाहिए ना ही पहले को ना ही दूसरे को दोनों के बीच में आने चाहिए तो हम डायग्राम बनाते हैं समझते हैं कि भाई हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर तो पहला दिया है सेंटर वन वन और देखो सेंटर भी वन वन है और रेडियस भी वन है सेंटर भी वन वन और रेडियस भी वन है इसका मतलब सर्किल टच कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस को तभी तो तीनों चीज़ें सेम आएंगी आर कॉमा आर और रेडियस भी आर तीनों सेम कब आते हैं जब सर्किल एक्स और वाई एक्सिस दोनों को टच करेगा फिर आगे क्या दिया है ये जो सर्किल है इसका सेंटर है एट कॉमा वन तो एट मतलब थोड़ा सा आगे चले गए एट कामा वन है लेकिन रेडियस टू है तो सर्किल बड़ा बनेगा और कट कर सकता है इस तरह से थोड़ा सा इसको और आगे बना देते हैं ठीक है भाई अब देखिए अब इसने ये सेंटर हो गया इसका एट कॉमा वन और रेडियस हो गई टू अब लाइन है वाई बराबर टू एक्स प्लस लेमडा तो स्लोप टू है पॉजिटिव स्लोप की लाइन है अब वो लाइन इन दोनों को इंटर लाइज बिटवीन द सर्किल ध्यान दीजिए बिटवीन दोनों सर्किल के बीच में आना चाहिए ऐसा नहीं कि इस साइड आ गई या एक दूसरी साइड आ गई नहीं ये लाइन है इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन मैंने इस तरह से बना सकता हूँ कि हाँ ठीक है एक लाइन बना दिया जिसका एक्यूट एंगल बन रहा है तो एक कोई टू स्लोप की लाइन पॉसिबल है जो दोनों के क्या आ रही है बीच में आ रही है तो बीच में आ रही है तो कहाँ से इसका जो इंटरसेप्ट आ रहा है लेमडा इंटरसेप्ट यही तो हो जाएगा लेमडा जहाँ लाइन कट करेगी वाई एक्सिस पे वहाँ तक की जो लेंथ आएगी वही उसका इंटर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी सी क्या होता है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट तो वो जो लेंथ आ रही है इंटरसेप्ट आ रहा है अपने पास वो हमको इस तरह से सेट करना है कि लाइन इसके बीच में ही रहनी चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा एक्सट्रीम केस कि लाइन मैक्सिमम कहाँ तक और मिनिमम कहाँ तक जा सकती है तो अगर हम इसकी बात करें तो देखते हैं अगर देखो लाइन को ये एक पर्टिकुलर स्लो स्लोप फिक्स है मतलब उस पर्टिकुलर स्लोप की लाइन पैरेलल में क्या करेंगी मूव करेंगी तो ये लाइन अगर पैरेलल मूव करते करते ये लाइन जस्ट इस सर्किल पे क्या हो गई टेंजेंट ये लाइन जस्ट इस सर्किल पे टेंजेंट जब हो जाएगी उसके आगे जाएगी लाइन तो सर्किल को कट कर जाएगी और अगर इस साइड की बात करें तो इस साइड का एक्सट्रीम केस क्या होगा कि ये लाइन जस्ट इस सर्किल पे हो जाए टेंजेंट बस इन दोनों के बीच में जो सारी लाइंस पॉसिबल हैं वो हमारे सारे पॉसिबल आंसर्स हैं कि ये जहाँ टच कर रहा है ये जहाँ टच कर रहा है इनके बीच में इनके बीच में कोई भी लाइन बनती है वो हमारे सारे पॉसिबल आंसर कवर करने हैं मतलब इस इंटरसेप्ट से लेकर इस इंटरसेप्ट तक जितने भी लेमडा की वैल्यू आ सकती है इस पर्टिकुलर इंटरसेप्ट से लेकर इस पर्टिकुलर इंटरसेप्ट तक की जितनी भी लेमडा की वैल्यू आ सकती हैं वो हमें चाहिए तो करना क्या है अब देखो ये हमारा एक्सट्रीम केस है कि जब ये लाइन इस सर्किल को टच कर जाए और ये हमारा दूसरा एक्सट्रीम केस है जब ये लाइन इस सर्किल को टच कर जाए तो देखो भाई लाइन दी हुई है लेम्डा का इंटरवल चाहिए तो ये लाइन इस सर्किल के बाहर रहनी चाहिए और ये लाइन भी सर्किल के बाहर रहनी चाहिए बाहर रहने का मतलब है कि उस लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए डिस्टेंस कितना है टू तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस टू से ज्यादा होगा तभी तो लाइन इसके ऊपर आएगी और इसका डिस्टेंस इसका रेडियस वन है तो इसका डिस्टेंस वन से ज्यादा आएगा तभी तो ये लाइन सर्किल के नीचे की तरफ आएगी तो हमको दो कंडीशन अप्लाई करनी है सॉल्व करते हैं भाई ये है वन कॉमा वन लाइन अपनी हो गई टू एक्स माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो वन तो 1.1 वन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे तो टू माइनस वन प्लस अपॉन रूट फाइव का मॉड इज ग्रेटर देन वन क्योंकि वो लाइन इसको कट नहीं करनी चाहिए मतलब टच तो कर सकती है विदाउट इंटरसेप्टिंग इंटरसेप्ट नहीं करना चाहिए मतलब वो लाइन इसको टेंजेंट हो सकती है तो हम इक्वल टू का केस ले सकते हैं सिमिलरली एंड एंड का मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई एट कॉमा वन से जो इसका डिस्टेंस आएगा वो टू या टू से ज्यादा होना चाहिए तो मैं बोलूंगा ठीक एट कॉमा वन से निकालेंगे तो एट टू या सिक्सटीन एक्स की जगह पुट करेंगे एट वाई की जगह पुट करेंगे वन तो सिक्सटीन माइनस वन प्लस लेमडा डिवाइड बाय रूट फाइव का होल मोड ग्रेटर देन होना चाहिए टू से अब इसमें एक पंगा है बोल सकते क्या पंगा है जब आपने इसको डिस्टेंस को वन से ज़्यादा किया तो वन से ज़्यादा तो इस साइड भी पॉसिबल है और इसके अपोजिट साइड में भी पॉसिबल है अगर इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस आ रहा है वन से ज़्यादा वो नीचे की लाइंस के लिए भी पॉसिबल है और ऊपर की लाइंस के लिए भी पॉसिबल है हमें कौन सा रीज़न चाहिए जो सर्किल के बीच में आ रहा है हमें कौन सा रीज़न चाहिए जो सर्किल के बीच में आ रहा है इसका मतलब आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको दो रीज़न मिलेंगे एक रीजन मिलेगा जब लाइन सर्किल के नीचे की तरफ आ रही है और एक रीजन मिलेगा जब लाइन सर्किल के ऊपर की तरफ आ रही है तो किसी एक रीज़न को लेना है और किसी दूसरे इंटरवल को साथ में रिजेक्ट भी करना है तो अगर इसको मैं सॉल्व करने जाता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है तो ये आ रहा है लेमडा प्लस वन का मॉड तो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव तो मॉड एक्स ग्रेटर देन सॉल्व करने पे क्या आता है लेमडा ग्रेटर देन रूट फाइव और लैमडा प्लस वन लेस देन माइनस रूट फाइव तो यहां दिख रहा है कि लेमडा आया रूट फाइव माइनस वन से बड़ा और लैमडा माइनस रूट फाइव माइनस वन से छोटा अब आप खुद देखिए ज्योमेट्रिकली आपको दिख रहा है कि लेमडा अपना इंटरसेप्ट है और लैमडा का ही इंटरवल है अपनी लाइन सर्किल के नीचे आनी चाहिए मतलब अपना इंटरसेप्ट नेगेटिव साइड में जाएगा ना कि पॉजिटिव साइड में जाएगा ये जो जा रहा है ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है ये हो जाएगा रिजेक्ट ये इंटरवल नेगेटिव साइड में जा रहा है इसको हम ले लेंगे आंसर में तो पहली कंडीशन से ये वाला आंसर आ जाएगा अब हम दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो वहाँ से आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं भाई दूसरी कंडीशन को यहाँ पे तो वहाँ से आ रहा है फिफ्टीन लैमडा प्लस फिफ्टीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू रूट फाइव मॉड तो लैमडा ग्रेटर देन टू रूट फाइव माइनस फिफ्टीन और लैमडा लेस देन यहाँ से आ जाएगा माइनस टू रूट फाइव माइनस फिफ्टीन अब ध्यान से देखो इस वाले केस में लाइन सर्किल के ऊपर आनी चाहिए अगर लाइन सर्किल के ऊपर आएगी मतलब लैमडा इसमें इंक्रीज करना चाहिए ना कि डिक्रीज क्योंकि नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए तो नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए मतलब ये वाला केस हो जाएगा रिजेक्ट केवल ये वाला आंसर लेंगे यहाँ से और यहाँ से ये आंसर आएगा और इन दोनों का इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन तो दोनों को नंबर लाइन पर बनाएंगे तो माइनस टू रूट फाइव माइनस फिफ्टीन जो आएगा बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा नेगेटिव में और एक आ रहा है माइनस रूट फाइव माइनस वन तो इससे लेस देन आ रहा है और इससे ग्रेटर देन आ रहा है दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट में लैमडा आ जाएगा लेमडा आ जाएगा टू रूट फाइव माइनस फिफ्टीन से माइनस रूट फाइव माइनस वन दैट विल बी अवर आंसर इस तरह से हम अच्छे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं अपना जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का लॉजिक है उसको अप्लाई कर सकते हैं एक क्वेश्चन और देख रहे है भाई इस पे इस पर दिया हुआ है आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दिया हुआ है थ्री एल स्क्वायर प्लस सिक्स एल प्लस वन कोई एल और एम कोई कांस्टेंट है जिसमें आपको रिलेशन दिया है थ्री एल स्क्वायर प्लस सिक्स एल प्लस वन माइनस सिक्स एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो और बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर विच द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो इज ए टेंजेंट अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस बार क्या रिवर्स दे दिया बोला कि सर्किल पर टेंजेंट नहीं चाहिए बोलो तो टेंजेंट तो है अब सर्किल बताओ कि ये टेंजेंट ये लाइन किस सर्किल पर टेंजेंट होगी जिसकी कंडीशन ये आएगी आपको पहले से क्या दे दिया है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि ये एल और एम जो सेटिस्फाई करेंगे उन एल और एम के लिए जो भी एल और एम के पेयर सेटिस्फाई करेंगे उन एल और एम के लिए ये लाइन एक पर्टिकुलर सर्किल पर हमेशा क्या बनेगी टेंजेंट बनेगी हमें वो सर्किल चाहिए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पहले से अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे सर्किल को अज्यूम करेंगे कि सर्किल का सेंटर मैंने मान लिया एच कॉमा के और रेडियस मैंने मान लिया है आर सर्किल का रेडियस मैंने मान लिया है आर और सेंटर मान लिया है एच कॉमा के तो अब हम क्या करेंगे कि सब अज्यूम कर ले तीन तीन वेरिएबल है एच के और आर अब इस सर्किल से हम सेंटर और रेडियस की हेल्प से इस लाइन पे अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो जो हमारी जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन इस कंडीशन के बराबर होनी चाहिए हमारी जो कंडीशन आएगी वो इस कंडीशन के बराबर होनी चाहिए तो देखो अपन क्या करते हैं लिख देंगे एल इन टू एच प्लस एम इंटू के प्लस वन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मॉड मैंने सेंटर से डिस्टेंस निकाला और उसको आर के इक्वल कर दिया अब हमारे पास जो कंडीशन उसमें एल का स्क्वायर आ रहा है एम का स्क्वायर आ रहा है तो अपन भी क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे वो जो कंडीशन आएगी उसको कंपेयर करेंगे कॉफिशियंट्स वहां से आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे सॉल्व कर दें भाई देखो तो, तो यहाँ आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एल एच प्लस टू एम के इस तरह से हो जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर एल स्क् अगर सारे कॉपेशन को एक तरफ लेके आते हैं तो एल स्क्वायर का ऑप्शन रहा है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई सब लोगों को एम स्क्वायर का कॉपेशन डाल रहा है के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस टू टू एच के इंटू एल इंटू एम प्लस एल का टर्म आ रहा है टू एल एच प्लस टू के एम और कांस्टेंट हम आ रहा है प्लस का वन अब देखिए यहाँ पर भी अपना कांस्टेंट प्लस वन आ रहा है यहाँ पर भी प्लस वन आ रहा है मतलब अगर ये एक टर्म डायरेक्ट बराबर है तो बाकी कॉफिशेंट को अपन कंपेयर कर सकते हैं अगर बाकी कॉफिशेंट को अपन कंपेयर करें तो देखो एच का एल का कॉफिशेंट आ रहा है टू और यहाँ से आ रहा है टू तो एल का कॉफिशेंट वहाँ पर सिक्स है तो उसमें एल का जो कॉफिशेंट है वो इस एल के कॉफिशेंट के बराबर होगा तो वो हो जाएगा टू एच तो एच आ गया थ्री ऐसे ही वहां से जो एम का कॉफिशेंट है टू के वो बराबर होगा जीरो के तो के आ गया जीरो अब देखो भाई हमको चाहिए आर तो आर आ रहा है एल स्क्वायर में भी आ रहा है और एम स्क्वायर में भी आ रहा है दोनों के दोनों दिए हैं तो कोई सा भी ले लो यार एच और के तो निकाल ही चुके हैं तो अगर एल को कंपेयर करते हैं तो एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ज इक्वल टू आ रहा है थ्री एच को पुट कर देंगे थ्री तो नाइन माइनस आर स्क्वास टू थ्री तो आर जाएगा सिक्स तो आर की वैल्यू आ गई रूट सिक्स इस तरह से आपने उसका सेंटर भी निकाल दिया और आपने उसका रेडियस भी फाइंड कर लिया तो ये कंडीशन टेंजेंसी पे क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट है इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो नॉर्मल की क्वेश्चन के लिए देखो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है अपन को आपको अगर किसी भी सर्किल पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है किसी भी सर्किल पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो नॉर्मल के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है पहली बात तो जो नॉर्मल होगा किसी भी सर्किल पर वो टेंजेंट के क्या होगा हमेशा परपेंडिकुलर मैंने बोला कि एक पॉइंट पी है एक्स वन कॉमा वाई वन और मैंने बोला कि पी पॉइंट पे नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल लिखने का मतलब है हमें उसे रिलेट करना पड़ेगा टेंजेंट से कि पहले उस उस पॉइंट पॉइंट पर पर टेंजेंट टेंजेंट लिखना है उस पर के जो टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल ये मेन तरीका रहेगा आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए तो अगर हम बात करें <laughs> सॉरी अगर हम बात करें भाई सर्किल के केस में अगर हम बात करें सर्किल केस में स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि सर्किल का जो नॉर्मल है सर्किल का जो नॉर्मल है वो उसके सेंटर से पास करता है अब अगर आपको सर्किल दिया है जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो आपको नॉर्मल की क्वेश्चन पूछी है तो इस केस में आपको टेंजेंट निकालने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करेगा और सेंटर हमको डायरेक्टली पता है माइनस जी कॉमा सेंटर हमको पता है कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा तो पॉइंट पी पर पी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन तो लाइन सी पी लाइन सी पी विल बी विल बी नॉर्मल तो टू पॉइंट फॉर्म लगा के टू पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं ना वाई माइनस वाई वन और स्लोप आ जाएगा वाई वन प्लस एफ़ अपॉन एक्स वन प्लस जी इन टू एक्स माइनस एक्स वन यही क्या हो जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी तो हम बात करते हैं इसमें तो एक मैंने क्वेश्चन लिया भाई इसको ट्राई करते हैं आपको टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल से मिक्स हो रही हैं तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो जेई मेन ट्वेंटी में पूछा गया था इसको हम ट्राई करते हैं इसमें दिया हुआ है लेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बाई द सर्किल दिस इज टू रूट टू एंड टू रूट फाइव एक जनरल सर्किल दिया है और उसके इंटरसेप्टे एक्स और वाई एक्सिस पर तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था इंटरसेप्ट ऑफ सर्किल ऑन द एक्सिस वो आप काम में ले सकते हो अब कैसे भाई देखो क्योंकि अगर सर्किल का आपको दिखा रहे टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो ए नेगेटिव है एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है वो होता है टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी तो वो बराबर हो गया टू रूट टू के वाई एक्सेस का जो इंटरसेप्ट होता है ये हमने फार्मूला पढ़ा था ये हम फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं अभी क्योंकि हमको डायरेक्ट जनरल इक्वेशन का डेटा दिया हुआ है और ये डेट फार्मूला हम पुट कर चुके हैं तो अपना टाइम बच जाएगा बहुत सारा तो देखो भाई यहाँ से तो यहाँ से आया अब जी की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं जी का मतलब इसको कंपेयर करेंगे इसको कंपेयर करना है टू जी एक्स से इसको कंपेयर करना है टू एफ़ वाई से तो जी का वैल्यू आ गया ए बाई टू और एफ का वैल्यू आ गया ए जी का वैल्यू ए बाई टू और एफ़ का वैल्यू ए तो स्क्वायर कर देंगे तो जी स्क्वायर माइनस सी बराबर टू तो जी हो गया ए स्क्वायर बाई फोर माइनस सी बराबर टू क्योंकि सी की जगह तो सी ही आ रहा है इसमें टू कैंसिल आउट एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर फाइव एफ़ का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस सी बराबर फाइव अब हमको पहले ए निकालना है तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा माइनस कर देंगे सेकंड वाले में से पहले वाले को थ्री ए स्क्वायर बाय फोर बराबर थ्री 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 कैंसल आउट ए का वैल्यू आया प्लस टू और माइनस टू क्योंकि सिंस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा रिजेक्ट तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू अगर ए आ चुका है माइनस टू ए को पुट कर देंगे फोर माइनस सी बराबर फाइव सी आ गया माइनस का वन तो अपने पास ए भी आ गया है सी भी आ गया है तो अपने को सर्किल मिल गया है बट इतना सफिशेंट नहीं है ये क्या पूछ रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू ए टेंजेंट टू दि सर्किल अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा एक पॉइंट का एक टेंजेंट मतलब लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई लाइन गिवन है एक लाइन से पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो तभी होगा जब वो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे ठीक है भाई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू फ्रॉम ऑरिजिन टू ए लाइन टेंजेंट टू दिस सर्किल विच परपेंडिकुलर टू दिस लाइन मतलब हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर में एक लाइन है जो कि सर्किल पर टेंजेंट है उसका डिस्टेंस चाहिए ऑरिजिन से तो हमको क्या करना है टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा सर्किल क्या आ गया हमारा सर्किल आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए का वैल्यू माइनस टू आया माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो ये हमारा सर्किल आ रखा है जिसका सेंटर है वन कॉमा टू रेडियस हो जाएगा वन प्लस फोर फाइव फाइव प्लस वन रूट सिक्स सेंटर पता है रेडियस पता है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो कि टेंजेंट हमें चाहिए वो लाइन इस सर्किल पे क्या है टेंजेंट है तो पहले तो हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर में क्या एज्यूम करेंगे ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है डायरेक्टली कि अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन एज्यूम करना है तो एक्स और वाई का कॉफिशेंट इंटरचेंज कर देंगे और बीच का साइन अपोजिट कर देंगे 2x एक्स माइनस वाई प्लस लेमडा बराबर ज़ीरो अब इस लाइन का सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा उसको क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना पड़ेगा तो वन कॉमर टू से इसका डिस्टेंस निकालेंगे जिसको कि रूट सिक्स के इक्वल करना है तो यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस टू प्लस लेमडा अपॉन रूट फाइव सिंपल सा भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है टू कट जाएगा तो लेमडा आ गया प्लस माइनस रूट थर्टी तो हमारे पास दो लेमडा की वैल्यू आ रही हैं दोनों ही टेंजेंट हैं तो दोनों में से वो आंसर लेना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगा शॉर्टेस्ट आएगा तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ गई भाई टू एक्स माइनस वाई प्लस लेमडा बराबर जीरो ज़ीरो जीरो से क्या निकाल लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है लेमडा की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट थर्टी तो ज़ीरो ज़ीरो से इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस आएगा ये भी जीरो ये भी ज़ीरो प्लस माइनस रूट थर्टी फ़र्क नहीं पड़ेगा अपॉन रूट फाइव तो रूट थर्टी बाय रूट फाइव करेंगे तो रूट में आ जाएगा सिक्स तो रूट सिक्स विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम औरिजिन ठीक है भाई अब इसमें इस क्वेश्चन के बाद हम जो बाकी थ्योरी है वो कवर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद पंद्रह मिनट का एक ब्रेक लेते हैं फिर हम इसमें आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं ओके चलिए बच्चों आगे बात करते हैं तो भाई नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सर्किल कि भाई सर्किल से किसी पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है अब इसके लिए हमें नॉर्मल की इक्वेशन की या नॉर्मल का जो बेसिक फंडा है उसकी ज़रूरत पड़ती है तो देखो भाई अगर आपको सर्किल दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक पॉइंट है P पॉइंट x1 वन कॉमा वाई वन तो एक पॉइंट दिया है और एक सर्किल दिया है तो पॉइंट से सर्किल का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा और मिनिमम तो इसके लिए एक फंडा है जो अपन अप्लाई करेंगे कि कभी भी किसी पॉइंट का कभी भी किसी पॉइंट से या दो कर्व के बीच का डिस्टेंस या एक पॉइंट का कर्व से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है कि ऐसी लाइन जो दोनों कर्व के क्या हो जाए परपेंडिकुलर क्योंकि जो भी शॉर्टेस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस होगी या मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग ही लाई करती है तो अगर मैंने बोला कि भाई ये सर्किल है अब डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक पॉइंट का सर्किल से डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट तो फिक्स है बट इस सर्किल पे कितने पॉइंट आ रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट उन इन्फानाइट पॉइंट में से कोई से भी इससे ये डिस्टेंस ले लिया या ये डिस्टेंस तो इस पॉइंट का इस सर्किल के अलग अलग पॉइंटों से अलग अलग डिस्टेंस पॉसिबल है उन सारी डिस्टेंस में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है और सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस कौन सी है तो मैंने क्या फंडा बताया कि जो भी डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट वो हमेशा परपेंडिकुलर या नॉर्मल के अलॉन्ग होती है तो सर्किल केस में क्या होगा सर्किल का सेंटर अगर सी है तो अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो वो लाइन पक्की बात है कि सर्किल पे क्या होगी नॉर्मल तो वो लाइन सर्किल पे नॉर्मल होगी तो वो 90 एंगल बनेगा तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस अगर ये आर रेडियस है तो ये पॉइंट ए पर जा रहा है और ये कट कर रहा है बी पर तो इन सारे पॉइंटों में अगर आप सारे पॉइंटों में देखो तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी से लेकर ए तक की आएगी ए के अलावा आप कोई भी पॉइंट लेंगे एक के अलावा आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो सब में देखेंगे कि डिस्टेंस आगे जाने पर बढ़ता ही जा रहा है तो ए पॉइंट पर जो डिस्टेंस आएगा वो शॉर्टेस्ट आएगा और वो लाइन वो लाइन एक्चुअली में सर्किल पर क्या है नॉर्मल भी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के अलोंग होगा और अगर हम बात करें हाईएस्ट का होगा तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे पॉइंट जितना पीछे का पॉइंट लेंगे उतने पीछे के पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा आएगी ये डिस्टेंस ज़्यादा आएगी तो एक एक्सट्रीम केस ये वाला आएगा जब वही लाइन का जो सबसे पीछे वाला पॉइंट होगा दैट इज़ अपोजिट डायमेट्रिकली पॉइंट जो इस डायमीटर का अपोजिट वाला पॉइंट होगा वहाँ से जो डिस्टेंस आएगा वो सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस हो जाएगा और आप ध्यान से देखोगे तो वो डिस्टेंस भी कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही आ रहा है मतलब इस बार इसमें जो शॉर्टेज डिस्टेंस आ रही है पी ए जो होगा वो अपनी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी और पी जो होगी वो अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी और दोनों ही डिस्टेंस दोनों ही डिस्टेंस नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो अगर आपको पी ए लेंथ फाइंड करना है पी से लेकर ए तक का लेंथ फाइंड करना है आपको सर्किल दिया हुआ है तो आपको सर्किल का सेंटर पता है आपको P पॉइंट पता है आपको रेडियस भी पता है तो P ए डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि जो P से लेकर A तक का डिस्टेंस होगा वो सी पी डिस्टेंस माइनस आर हो जाएगा कि सी पी डिस्टेंस में से अगर रेडियस को माइनस कर देंगे तो वही अपना ए पी डिस्टेंस आएगा जो कि मिनिमम होगा अगर मैक्सिमम की बात करें तो P से लेकर C तक का डिस्टेंस और उसमें R को ऐड कर देंगे तो सी पी प्लस आर जो आएगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा वो मैक्सिमम इस तरह से हम किसी भी पॉइंट से सर्किल का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आपके मन में आया कि सर अगर ये पॉइंट तो आपने बाहर लिया था अगर यही पॉइंट सर्किल के अंदर होता तब कैसे बताते तो भाई देखो अपना फंडा सेम रहेगा कि अगर सर्किल दिया है पॉइंट सर्किल के अंदर दिया है एक्स वन वाई वन तो पॉइंट अगर अंदर है तब भी उसका सर्किल से मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल है क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है कि सर्किल की जो सर्कम पे पॉइंट आ रहे हैं उनसे मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा और उनसे मिनिमम डिस्टेंस कब होगा तो अगर मैं बोलता हूं कि देखो इसको मैं ज्वाइन करूंगा सेंटर से तो अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा सेंटर से तो ये जो लाइन जाएगी वो जब जैसी किसी पॉइंट को सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन पक्की बात है कि सर्किल पे क्या हो जाएगी नॉर्मल हो जाएगी वो लाइन सर्किल पे नॉर्मल हो जाएगी ये पी पॉइंट है जो लाइन कट कर रही है ए पॉइंट पर और इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन कट कर रही है बी पॉइंट पर तो अभी भी अगर मैं सारे पॉइंटों से देखूँ कि इस पॉइंट डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये सारी डिस्टेंस में ये सारे डिस्टेंस में पी ए डिस्टेंस जो आ रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इन सारी डिस्टेंस जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे जब पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस आएगा पी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस आएगा वो सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस आएगा तो ये डिस्टेंस भी नॉर्मल कैलोंग आ रहा है अगर ये भी आपको फाइंड करना है कि ये सेंटर है ये पी पॉइंट है तो जब ये कट करेगा ए पर तो पी डिस्टेंस विल बी शॉर्टेस्ट एंड इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो पी बी डिस्टेंस पी बी डिस्टेंस जो आएगा वो लॉन्गेस्ट और पी ए डिस्टेंस शॉर्टेस्ट तो अगर आपको पी ए ये सेंटर्स दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा तो अपन फाइंड कर सकते हैं कि जो पी ए लेंथ होगा पी ए मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगा वो सी से लेकर ए तक का लेंथ अपन फाइंड कर लेंगे कि भाई देखो ये सी पी लेंथ है ये आर है तो आर में से सी पी लेंथ को माइनस कर देंगे क्योंकि हमको सी पॉइंट पता है पी पॉइंट पता है और हमको डिस्टेंस निकालना है पी ए डिस्टेंस तो आर में से सी पी को माइनस कर देंगे तो पी ए लेंथ मिल जाएगा सिमिलरली मैक्सिमम पी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी मैक्सिमम और ये हो गया हमारा मिनिमम डिस्टेंस तो पी बी लेंथ के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो आर तो है ही है और सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो आर प्लस सी पी जो होगा वो हमारा हाईएस्ट डिस्टेंस हो जाएगा इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं तो इस पर क्वेश्चन लिया भाई मैंने आप देखिए क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टेन कॉमस सेवन फ्रॉम द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है तो जब टेन कॉमस सेवन को पुट करेंगे तो हंड्रेड प्लस फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी माइनस फ़ोटीन माइनस सेवन फोर जो ट्वेंटी एट तो ये माइनस ट्वेंटी एट माइनस फोर्टी फोर्टी आएगा यहाँ पे माइनस का फोर्टी माइनस का फोर्टीन तो ये आपको दिख रहा है कि भाई वन फोर्टी नाइन हो गया वन फोर्टी नाइन में से ये माइनस भी करेंगे तब भी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये पॉइंट जो आ रहा है वो सर्किल के बाहर आ रहा है तो आप डायग्राम बना सकते हैं रफ डाइग्राम आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है टेन कामा सेवन सर्किल के बाहर आ रहा है सर्किल का सेंटर टू वन दिया हुआ है रेडियस आप निकालेंगे तो फोर प्लस वन माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी रेडियस आ गया फाइव तो पी को ज्वाइन करेंगे सी से रेडियस आ गया फाइव तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ए पॉइंट पर और मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा बी पॉइंट पर मिनिमम हो जाएगा ए पॉइंट पर और मैक्सिमम हो जाएगा बी पॉइंट पर तो पी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा सी पी माइनस आर ये लिखा था हमने ये कोई फार्मूला नहीं है इसको याद रखने की जरूरत नहीं है डायग्राम बनाएंगे डायग्राम में दिख ही रहा है ना यार कि सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस उसमें से रेडियस को माइनस करेंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा तो सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस आप लगाएंगे फॉर्मूला तो टेन माइनस टू एट का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर माइनस रेडियस हो गया फाइव तो ये हो गया टेन टेन माइनस फाइव फाइव तो फाइव हो गया अपना मिनिमम डिस्टेंस या लीस्ट वैल्यू अगर अपन बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू तो वो हो जाएगा पी बी डिस्टेंस वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू तो उसके लिए क्या करेंगे सी पी प्लस आर तो सी पी डिस्टेंस आया था टेन प्लस फाइव आंसर आ गया फिफ्टीन तो फिफ्टीन हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और फाइव हो जाएगा मिनिमम वैल्यू इस तरीके से आप ये बेसिक फार्मूला वाइज क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेशन में कहीं पर भी इन्वॉल्व हो सकता है आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड अगर आपको किसी सर्किल में कॉर्ड की इक्वेशन की जरूरत पड़ती है ये तो सिलेबस में भी है जेई मेंस में तो इसमें कॉर्ड की इक्वेशन पे क्वेश्चन बन सकता है तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे तो हम बात कर रहे हैं इसमें ओनली फॉर स्टैंडर्ड सर्किल अगर क्वेश्चन बनता भी है कॉर्ड के ऊपर डायरेक्टली तो वो स्टैंडर्ड सर्किल पे बनेगा कि अगर मैंने सर्किल मान लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और सर्किल पे कोई जनरल कॉर्ड आपको एज्यूम करनी है पैरामेट्रिक फॉर्म में तो कॉर्ड की क्वेश्चन <coughs> कॉर्ड की क्वेश्चन लिखने के लिए कम से कम हमको दो पॉइंट लेने पड़ेंगे कि मान लिया कि जो लाइन है उसको ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है और आपको ये ए और बी पॉइंट दिए गए हैं कि दो पॉइंट हैं ए और बी ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी तो दोनों पॉइंट मैंने मान लिए पैरा में कि ए पॉइंट भी सर्किल लाई कर रहा है बी पॉइंट भी सर्किल लाई कर रहा है सर्किल का पैरा पॉइंट क्या होता है पैरा पॉइंट होता है भाई ए थीटा कॉमा ए साइन थीटा तो यार देखो पहला अब दो पॉइंट मानने हैं तो एक में थीटा वन मान लेते हैं एक में थीटा टू मान लेते हैं तो ए कॉस तो थीटा वन कॉमा ए साइन थीटा वन दूसरा पॉइंट मान लेते हैं ए कॉस तो थीटा टू कॉमा ए साइन थीटा टू तो ये आगे दो पॉइंट एक्स वन वाई वन कॉमा एक्स टू कॉमा वाई टू तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की इक्वेशन तो भाई सिंपल सा फंड है आपको टू पॉइंट फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा टू पॉइंट फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसको पूरा हाफ एंगल फार्मूले टेग्नोमेट्रिक के फार्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो हमें उसका जो केवल फाइनल सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट है वो याद रखना है तो वो रिज़ल्ट क्या आता है एक्स कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू थीटा वन थीटा टू क्या हो गए थीटा वन थीटा टू जो आ रहे हैं वो इसके पैरामेट्रिक एंगल्स हो गए उनको हम क्या बोलेंगे पैरा एंगल्स तो अगर आपको वो थीटा वन दो पैरा पॉइंट पता है तो आप डायरेक्टली वो कॉर्ड मान सकते हो क्योंकि इसको प्रूफ करने में पाँच से छः स्टेप और लगेंगे इसको सिंप्लीफाई करने में टू पॉइंट फॉर्म को वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये अगर काम में भी आएगा तो डायरेक्ट आपको इसकी इक्वेशन काम में आएगी इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा या इतना यूजफुल नहीं है तो आप ये कॉर्ड की इक्वेशन डायरेक्टली याद कर लीजिए इसकी अपन को जरूरत पड़ सकती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो ये होगी कॉर्ड की इक्वेशन इन टू पॉइंट फॉर्म या इन पैरामेट्रिक फॉर्म आगे बात करते हैं नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेड एट ए गिवन पॉइंट मतलब आपको सर्किल की एक कॉर्ड फाइंड करनी है उस कॉर्ड का आपको मिड पॉइंट पता है कि एक सर्किल दिया है जनरल मान लेते हैं एस सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो सर्किल की क्वेश्चन गिवन है इस सर्किल का एक कॉर्ड है जिसका आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन कॉमा वाई वन तो हमारा डाउट ये है कि सर सिर्फ एक पॉइंट दिया है कॉर्ड का मिड पॉइंट तो क्या इससे वो कॉर्ड फिक्स हो गई क्या तो पहली बात तो भाई अगर सर्किल का कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है तो वो कॉर्ड यूनिक होगी कि नहीं होगी या इस पॉइंट कितनी लाइंस पॉसिबल है इस पॉइंट से जो कि मिड पॉइंट होगा तो केवल एक ही लाइन पॉसिबल है बोले क्यों देखो हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है हम सॉल्व करते हैं देखते हैं कितने आंसर्स पॉसिबल हैं तो अगर ये मिड पॉइंट दिया है और सर्किल का सेंटर दिया है माइनस जी माइनस एफ सर्किल का सेंटर दिया माइनस जी माइनस एफ और पहले से पता है कि जो पी है वो मिड पॉइंट है तो अगर पी मिड पॉइंट है तो सी को ज्वाइन करेंगे पी से तो ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड के क्या होगी परपेंडिकुलर तो CP लाइन जो आएगी वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर लाइन है तो अगर मेरे को ये लाइन की स्लोप पता है CP लाइन की देखो जो कॉर्ड है वो P पॉइंट से पास कर रही है वो तो पहले से पता है अगर उसकी स्लोप हमें मिल जाए तो कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी और हमें पता है कि वो जो कॉर्ड है मान लेते हैं कि ए बी है वो कॉर्ड सी पी लाइन के वो कॉर्ड सी पी लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसका परपेंडिकुलर इसका स्लोप फिक्स है तो ए बी लाइन का स्लोप भी फिक्स होगा अगर स्लोप फिक्स होगा तो वो लाइन भी क्या होगी फिक्स होगी तो मैं बोलूँगा कि भाई स्लोप ऑफ सी लाइन कितना आ रहा है सी लाइन का स्लोप आ रहा है वाई वन प्लस एफ अपॉन एक्स वन प्लस जी तो जो ए बी लाइन का स्लोप आएगा वो आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर लाइन माइनस वन अपॉन एम हो जाएगा तो आपको ए बी लाइन का स्लोप पता है आपको ए बी लाइन का पॉइंट पता है तो हम उस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं कि y माइनस वाई वन इज टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस जी अपॉन वाई वन प्लस एफ इन टू एक्स माइनस एक्स वन इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं वाई वाई वन प्लस एफ वाई माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस एफ वाई वन बराबर माइनस एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर माइनस का जी एक्स और माइनस माइनस प्लस जी एक्स वन इसको सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है एक्स एक्स वन अब हमको ये देखना है कि जो इसका फॉर्मेट आएगा उसको हम याद कैसे करेंगे तो यहाँ से आया एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू में बच रहा है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन अब देखो इसमें अगर हम प्लस जी एक्स कर देते हैं जी एक्स वन प्लस एफ़ वाई वन और प्लस सी पहले की तरह ही प्लस जी एक्स वन प्लस एफ़ वाई वन प्लस सी इससे क्या फ़ायदा होगा जो इधर का पार्ट बन रहा है इधर का जो पार्ट बन रहा है वो देखे क्या बन जाएगा उधर का पार्ट बन रहा है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ़ टाइम वाई प्लस वाई वन प्लस सी इजिक्वस टू ये वाला पार्ट मैं जी कॉमन आ गया एफ़ कॉमन आ गया प्लस सी और इधर का जो पार्ट आ रहा है इधर का पार्ट आ रहा है एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी ये राइट साइड का पार्ट आ रहा है अब देखो कि ये जो पार्ट आ रहा है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है राइट वाला पार्ट टेंजेंट वाले केस में क्या था कि वो पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहा था तो अपन ने इसको जीरो कर दिया था इस बार ये जीरो नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉइंट सर्किल के ऊपर नहीं आ रहा है तो इसको हमने नाम दे दिया एस वन की सर्किल की पूरी की पूरी सेम आ रही है बस एक्स की जगह X1 आ गया है y की जगह वाई वन आ गया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस वन से और जो ये वाला पार्ट आ रहा है लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेफ्ट साइड वाला पार्ट टेंजेंट की इक्वेशन से मैच कर रहा है कि अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखते तो वो यही आती कि नहीं आती तो इधर लेफ्ट वाला पार्ट कैपिटल टी से मैच कर रहा है कि वो टेंजेंट की इक्वेशन वाला पार्ट मैच कर गया और राइट वाला पार्ट राइट राइट वाला जो पार्ट आ रहा है वो मैच कर रहा है उस सर्किल की उस पॉइंट पर वैल्यू से वो वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी इस बार तो आधा पार्ट मैच कर रहा है टेंजेंट वाला फॉर्मेट इसलिए मैंने कैपिटल टी लिख दिया याद करने के परपज से और आधा पार्ट मैच कर रहा है एस वन वाली वैल्यू से तो यही कॉड की इक्वेशन हो जाएगी तो आपको इसमें यह कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे सर टेंजेंट तो कहीं थी नहीं डायग्राम में आपने टेंजेंट वाला फॉर्मेट क्यों लिख दिया क्योंकि भाई ये याद करने के पर्पज से लिखा है कि उस पूरी कॉड की जो इक्वेशन आई उसका आधा पार्ट उस पूरी कॉड की इक्वेशन का आधा पार्ट वैसा बन रहा है जैसा टेंजेंट में आता इसलिए मैंने इसको कैपिटल टी से रिनोट कर दिया है और जो रिमेनिंग पार्ट आ रहा है वो उस सर्किल की उस पॉइंट पर वैल्यू से मैच कर रहा है इसलिए मैंने उसको एस वन लिख दिया है इससे क्या होगा कि ये जो टेक्निक है टेंजेंट वाला फॉर्मेट और एस वन वाला फॉर्मेट वो अपन किसी भी सर्किल में अप्लाई कर सकते हैं आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इतनी बड़ी इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये पूरा डेरिवेशन बार बार करना पड़ेगा और ये जो फंडा है ये फंडा है वैलिड t बराबर एस वन जो ट्रिक है ये आने वाले सारे चैप्टर्स सर्किल में तो पढ़ ही रहे हैं सर वैलिड फॉर इट इज वैलिड फॉर पैरा बोला एलिप्स आइपर बोला सबके लिए ये वैलिड है ये ट्रिक ठीक है भाई पैरा बोला एलिप्स आइपर बोला सारे चैप्टर्स के लिए ये ट्रिक वैलिड है तो ये आपको दिमाग में रखना है तो चलिए इसपे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर मैं एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं एप्लीकेशन बेस्ड आपको बोला है कि भाई फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लोग एक बार पहले सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद ट्राई करेंगे उसके बाद अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल सच दैट पेयर ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग ऑरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स विद द सर्किल मेड इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस अब देखिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि आपको एक सर्किल दिया है ये सर्किल में एक्स सेंटर वन कामा जीरो रेडियस सेंटर है वन कामा वन और सर्किल जीरो जीरो से पास कर रहा है तो कुछ इस टाइप का हम सर्किल बना सकते हैं अब बोला है कि इस सर्किल के वो सारी कॉर्स का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए

पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कॉड्स विद द सर्किल तो ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उनको जब ज्वाइन कर रहे हैं ऑरिजिन से तो उनका एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बन रहा है दे मेक इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस मतलब एक कॉड यहाँ से ज्वाइन होगी एक कॉड का पॉइंट यहाँ से ज्वाइन होगा और इन दोनों का एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल है तो इस कॉड के मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा इस कॉर्ड का ए बी का एक कॉर्ड है जिसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए और वो कॉर्ड हमेशा ऑरिजिन पे जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका इक्वल एंगल बनता है अब यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन के जो तो चैप्टर है पेयर ऑफ लाइंस उसकी थियरी को मैं यूज करूंगा अब देखिए लोकस वाले क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं आपको जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मानोगे अगर आपको ए बी का मिड पॉइंट एच कॉमा के माना है तो हमको हम एबी हम की इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं बताइए टी बराबर एस वन क्योंकि अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता होता है तो कॉर्ड की इक्वेशन होती है टी इज टू एस वन हमें H और K को रिलेट करना है तो जो यहाँ से मेरे पास ए बी की इक्वेशन आएगी उसको सर्किल के साथ सॉल्व करके मुझे ये ओ ए लाइन और ओ बी लाइन की इक्वेशन चाहिए उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन कि जब भी कोई कर्व है लाइन कट कर रही है ज्वाइन हो रहा है ऑरिजिन से हमें जब भी ये पेयर ऑफ लाइन्स चाहिए तो वो कर्व और वो लाइन उन दोनों को सॉल्व करके होमोजेनाइज करके हम वो पेयर ऑफ लाइंस फाइंड कर सकते हैं तो करते देखो ट्राई सर्किल आपको दिया हुआ है तो इस सर्क विद रेस्पेक्ट टू एच कॉमा के तो टीका एच कॉमा के लगाएंगे सर्किल पर तो टी का पार्ट आएगा एक्स एक्स वन एक्स इंटू एक्स वन आएगा ना टी के अंदर तो एक्स वन का मतलब एच हो जाएगा वाई स्क्वायर का मतलब वाई वाई वन माइनस एक्स प्लस एच टू से टू कट जाएगा माइनस वाई प्लस के इजिक्वल टू एस वन एस वन का मतलब है इस पॉइंट के वो पुट कर देंगे इसके अंदर पूरा का पूरा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू एच माइनस टू के अगर इसको हम पूरा सॉल्व करें तो एक्स का टर्म यहाँ से आ रहा है एच माइनस वन के का टर्म y वाई का टर्म कॉमन आएगा तो यहाँ से आ रहा है के माइनस वन फिर यहाँ से आ रहा है इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का एच जाएगा प्लस का एच तो माइनस एच माइनस का जाएगा प्लस का के तो माइनस का के ठीक है भाई तो ये जो अपने पास आ गई कॉर्ड की इक्वेशन इसमें x का टर्म दिख रहा है y का टर्म है बाकी हमारे लिए क्या है कॉन्स्टेंट है अब ये जो लाइन आ रही है वो सर्किल को कट कर रही है दो पॉइंटों पर और वो ज्वाइन हो रहे हैं ऑरिजिन से हमें उनकी इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन ऑफ ओ इक्वेशन ए... ऑफ ओ ए एंड ओ बी ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन के लिए हम सर्किल की इक्वेशन को लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज़ करेंगे ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर तो करना क्या होता है यहाँ से हमें कॉन्स वन की वैल्यू बनानी पड़ती है सर्किल हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सर्किल दिया हुआ है माइनस टू एक्स इस ट्रम को टू होमोजीनियस बनाना है ये ऑलरेडी टू डिग्री है ये टू डिग्री है ये वन डिग्री है और ये वन डिग्री है तो इसको भी वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वन की वैल्यू कहाँ से आएगी इस इक्वेशन से एक्स इंटू एच माइनस वन प्लस वाई इंटू के माइनस वन अपॉन अपॉन में आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस के इज इक्वस टू वन कॉन्स्टेंट को पूरा का पूरा अपौन में ले जाएंगे इसको अपॉन में ले जाएंगे तो इक्वल टू में आ जाएगा वन ये जो वन आ रहा है इसको यहाँ दोनों जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स इंटू एच माइनस वन प्लस के माइनस वन इंटू वाई डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का टू वाई एक्स इंटू एच माइनस वन प्लस वाई इंटू के माइनस वन डिवाइड बाय पूरा का पूरा टर्म इक्वल टू जीरो यहाँ से हमको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई में हमको होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी क्योंकि दोनों लाइन किससे पास कर रही हैं ओरिजिन से पास कर रही हैं है. अब हमें करना क्या है हमें कंडीशन बोली है हमें तो एच और के में रिलेशन चाहिए था हमें पेयर ऑफ लाइन से क्या मतलब अब हमें इस पेयर ऑफ लाइन पे कंडीशन दी गई है कि वो दोनों पेयर ऑफ लाइन मेक इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस दोनों पेयर ऑफ लाइंस का एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बन रहा है इसकी ये कंडीशन होती है जो कि हम पेयर ऑफ लाइंस में पढ़ते हैं कि अगर एक पेयर ऑफ लाइन एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है इसका मतलब कॉफिशंट ऑफ एक्स वाई काफिशेंट ऑफ एक्स वाई ज़ीरो आता है मतलब एच की वैल्यू को ज़ीरो करना है ये हम पढ़ते हैं पेयर ऑफ लाइन्स में कंडीशन तो देखो भाई हम क्या करेंगे इसके अंदर कॉफिशनट ऑफ एक्स वाई को ज़ीरो करते हैं वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा तो कॉफिशंट ऑफ एक्स वाई क्या क्या आ रहा है आप ध्यान से देखिए यहाँ से एक्स वाई नहीं आएगा यहाँ से नहीं आएगा ये एक्स मल्टीप्लाई होगा ध्यान देना पड़ेगा सब लोगों को ये एक्स मल्टीप्लाई होगा इस वाले वाई से ये वाला वाई मल्टीप्लाई होगा इस वाले एक्स से तो एक एक्स वाई यहाँ से मिलेगा एक एक्स वाई यहाँ से मिलेगा उनका सम मिला के इकट्ठा करेंगे पूरा एक्स वाई और उसको जीरो कर देंगे तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई देखो जब ये वाला एक्स इस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू टाइम्स के माइनस वन आएगा अरे देखो ना भाई माइनस का टू इंटू के माइनस वन बाकी से मतलब ही नहीं है हमें केवल एक्स इंटू वाई का टर्म को कलेक्ट करना है फिर ये वाई जब इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टू इंटू एच माइनस वन और दोनों के अपॉन में सेम टर्म जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो इसके अपॉन में भी एक टर्म आएगा जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा इसके अपॉन में भी ये टर्म आएगा वो टर्म दोनों में कॉमन आ रहा है इक्वल टू ज़ीरो करना है तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो में ही चला जाएगा माइनस टू कॉमन आएगा तो एच प्लस के बराबर टू मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर टू जो होगा एक्स प्लस वाई बराबर टू जो होगा वो इसका क्या आ जाएगा लोकस आ जाएगा तो ये फाइनली इसके कॉर्ड के, के मिड पॉइंट का लोकस आएगा तो ये मैंने आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जिसमें कि मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन कि भाई सर्किल का फंडा यूज हो रही है T बराबर एस वन यूज करना पड़ रहा है उसके बाद आपको पेयर ऑफ लाइंस का होमोजेनाइजेशन भी यूज करना पड़ रहा है बात समय मारे आ रही है वो यूज करके फिर आपको फाइनली उसका लोकस मिलेगा आप इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज़ करिए एक बार अच्छे से कि मैंने क्या क्या चीज़ें कराई हैं समझिए हर स्टेप को और उसमें जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं अगर आप फॉलो करेंगे या जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आसानी से बट ये अच्छा क्वेश्चन है मेन्स एज वेल एज एडवांस दोनों के हिसाब से चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग है लेंथ ऑफ टेंजेंट कि अगर आपको किसी सर्किल में टेंजेंट का लेंथ पूछा है इसका मतलब क्या है तो अगर आपको सर्किल दिया है एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और सर्किल दिया है इस टाइप से तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं तो हम बोलेंगे कि यार सर सर्किल मैक्सिमम दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर मैक्सिमम दो टेंजेंट पॉसिबल है या दो हमेशा ही बनेंगी ऐसा बोल सकते हैं मान लो टच कर रही है एक ए पॉइंट पर और एक बी पॉइंट पर पी पॉइंट से जो टेंजेंट है वो ए पर और बी पर टच कर रही है अब हमें इसकी लेंथ पूछिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब हो जाएगा पी ए बराबर पी बी ये हमको फाइंड करना है कि उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का जो लेंथ मिलेगा वो पी ए बोले या पी बी बोले दोनों बराबर होता है वो कैसे फाइंड करेंगे या मैथमेटिकली उसका क्या फॉर्मूला बनेगा तो पी पॉइंट आपको दिया हुआ है मान लीजिए एक्स वन कॉमा वाई वन सर्किल का सेंटर पता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ ये भी आपको पता है तो हम इसमें ज्योमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते हैं कि यहां पर ये सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ पी पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन और ये यहाँ पे नाइन्टी सब टेंड हो रहा है ये डिस्टेंस हो जाएगा आर सी पी डिस्टेंस आप हाँ, फाइंड कर लोगे तो पाइथग्रह से सी पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर हमें फाइंड करना है पी ए लेंथ तो अंडर रूट में हो जाएगा सी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो पी ए लेंथ आ जाएगा अंडर रूट सी पी का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स वन प्लस जी होल स्क्वायर वाई वन प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन और जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कट जाएगा प्लस का सी तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो अंदर फार्मूला बन के आ रहा है वो इस टाइप का बन के आ रहा है कि हम इसको याद कर सकते हैं क्योंकि देखो पूरी की पूरी सर्किल की इक्वेशन ही डायरेक्ट आ गई है बस x की जगह x1 आ गया है और y की जगह y1 आ गया है तो ये रूट एस वन के बराबर हो गया किसके बराबर हो गया रूट एस वन क्योंकि हम इसको एस वन टर्म बोल सकते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या है कि सर्किल की इक्वेशन दी जाएगी एक पॉइंट दिया जाएगा इस पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगी उसकी लेंथ के लिए उस पॉइंट को सर्किल में पुट करना है और रूट ले लेना है लेकिन ध्यान क्या रखना है कि फिर से इसमें गलती होती है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या रहना चाहिए वन वन बनाने के बाद एक्स वन वाई वन को पुट करना है अगर मान लो दोनों सेम में टू और टू है और आपने सीधे सीधे पॉइंट पुट कर दिया तो अंदर में एक टू का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई आ जाएगा वो आंसर गलत हो जाएगा तो पहले कॉफिशेंट वन बनाना है उसके बाद एक्स वन और वाई वन का वैल्यू उसको पुट करना है ठीक है भाई तो इसपे क्वेश्चन देख ले रहे हैं डायरेक्ट पूछा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम थ्री कॉमा माइनस फोर थ्री कॉमा माइनस फोर से इस सर्किल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आएगा तो हम क्या करेंगे इसमें देखो कॉफिशेंट में टू और टू बना के दिया है तो कॉफिशेंट में टू नहीं आना चाहिए अगर टू होता नहीं ना तो इसमें हम डायरेक्टली वो पॉइंट को पुट करके रूट ले लेते या रूट एस वन का फार्मूला अप्लाई कर देते लेकिन पहले हमको इसको फार्मूला अप्लाई करने से पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है रूट एस वन वो पॉइंट पुट करना है बट उससे पहले कॉफिशेंट को वन बनाना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स बाई टू माइनस नाइन वाई बाई टू माइनस थर्टीन बाई टू इक्वस टू जीरो अब हम ये पॉइंट पुट कर सकते हैं तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा दैट इज रूट एस वन अब हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स का वैल्यू थ्री तो ये न... नाइन हो जाएगा वाई का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा ये माइनस का ट्वेंटी वन बाई टू वाई को पुट करेंगे माइनस का फोर माइनस माइनस प्लस थर्टी सिक्स बाई टू माइनस थर्टीन बाई टू इसको सिंप्लीफाई करके अपन एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं ट्वेंटी फाइव प्लस एटीन और ट्वेंटी वन और थर्टीन हो जाएगा थर्टी फोर बाई टू मतलब माइनस का सेवनटीन तो आंसर आ जाएगा रूट ट्वेंटी सिक्स अगर आप टू से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना भूल जाते तो आपका आंसर आता रूट फिफ्टी टू जो कि गलत हो जाता नेक्स्ट हेडिंग है अपना पेयर ऑफ टेंजेंट्स कि अगर आपको किसी पॉइंट से दो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो अपन क्या करेंगे तो देखो भाई इसमें अपने पास दो मेथड हैं अपन वन बाय वन मेथड डिस्कस करते हैं जो तरीका मैं बता रहा हूँ बस सीधे सीधे आपको अप्लाई करना है कि आपको एक पॉइंट दिया है x1 y1 और आपको एक सर्किल दिया है तो तरीका समझते हैं कि दो मेथड का मतलब है कि पेयर ऑफ टेंजेंट में दो टेंजेंट आएंगी एक्सटर्नल पॉइंट से अब हमें दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम दोनों टेंजेंट की इक्वेशन अलग अलग निकालें कि सर मेरे को तो सेपरेट सेपरेट आंसर चाहिए सर है ना या फिर मैं बोलूं सर हमको सेपरेट नहीं चाहिए हमको तो आप कंबाइंड दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब पेयर पेयर ऑफ ऑफ लाइंस के फॉर्म में टेंजेंट मतलब मल्टीप्लाई करके सर आप बोल दो फाइनल हमको अलग अलग नहीं चाहिए हमको दोनों केस में बात करनी है तो देखो कई बार क्या होता है कि हमको सेपरेट इक्वेशन की जरूरत पड़ रही होती है है ना कई बार हमको लगता है कि सर सेपरेट निकालेंगे फिर मल्टीप्लाई तो करना ही है जब मल्टीप्लाई करना ही है सर कुछ ऐसा मिल जाए कि डायरेक्ट ही वो कंबाइंड आ जाए तो टाइम बच जाएगा तो हम दोनों फॉर्म्स को देख रहे हैं भाई ठीक है तो देखो ये पॉइंट दिया है आपको X1, Y1. अगर हमको अलग अलग इक्वेशन निकालनी है तो हमको सिर्फ स्लोप चाहिए क्यों क्योंकि पॉइंट पता है अगर स्लोप मिल जाए वो स्लोप जिस पर की लाइंस क्या हैं टेंजेंट हैं तो हमारा काम हो जाएगा वो स्लोप जिस पर की लाइन क्या हो जाए इस पॉइंट से टेंजेंट तो हमको बस स्लोप ही तो अननोन है पॉइंट तो पता है तो हम क्या करेंगे सेंटर मान लीजिए कुछ भी दिया है माइनस जी माइनस एफ सर्किल तो दिया रहेगा तो हमने इक्वेशन मान लेंगे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो एम एक्स एम इंटू एक्स माइनस का वाई माइनस का एम एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू जीरो ये हमारे पास आ गई है ये हमारे पास आ गई है टेंजेंट इक्वेशन अब ये एम वेरिएबल है अब ये लाइन इस सर्किल पे क्या होनी चाहिए टेंजेंट होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे इससे इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल करेंगे अब हमको भी पता है कि इस पॉइंट से दो लाइन पॉसिबल है तो एम की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए दो तो हमारी कंडीशन में ऑटोमेटिकली एम में क्या बनेगी क्वाड्रेटिक बनेगी कहने का मतलब अगर मैं सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालता हूँ तो मैं लिखूँगा एम इंटू जी माइनस माइनस प्लस का एफ़ माइनस का एम एक्स वन प्लस वाई वन अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन इसको मैं इक्वल करूँगा किसके इक्वल आर के इक्वल पूरा सॉल्व नहीं करना है यहाँ से यहाँ से जब मैं स्क्वायर करूँगा यहाँ से अपन स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से आपको एम स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी और इसके दो रूट्स आएंगे एम वन और एम टू यहाँ से इसका स्क्वायर करने पर तो जब दोनों अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी तो एक बार एम वन करेंगे और एक बार एम टू करेंगे हमें दोनों क्वाड्रेटिक दोनों टेंजेंट की अलग अलग इक्वेशन मिल जाएगी इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर टू मेथड टू क्या है कंबाइंड इक्वेशन हमको क्या चाहिए कंबाइंड इक्वेशन तो इसके लिए हम एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जो कि आने वाले सारे चैप्टर्स सर्किल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब में हमको कंबाइंड टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए वो निकालेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं हम सर्किल है पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है इसके टेंजेंट बनाया पी ए और पी बी हमें पी ए और पी बी की कम्बाइंड इक्वेशन चाहिए तो हमने क्या करा इस पर एक पॉइंट मान लिया क्यू पॉइंट एच कॉमा के हमें एच और के में रिलेशन चाहिए क्योंकि एच और के टेंजेंट पे लाई कर रहा है लोकस के फंडे से करेंगे तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी वाई माइनस वाई वन बराबर के माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन यह आएगी हमारे पास हमको H और के का रिलेशन चाहिए तो पहले मैंने इन दो पॉइंटों से एक इक्वेशन एज्यूम करी अब इसका सेंटर से जो डिस्टेंस आ रहा है वो रेडियस के बराबर करेंगे सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर करेंगे वहाँ से जैसे मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा और रेडियस के बराबर करूँगा वहाँ से एक रिलेशन मिलेगा बड़ा सा वो जो बड़ा सा रिलेशन आएगा इसका इससे डिस्टेंस निकालेंगे ना x x की जगह माइनस जी आ जाएगा y की जगह माइनस एफ आ जाएगा और डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे वो जो बड़ा सा रेशन मिलेगा वही कंबाइंड टेंजेंट की इक्वेशन होगी जिसको कि हम याद करते हैं पूरा सॉल्व नहीं करना है जिसको कि हम फैक्टराइज फॉर्म में याद करते हैं और बोल देते हैं एस एस वन बराबर टी स्क्वायर जिसको कि हम किस फॉर्मेट में याद करेंगे एस एस वन बराबर टी स्क्वायर मतलब वो जो बड़ी सी इक्वेशन आएगी उसका एक पार्ट सर्किल की इक्वेशन से मैच कर रहा होगा उसका एक पार्ट मल्टीप्लाई में वो एस वन की वैल्यू से मैच कर रहा होगा और बचा हुआ पार्ट टेंजेंट वाले फॉर्मेट के स्क्वायर के बराबर आ जाता है बचा हुआ पार्ट टेंजेंट के फॉर्मेट टेंजेंट की इक्वेशन के फॉर्मेट के बराबर आ जाता है तो अगर इसको अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे मान लो सर्किल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो मैंने जान लो छोटा सर्किल लिया है कि किसी भी सर्किल पर अप्लाई कर सकते हैं जो भी एस हो और पॉइंट दिया है एक्स वन कॉमा वाई वन तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस सर्किल पर कंबाइंड टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी एस एस वन बराबर टी स्क्वायर तो एस का मतलब हो जाएगा कि पूरा का पूरा सर्किल ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन टू में इन टू में आएगा एस वन तो एस वन का मतलब है कि जहां जहां एक्स और वाई आ रहा है वहां एक्स वन वाई वन पुट कर देंगे इक्वल टू इक्वल टू टी का स्क्वायर टी का स्क्वायर का मतलब है इस पॉइंट पर सर्किल के लिए टेंजेंट तो वो हो जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा हम बोल सकते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली कंबाइंड टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी ठीक है और ये जो फॉर्मेट है ये जो फॉर्मेट है ये पैराबोला सर्किल एलिप्स है ना पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए वैलिड है उनमें भी अपन डायरेक्ट कंबाइंड टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे तो हम हमें क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन एक्स इजिक्वल टू वन एक्स इजिक्वल टू वन वाली लाइन से जो इंटरसेप्ट बनेगा ऑन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस सर्किल मतलब ये हुआ कि कोई सर्किल है और उस पर हमने ऑरिजिन से बनाई पेयर ऑफ टेंजेंट्स उस पेयर ऑफ टेंजेंट पर x बराबर वन से कोई पॉइंट है ऑरिजिन उससे हमने बनाई पेयर ऑफ टेंजेंट्स उस पर x से जो इंटरसेप्ट उनके बीच में जो इंटरसेप्ट बनेगा मतलब ये लाइन कट करेगी a और b पर x बराबर वन जो लाइन है वो कट करेगी पेयर ऑफ टेंजेंट्स को a पर और b पर तो मुझे ए बी का लेंथ चाहिए ठीक है भाई तो करना क्या है देखो सबसे पहले तो हमें ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा इस लाइन के साथ और लाइन में क्या दिया है एक्स बराबर वन तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि यार ए पॉइंट वन कॉमा वाई वन हो सकता है क्योंकि एक्स तो फिक्स ही हो गया और बी पॉइंट वन कॉमा वाई टू हो सकता है तो जो ए बी लेंथ आएगा ए बी क्या वर्टिकल लाइन पर आ रहा है तो जो उसका ए बी का जो लेंथ आएगा लेंथ डायरेक्टली वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा ए भी जो लेंथ आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा ए भी आ जाएगा मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ से तो इसका मतलब मुझे निकालना है वाई वन वाई टू मतलब मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स का एक्स बराबर वन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और जो दो पॉइंट्स आएंगे उनका डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो ओ से जो लाइन जा रही है ओ ए एंड ओ बी इसकी हम कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि हम अलग अलग इक्वेशन निकाल लेंगे उसमें ज़्यादा टाइम ख़राब होगा अलग से इक्वेशन निकालने में कॉम्प्लिकेट आ सकती है उसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा हम कह रहे हैं कि हम दोनों काम एक ही बार में कर लेंगे तो इस केस में ऑरिजिन से जो टेंजेंट्स बनेंगी ओ ए और ओ बी उनकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एस एस वन बराबर टी स्क्वायर के फॉर्मेट में उसको हम सकते हैं एस एस वन बराबर टी फॉर्मेट में तो जीरो जीरो से जब टेंजेंट लिखेंगे कौन से पॉइंट से जीरो जीरो से तो एक्स वन वाई वन क्या हो गया है एक्स वन वाई वन हो गया है जीरो कॉमा जीरो देखो एस का मतलब क्या होगा एस का मतलब जो भी सर ये अपना एस वाला कर्व हो गया। S का मतलब है जो भी इक्वेशन है एज इट इज लिख दो चुपचाप से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस ट्वेंटी फोर एस वन एस वन का मतलब है कि जीरो जीरो पुट करना पड़ेगा तो ये भी जीरो ये भी जीरो 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 कितना बचेगा ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू टी का स्क्वायर मतलब जीरो जीरो पर जो टेंजेंट आएगी उसका स्क्वायर करना है तो जीरो जीरो पर टेंजेंट कैसे लिखते हैं एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस थ्री टाइम्स आधा हो जाएगा एक्स प्लस जीरो माइनस का फोर टाइम्स वाई प्लस जीरो प्लस ट्वेंटी फोर का होल स्क्वायर इस टाइप से टम आ जाएंगे तो अगर अपन अच्छे से लिखें इसको तो ट्वेंटी फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस ट्वेंटी फोर बराबर ये जीरो जीरो ये आ तो रहा है थ्री एक्स माइनस का माइनस माइनस कॉमन ले लिया प्लस का फोर बाय माइनस ट्वेंटी फोर का होल स्क्वायर यहां तक हम पहुंच जाएंगे अब ये आ गया है अपने पास पेयर ऑफ लाइंस इस पेयर ऑफ लाइन का एक्स बराबर वन के साथ इंटरसेक्शन चाहिए तो हम हम क्या करेंगे कि पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि जब हमको इसको सॉल्व करके हमको इस पेयर ऑफ लाइंस को सॉल्व करना है एक्स बराबर वन के साथ जब इसके साथ सॉल्व करना ही है सॉल्व करने का मतलब इसको इसमें पुट करना ही है तो क्यों ना हम इसको पहले ही पुट कर दें तो एक्स को हम पहले ही वन डाल देते हैं तो एक्स को वन डालेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एट वाई वन डालेंगे तो वन माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा नाइनटीन यहाँ भी एक्स को वन डाल देंगे तो फोर वाई माइनस ट्वेंटी वन का होल स्क्वायर तो यहाँ से क्या होगा आपको वाई में मिल जाएगी क्वाड्रेटिक उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स आ जाएंगे वाई वन और वाई टू और वहाँ से हम डिफरेंस ऑफ रूट निकाल सकते हैं तो अपना काम आसान हो जाएगा अगर इसको अपन सॉल्व करने जाते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो मेरे ख्याल से आप लोग भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं नाइनटीन फोर जैवेंटी सिक्स सेवन नाइनटीन थर्टी एट और सेवन फोर्टी फाइव इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस फोर फोर्टी वन माइनस ट्वेंटी वन इंटू एट वन ट्वेंटी एट वाई तो यहाँ से आप देखेंगे कि आ रहा है एट वाई स्क्वायर और 192 में से 128 माइनस करेंगे 12 माइनस एट फोर एट माइनस टू सिक्स सिक्सटी फोर वाई हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो सिक्स माइनस वन फाइव हो जाएगा और फाइव माइनस फोर वन हो जाएगा तो ये आपके पास आ गई है वाई में क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं वाई वन और वाई टू अब बस अब तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया भाई कि वाई वन प्लस वाई टू वाई वन प्लस वाई टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए तो वो 8 हो Y1, हो एट हो गया और वाई वन हो गया सी बाई ए फिफ्टीन बाई एट हो गया अब सम द रूट्स पता है तो यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे y1 वन प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर वाई वन वाई टू डेटा पुट करेंगे वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा तो मेन बात है कि आपको तरीका सीखना था कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो आना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर आपको पेयर ऑफ़ टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो तो उसके लिए टेक्निक क्या यूज़ होगा कि भाई आपको सर्किल दिया है एक पॉइंट पी दिया है एक्स वन को वाई वन बस तरीका समझ लेते हैं ज़्यादा इसमें कोई फार्मूला याद नहीं रखना है आपको सिर्फ तरीका समझना है कि हाँ भाई सॉल्व कैसे पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है ज्योमेट्री से बोले सर आपने तो सिखाई दिया ना सर कि पेयर ऑफ लाइन तो आई जाती है सर पेयर ऑफ लाइन्स आ गई अब हमने पेयर ऑफ लाइन फार्मूला पढ़ा है कि दो पेयर ऑफ लाइंस के बीच पेयर ऑफ लाइंस के बीच के एंगल का फार्मूला पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं बट उसके लिए पूरी लाइन निकालना पड़ेगा ना मैं कह रहा हूं कि बिना लाइन की इक्वेशन निकाले हम उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं कैसे देखो तो वही तो बता रहा हूं इसके अंदर में पी पॉइंट है ये लाइन टच कर रही है ए और बी पर मुझे इनके बीच का एंगल फाइंड करना है हम इसको ज्वाइन कर देंगे सेंटर से अब जब इसको सेंटर ज्वाइन करेंगे सिंस ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी तो बराबर होंगे या इसको मैं एंगल को थीटा मान लेता हूँ कि ये एंगल भी थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा तो जो इनके बीच का एंगल आएगा वो कितना हो गया टू थीटा। कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो बीच का एंगल आ रहा है दैट इज़ टू थीटा और सिंस ये दोनों टेंजेंट्स बराबर होती हैं तो ये एंगल इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा ये जो लेंथ होती है ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज रूट एस वन ये हमको डायरेक्टली फार्मूला पता है जिसको हम एल के इक्वल मान सकते हैं ये 90 डिग्री बन रहा है और ये रेडियस होता है तो यहाँ से ट्रेंगल देख के हम डायरेक्टली थीटा निकाल सकते हैं आपको दिख रहा है कि जो टेन थीटा होगा इस ट्रेंगल में 90 है थीटा के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan थीटा जो होगा वो हो जाएगा r by l tan थीटा जो होगा वो r l हो जाएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनके बीच का एंगल 2 थीटा है तो अगर इसका 2 थीटा की वैल्यू पूछी है तो tan थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं tan 2 थीटा भी निकाल सकते हैं तो 2 tan थीटा हो जाएगा 2 tan a डिवाइड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर ए तो हो जाएगा टू टाइम्स आर बाय एल वैल्यू पुट कर देते हैं भाई तो वहाँ से आपको उनके बीच का पूरा पूरा एंगल मिल जाएगा वन माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर तो सॉल्व करते हैं तो टू एल आर एक एल कटेगा अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये इनके बीच का एंगल आ जाएगा तो ये एक जोमेट्रिकल तरीका हो गया डायग्राम में ही अपन एंगल फाइंड कर सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने देखो भाई इस पर कि द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी टू दिस सर्किल सर्किल दिया हुआ है इस टू अल्फ़ा मतलब एक पॉइंट पी है जिससे सर्किल पे जो दो टेंजेंट्स बन रही हैं उनके बीच का एंगल टू अल्फ़ा है तो लोकस ऑफ पी बताना है लोकस बताना है मतलब ये जो अल्फा है ये वेरिएबल है मतलब पी पॉइंट मूव कर रहा है अलग अलग पी पॉइंट के लिए हर बार एंगल कितना बन रहा है टू अल्फ़ा बन रहा है तो उस पी पॉइंट का पाथ क्या आएगा तो देखो पहले हमें सर्किल का सेंटर लिखना पड़ेगा इस सर्किल का सेंटर कितना है बताओ माइनस टू कॉमा थ्री हमें इसका रेडियस भी लिखना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम सर्किल बनाएंगे नहीं हम उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल कैसे बनाएंगे तो फोर प्लस नाइन माइनस ये पूरा कॉन्स्टेंटम आ जाएगा ना ये पूरा अपना कॉन्सटेंटम हो गया तो माइनस का नाइन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का थर्टीन कॉस स्क्वायर अल्फा तो सॉल्व करने पर आया इसको सॉल्व किया तो फोर प्लस नाइन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थर्टीन कॉस स्क्वायर अल्फा तो फोर नाइन माइनस थर्टीन माइनस का फोर कॉस स्क्वायर अल्फा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा तो फोर साइनस का अल्फा कितना हो जाएगा टू साइन अल्फा तो इसकी जो रेडियस आ रही थी वो भी अल्फ़ा के टर्म में आ रही है मतलब सर्किल खुद वेरी कर रहा है सर्किल का रेडियस वेरी कर रहा है इसलिए तो लोकस का क्वेश्चन बन रहा है लोकस का क्वेश्चन भाई तभी बनेगा जब उसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो अगर हम बात करें कि भाई ये सर्किल बना दिया अपन ने इस तरह से ये पॉइंट भी है इसका लोकस निकालना है उसको मैंने एच कॉमा के मान लिया इससे मैंने बनाई टेंजेंट्स और ये बोल रहा है कि इनके बीच का एंगल टू अल्फा है मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया माइनस टू कॉमा थ्री मैंने यहाँ रेडियस बना दिया रेडियस है टू साइन अल्फा अगर ये पूरा एंगल टू अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा और मुझे अल्फा को एलिमिनेट करना है मुझे एच और के में रिलेशन चाहिए तो क्या करेंगे देखो अगर आपको ये परपेंडिकुलर पता है और सी लेंथ भी पता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपटेनिस क्या होता है साइन अल्फा साँग अल्फा बराबर ये पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट है तो ए लेंथ अपॉन सी लेंथ और सी लेंथ जो ए लेंथ आ रहा है वो हो गया टू साइन अल्फा अपॉन सी लेंथ सी लेंथ का मतलब है डिस्टेंस फॉर्मूला एच प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन अल्फा साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट तो आप देख रहे हो अल्फ़ा क्या हो गया है एलिमिनेट हो गया है और यहाँ से इसको उधर लेके स्क्वायर करेंगे तो फोर बराबर एच प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री का होल स्क्वायर यही अपना इक्वेशन आ गया है लोकस का क्योंकि हमको एच और के में रिलेशन मिल गया है और अल्फ़ा हट गया है तो जो आंसर आया है जो रिलेशन आया है वही अपना लोकस है एच को अपन एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और के को अपन वाई से रिप्लेस कर देते हैं ये अपना फिक्स तरीका है तो इस टाइप से एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स पे क्वेश्चन बन सकता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है डायरेक्टर सर्किल तो डायरेक्टर सर्किल का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं तो डायरेक्ट सर्किल का मतलब होता है इट इज द लोकस ऑफ ये भी एक लोकस ही है लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डायरेक्ट सर्किल इज द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मतलब एक सर्किल पर जितने भी जो दो दो टेंजेंट बनेंगी अगर उनके बीच में वो कट कर रही हैं 90 डिग्री पर तो जिस जिस पॉइंट पर वो 90 पे कट करेंगी उन पॉइंट्स का जो पाथ आएगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल मतलब अगर सर्किल दिया है एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अगर आपको सर्किल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि ये मैंने सर्किल बना दिया इस तरह से कोई पॉइंट पी पॉइंट है अब इस पर कोई भी जो दो टेंजेंट्स बनाई इस तरह से कि वो टेंजेंट्स के बीच में क्या एंगल आ रहा है नाइन्टी एंगल आ रहा है तो क्या नाइन्टी एंगल केवल एक ही पॉइंट पर बनेगा नहीं और भी दो टेंजेंट बन सकती हैं कि ये भी नाइन्टी पे मिल जाए तो दो दो मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट पॉसिबल हैं जिनसे जो टेंजेंट बनेंगी इस पॉइंट से टेंजेंट बनी 90 एंगल इस पॉइंट से टेंजेंट बनी 90 एंगल तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल हैं जिनसे कि 90 पे टेंजेंट्स बन सकती हैं उन सारे पॉइंट्स को जॉइन करने पर उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो इक्वेशन आएगी या जो पाथ आएगा उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल हमें चाहिए उसकी इक्वेशन कि उस डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे तो हमारा फंडा क्या है हमें निकालना लोकस जब भी किसी पॉइंट का लोकस निकालना है एच कॉमा के मान लेते हैं अब एच कोमा के मान लिया है हमें नाइन्टी डिग्री पे अप्लाई करनी है कंडीशन सर्किल आपको सेंटर दिया है ज़ीरो जीरो और रेडियस है इसका कितना ए अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूँ तो देखो अपन इसका एम स्लोप मान लेते हैं कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही हैं और उनके बीच में नाइन्टी डिग्री अपन अप्लाई करेंगे बाद में कि अपन ने एम स्लोप मान लिया कि एक का स्लोप एम वन होगा एक का स्लोप एम टू होगा और दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं वो अपन अप्लाई कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगा कि पी पॉइंट से एक ये ए टेंजेंट और बी टेंजेंट है तो टेंजेंट की मैं इक्वेशन मानूंगा वाई माइनस के बराबर एम इंटू एक्स माइनस एच मैं क्या क्वेश्चन करूँगा वाई माइनस के बराबर एम इंटू एक्स माइनस एच अब ये लाइन सर्किल पे टेंजेंट होनी चाहिए तो सेंटर से इसका जो सेंटर आ रहा है जीरो जीरो इससे इसका डिस्टेंस ए के बराबर कर देंगे जैसे ए के बराबर करेंगे वहां से अपन को एम की दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी तो एक को एम वन मानेंगे एक को एम टू और उनका मल्टीप्लाई कंडीशन अप्लाई करेंगे एम वन एम टू बराबर माइनस का वन तो देखो करते इसको सॉल्व तो ये आ रहा है एम इन टू एक्स माइनस वाई प्लस के माइनस एम एच बराबर जीरो 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 से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो प्लस के माइनस एम एच अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन का होल मॉड इज इक्वल टू ए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू एच के एम बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो ध्यान से देखो आप ये मैंने आपको टॉपिक बताया था पहले भी कि एक्सटर्नल पॉइंट से अलग अलग टेंजेंट कैसे निकाली जाती हैं उसके लिए यही तरीका बताया था कि पहले टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहां से आप जब अप्लाई करोगे रेडियस के बराबर करोगे तो वहां से आपको एम में क्या मिलेगी एक क्वाड्रेटिक तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि देखो ये आ रहा है एम स्क्वायर कॉमन तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू एच के एम प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो इसके दो रूट आएंगे एम वन और एम टू हमें करना है एम वन एम टू बराबर माइनस वन और एम वन एम टू किसके बराबर होता है सी बाय ए के तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर माइनस वन तो यहां से हम बोल सकते हैं कि केक्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर आप ध्यान से देखो ये जो लोकस आया ये भी एक सर्किल की इक्वेशन आया इसलिए हमने इसको नाम दिया डायरेक्टर सर्किल कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखो हमारा जो मेन सर्किल था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था इसका जो लोकस आ रहा है वो भी एक सर्किल आ रहा है बड़ा सर्किल आ रहा है इससे बस और उसका रेडियस कितना हो गया ध्यान से देखिए रेडियस हो गया रूट टू ए का होल स्क्वायर मतलब उसका रेडियस अगर ए था तो ये भी सर्किल की इक्वेशन है जिसका रेडियस रूट टू ए हो गया है और सेंटर क्या है इसका सेंटर तो अभी भी जीरो जीरो है मतलब जो डायरेक्टर सर्किल आएगा उसका सेंटर अभी भी क्या रहेगा जीरो जीरो मतलब सेम रहेगा और रेडियस कितना हो जाएगा रूट टू टाइम्स तो इस तरीके को अपन कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं जनरलाइज कर सकते हैं कहने का मतलब अगर मैंने बोला कि सर्किल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस थ्री बराबर ज़ीरो मैंने आपसे पूछा कि इस सर्किल का डायरेक्टर सर्किल क्या होगा इस सर्किल के डायरेक्टर सर्किल क्वेश्चन क्या होगी तो कहने का मतलब अब आप इसमें इस आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो कराया था स्टैंडर्ड सर्किल के लिए आपने दे दिया सर इतना बड़ा सर्किल जनरल दे दिया अब इसमें हम टेंजेंट मानेंगे एम स्लोप मानेंगे उसमें तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा तो भाई अपना फंडा ये है कि हमने क्या सीखा कि भाई जो सर्किल मिलेगा उसका सेंटर सेम ही रहेगा जब सेंटर सेम रहेगा तो सेंटर पहले से निकाल लो और रेडियस भी निकाल लो और जो नया सर्किल आएगा उसकी रेडियस पुराने वाले के रूट टू टाइम्स बढ़ जाएगी तो एक काम करते हैं ना अपन पहले इसका सेंटर लिख लेते हैं भाई वन कॉमा माइनस टू और रेडियस कितना आ रहा है रेडियस वन प्लस फोर प्लस थ्री तो ये आ गया फोर और थ्री सेवन वन एट मतलब टू रूट टू ये रेडियस आ गया तो सेंटर पता है रेडियस पता तो डायरेक्टर सर्किल के लिए क्या होता है फंडा कि सेंटर तो सेम ही रहना है सेंटर सेम रहेगा तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई प्लस टू का भी होल स्क्वायर क्योंकि x क्योंकि यहां पे x माइनस वन हो जाएगा होल स्क्वायर और y माइनस वाई वन करेंगे तो प्लस का टू हो जाएगा और जो रेडियस होगी वो इस रेडियस का रूट टू टाइम्स हो जाएगी तो टू रूट टू का रूट टू टाइम्स और इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां से जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो उसके डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी इस तरह से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर आपको किसी सर्किल में किसी सर्किल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी पॉइंट है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या होता है नाम से ही क्लियर हो रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब कि एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को ही बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ से आएंगे एक पॉइंट दिया रहेगा जिससे हम बनाएंगे दो टेंजेंट एक पॉइंट दिया रहेगा पी पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन जिससे हम बनाएंगे दो टेंजेंट्स वो कट टच कर रही हैं ए और बी पर तो ए और बी को हम क्या बोलते हैं ए और बी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी ए बी लाइन इसी को हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या निकाल निकालनी है अपन को सर्किल फिक्स है पॉइंट फिक्स है तो टेंजेंट भी फिक्स है टेंजेंट फिक्स है तो ए और बी भी फिक्स है और अगर ए और बी फिक्स हैं तो ए और बी की एक यूनिक लाइन होगी वो हमें निकालनी है उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा हम सर्किल एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अब ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एक्स टू कामा वाई टू और बी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं एक्स थ्री कामा वाई थ्री हमने ये दो पॉइंट एज्यूम कर लिए जहां वो टेंजेंट टच करेगी तो हम क्या करेंगे ए पॉइंट अगर सर्किल के ऊपर माना है और बी पॉइंट भी सर्किल के ऊपर माना है तो इन दोनों पर टेंजेंट लिख सकते हैं तो इस पॉइंट पर टेंजेंट आएगी एक्स एक्स टू प्लस वाई वाई टू बराबर ए स्क्वायर अब ये जो टेंजेंट मैंने लिखी है इस पॉइंट पर वो पास करेगी एक्स वन कॉमा वाई वन से तो एक्स की जगह एक्स वन आ जाएगा वाई की जगह वाई वन आ जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऐसे ही ये जो टेंजेंट है वो पास करे एक्स थ्री कामा वाई थ्री पर टेंजेंट लिखेंगे तो वो आएगी एक्स एक्स थ्री प्लस वाई वाई थ्री बराबर ए स्क्वायर इसको भी पास कराएंगे एक्स वन कॉमा वाई वन से यह जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर अब हमारे पास दो कंडीशन मिल गई हैं इन दो कंडीशन को ऑब्जर्व करके इन दो कंडीशन को ऑब्जर्व करके हम ये बोल सकते हैं देखो भाई मुझे निकालनी है ए और ए बी लाइन की इक्वेशन अगर मेरे को ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए अगर मैं एक ऐसी कोई रैंडम लाइन लिख देता हूँ जो ए को और बी को सेटिस्फाई कर रही है तो वो पक्का ए भी होगी क्योंकि दो पॉइंट से तो एक यूनिक लाइन पास करती है तो मैंने इन दोनों को ऑब्जर्व करके क्या देखा कि यहाँ वेरी कर रहा था एक्स टू और यहाँ आ रहा था एक्स थ्री ऐसे यहाँ आ रहा था वाई टू और यहाँ आ रहा था वाई थ्री तो एक्स वन कॉमन था तो इसको मैंने कॉमन रखा एक्स टू और एक्स थ्री की जगह आ गया एक्स ऐसे y2 और की जगह आ गया वाई टू ए y1 वन प्लस ए दी मैंने इक्वेशन ये x और वाई में लीनियर टर्म आ रहा है तो ये एक लाइन की इक्वेशन है इसको एक्स टू कॉमा वाई टू सेटिस्फाई कर रहा है इसको एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री भी सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये लाइन पॉइंट एक्स टू वाई टू से भी पास कर रही है और ये लाइन एक्स थ्री वाई थ्री से भी पास कर रही है मतलब यही किसकी इक्वेशन हो जाएगी ए बी की इक्वेशन हो जाएगी और यही क्या हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगी क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को यही क्या हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगी और ध्यान से अगर आप देखो तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये अपने टेंजेंट के फॉर्मेट से मैच कर रही है ये इक्वेशन अपने टेंजेंट देखो ना एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह वाई, वाई वाई वन कॉन्स्टेंट की जगह कॉन्स्टेंट ये पार्ट टेंजेंट से मैच कर रहा है इसलिए इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं ये टेंजेंट नहीं है लेकिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ रही है वो अपने फॉर्मेट टेंजेंट से मैच कर रही है इसलिए हम कॉर्ड की इक्वेशन को याद रखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होती है वो टी बराबर जीरो कि अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो टेंजेंट आती वही टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के बराबर मैच कर रही है इक्वेशन इस तरह से अपन याद कर सकते हैं तो इसमें देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक क्वेश्चन बन सकता है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कर रहे हैं अपन आप ये मैंने थ्योरी में कवर कर रहा हूं बट ये एज ए क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है आपको क्या बोला है कि एक पॉइंट है पी पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन और इससे मैंने बनाई दो टेंजेंट्स जो कट कर टच कर रही हैं ए और बी पर तो आपसे पूछ रहा है कि पी ए बी एक ट्रेंगल बन रहा है इस पी ए बी ट्रैंगल का इस पी ए बी ट्रैंगल का सर्कम सर्किल क्या होगा इस पी ए बी ट्रेंगल का सरकम सर्किल की इक्वेशन क्या होगी तो हम क्या करेंगे देखो ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए अगर इस सर्किल का सेंटर सी है अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि सर्किल कहाँ से पास करेगा मैंने एक सेंटर सी माना और जॉइन किया उसको ए पॉइंट से और जॉइन किया मैंने उसको बी पॉइंट से तो ये एंगल भी नाइन्टी बनेगा ये एंगल भी नाइन्टी बनेगा सी को ज्वाइन किया ए से और बी से तो वो भी नाइन्टी वो भी नाइन्टी इसका मतलब जो सी लाइन है अगर दो एंगल नाइन्टी हैं इसका मतलब ये एक क्वारिलेटर बन रहा है तो ए पी बी सी ये पॉइंट्स क्या हो गए कॉन्साइकलिक क्योंकि दो एंगल का सम 180 आ रहा है इसका मतलब ये चार पॉइंट जो है एक सर्किल पे लाई करेंगे मतलब जो सर्किल पी ए और बी से पास करेगा वो सी से भी पास करना ही पड़ेगा उस सर्किल को सी से पास करना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि ये चारों पॉइंट हमेशा क्या होते हैं कौन साइक्लिक होते हैं और सी पॉइंट आपको सर्किल दिया रहेगा लेट से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ़ वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो तो सर्किल का सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ़ तो हम बोल सकते हैं कि जो इस सर्कम सर्किल की इक्वेशन होगी अब अगर ये सी पी लाइन जो है ये नाइन्टी सपटेंड कर रहा है ए पर और सी पी नाइनटी सबटेंड कर रहा है बी पर सी पी दोनों पर नाइन्टी डिग्री सपटेंड कर रहा है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई सी जो होगा वो डाया हो जाएगा उस सर्किल का और डाया हो जाएगा तो हमें पी भी पता है और सी भी पता है तो डाया के दो एंड पॉइंट पता हैं तो हम बोल सकते हैं कि सर्कम सर्किल ऑफ ट्रेंगल पी ए बी विल बी सी पी एस डाया अगर डाया के दो एंड पॉइंट पता है उससे जो तो सर्किल आएगा वही डायरेक्टली सर्कम सर्किल ऑफ ट्रेंगल पी ए बी हो जाएगा तो पहले पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा देखो एक्स माइनस एक्स वन एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस वाई वन वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है कि पी ए बी का एरिया क्या होगा पी ए बी का एरिया क्या होगा और लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा अब ध्यान से देखो इसमें अपन लॉजिक लगाते हैं ये अगर मान लीजिए ये जो लेंथ होती है P से लेकर A तक का लेंथ सर्किल दिया है और P पॉइंट दिया है तो ये लेंथ होगी रूट एस वन दैट इज़ एल और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा R ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट और इसको ज्वाइन कर दिया ये हो गया आर हो गया इस एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूँ तो ये थीटा है ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो रिमेनिंग एंगल थीटा हो जाएगा ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं कैसे देखो भाई मुझे पता है कि अगर ये थीटा है ये 90 है तो इस ट्रेंगल के अंदर आप देखो बड़ा वाला ट्रेंगल देखो कौन सा बड़ा वाला ट्रेंगल पी ए सी पी ए सी ट्रेंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस तो आपको पता है कि जो टेन थीटा होगा वो बराबर होगा आर बाय एल के थीटा किसके बराबर है आर बाय के आर पता है एल का मतलब है ऑफ टेंजेंट वो भी पता है अब अगर मैं बोलता हूं कि देखो ये, एल है, ये थीटा है तो ये हो जाएगा यहां से यहां तक एल cos थीटा और ये लेंथ हो जाएगी एल साइन थीटा और थीटा tan थीटा से हम साइन कॉस निकाल सकते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन खत्म जो सेकेंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रैंगल पी ए बी एरिया ऑफ ट्रैंगल पी ए बी के लिए मैं क्या लिखूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पी ए बी अगर ये पी ए बी दिख रहा है तो ये ए बी बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी ये डी पॉइंट मान लेते हैं ए बी हो जाएगा बेस और पी डी हो जाएगा हाइट तो हाफ़ इंटू ए बी इंटू पी डी तो यह आ जाएगा हाफ ए बी लेंथ कितना आ गया देख लो भाई एल साइन थीटा का डबल टू एल साइन थीटा और पी डी लेंथ कितना आ गया एल कॉस थीटा तो टू कैंसिल आउट एल स्क्वायर आ गया इन टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा तो भाई ट्रेंगल बना के टेन से ये आर है ये एल है ये अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या साइन का वैल्यू हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वा और ये हो जाएगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो ध्यान से देखिए ये आ गया फार्मूला आर एल क्यूब आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो और नहीं भी चाहो तो थीटा मान के उसी टाइम पे प्रूव कर सकते हो एक मिनट लगेगा बस थीटा मान के उसी टाइम पे कंपोनेंट लेके सा साइन काउस निकाल लिया फटाफट से काम हो जाएगा फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये आ गया एरिया और बात करें लेंथ के लिए तीसरा पार्ट क्या पूछा है ए <coughs> बी का लेंथ क्या आएगा तो अपन ने ए बी का लेंथ निकाल तो लिया ए बी का लेंथ में ये एल साइन थीटा है तो ये भी एल साइन थीटा तो ए बी का लेंथ हो जाएगा टू एल साइन थीटा तो टू एल तो ठीक है साइन थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वा प्लस एल स्क्वायर तो टू एल आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा ये हो गया ए बी का तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बन सकता है इस टाइप का तो इस पर मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूँ भाई कि ये इस डेटा को अप्लाई कैसे करना है आपको दिया है कि बी एक सेंटर ऑफ सर्किल है बी इज द सेंटर ऑफ सर्किल अब इसमें बोला है कि भाई आपको लेट टेंजेंट्स एट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू पी और क्यू पे जो टेंजेंट्स है वो कट कर रही हैं ए पॉइंट पर मतलब आपको सर्किल दिया है ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये जेई मेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि भाई ए पॉइंट है थ्री कॉमा वन इससे मैंने बनाई दो टेंजेंट्स इससे बनाई दो टेंजेंट्स वो कट कर रही हैं पी और क्यू पे जो टेंजेंट्स है वो कट कर रही हैं ए पॉइंट पर और बी सर्किल का है सेंटर तो आपसे क्या पूछ रहा है ए पी क्यू का एरिया और बी पी क्यू का एरिया ए पी क्यू का एरिया कितना होगा और बी पी क्यू का कितना होगा अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले जब ए से जो टेंजेंट्स बनती हैं उस ट्रेंगल का एरिया निकाला बट मैं कह रहा हूं कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है हम पूरा बेसिक से करने वाले हैं तो कैसे करेंगे स्टार्टिंग से करते हैं कि थ्री वन है सर्किल दिया है टेंजेंट्स बन रही हैं दो ट्रंगल आ गए इधर वाला और इधर वाला तो हमने माना इसको थीटा एंगल इसको थीटा एंगल ये लेंथ हो गई एल एल कितना आ जाएगा रूट एस वन तो एल बराबर हो गया रूट एस वन वो निकाल लेते हैं तो सेंटर थ्री कॉमा वन को पुट कर देंगे इसके अंदर तो नाइन प्लस वन माइनस सिक्स प्लस फोर प्लस वन तो टेन माइनस सिक्स फोर फोर प्लस फोर एट प्लस वन नाइन रूट हो गया थ्री तो अपने पास लेंथ आ गई ठीक है भाई ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा रेडियस कितना है इसका सेंटर लिख लेते हैं भाई सेंटर है माइनस टू रेडियस कितनी है वन प्लस फोर फाइव फाइव माइनस वन फोर टू रेडियस टू हो गया है सेंटर हो गया है वन कामा माइनस टू अब यहां से देखो अभी जो अपने फंडा लगाया था वो अप्लाई करते हैं अगर मुझे ए पी क्यू का एरिया चाहिए तो मुझे ये डी पॉइंट अगर मैं मान लेता हूँ ए डी लेंथ पी डी लेंथ चाहिए तो थीटा निकालना पड़ेगा तो बड़ा वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है जो नाइन्टी बन रहा है बड़ा वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है जिसमें कि 90 एंगल बन रहा है तो टेन थीटा हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटा हो जाएगा टू अपॉन थ्री टू बाय थ्री हो जाएगा ठीक है भाई और जब टेन थीटा पता है तो ये लेंथ हो जाएगी थ्री कॉस थीटा और ये लेंथ हो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी थ्री कॉस थीटा और ये लेंथ हो जाएगी थ्री साइन थीटा ऐसे ये टू है तो ये लेंथ टू कॉस थीटा और ये लेंथ हो जाएगी टू साइन थीटा तो मैंने सारे कंपोनेंट निकाल लिए थीटा मेरे को पहले से पता है अब मैं कोई भी एरिया निकाल सकता हूँ अगर मेरे को पूछा है समझ में तो मैंने बिना कोई फॉर्मूला याद किए ज्योमेट्री में सारे एंगल बनाए कंपोनेंट लिया और जो भी डेटा दिया था उसको अप्लाई कर दिया बस तो एरिया ऑफ ट्रंगल ए पी क्यू निकालना है तो बेस इंटू हाइट तो हाफ इंटू बेस बेस हो जाएगा पूरा का पूरा पी क्यू और हाइट हो जाएगी ए डी हाफ इंटू पी क्यू इंटू ए डी तो पी क्यू लेंथ कितनी हो गई भाई सिक्स साइन थीटा और ए डी लेंथ कितनी हो गई थ्री कॉस थीटा ये आ गया अपने पास ऐसे निकालना है को एरिया ऑफ ट्रेंगल बी पी क्यू तो बी पी क्यू लिया के लिए हो जाएगा ये बी पी क्यू ये ट्रेंगल ये नाइन्टी है तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा हाफ इंटू पी क्यू इंटू हाइट हो जाएगी बी डी तो हाफ इंटू सिक्स साइन थीटा और हाइट हो जाएगी टू साइन थीटा और दोनों को डिवाइड करना है तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रगल बी पी क्यू जब डिवाइड करेंगे तो हाफ पी क्यू तो हाफ पी क्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा ए डी बाय बी डी मतलब थ्री कॉस थीटा बाय टू साइन थीटा दैट इज थ्री बाय टू टेन थीटा और थ्री बाय टू है और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है टू बाय थ्री तो यह आ जाएगा नाइन बाय फोर इस तरह और इसको एट से मल्टीप्लाई करना है लास्ट में एट से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर टू ज़ा एट नाइन टू ज़ा एटीन इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं आई होप सबको क्लियर है एक क्वेश्चन और दिया है भाई ये कि सर्किल विथ सेंटर टू कॉमा थ्री एंड रेडियस फोर इंटरसेक्ट द लाइन ये देखो मैंने सेम क्वेश्चन दिया आपको एकदम इसको आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट पॉइंट पी एंड क्यू अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मैंने क्वेश्चन लिया है कि भाई एक सर्किल दिया है आपको और एक लाइन है x प्लस वाई बराबर थ्री एक्स प्लस वाई बराबर थ्री एक लाइन है जो कि सर्किल को कट कर रही है दो पॉइंटों पर एट पी एंड क्यू ये दिया हुआ है कि पी और क्यू पे कट कर रही है ये क्वेश्चन जे ई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में पूछा गया आप देखिए इफ़ द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एस एस मतलब एक लाइन दिया है वो कट कर रही है सर्किल को दो पॉइंट पर और उन दो पॉइंट पे जो टेंजेंट आ रहा है वो टेंजेंट कट कर रही है एस पॉइंट पर तो मुझे एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं अल्फा बीटा पूछा है तो भाई इसमें ऐसा नहीं करेंगे पूरा कि पूरा सर्किल निकाला सर्किल को सॉल्व करा लाइन के साथ सॉल्व करने के बाद पॉइंट निकाले उन पॉइंटों पे टेंजेंट निकाली फिर उनको सॉल्व करने बैठे इतना करेंगे तो भाई बहुत टाइम चला जाएगा इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने पास अपन को सर्किल का सेंटर दिया है टू कॉमा थ्री और रेडियस दिया फोर तो मैं सर्किल लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पहले सर्किल को लिख लेते हैं फिर बात करते हैं तो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस फोर प्लस नाइन थर्टीन माइनस सिक्सटीन हो जाएगा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो यह आ गया हमारे पास सर्किल का इक्वेशन अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से ये जो लाइन है एस के रेस्पेक्ट बीटा के रेस्पेक्ट में जो पी क्यू है वो क्या है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू एस पॉइंट तो अगर मैं एस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस सर्किल पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख देता हूं दैट इज टू बराबर टी बराबर जीरो एस के रेस्पेक्ट में इस सर्किल पे क्या लिख देते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आएगी वो इसके बराबर होनी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ एस के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होता है टी बराबर जीरो मतलब एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन वाई वन की जगह बीटा माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस अल्फा क्योंकि बाई टू कट जाएगा माइनस का थ्री टाइम्स वाई प्लस बीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन आ रही है एक्स टाइम अल्फा माइनस टू वाई टाइम बीटा माइनस थ्री माइनस टू अल्फ़ा माइनस थ्री बीटा माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो अपने पास आई इक्वेशन अब ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए इसके बराबर होनी चाहिए क्योंकि जो एस के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा है वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पी क्यू के बराबर है जिसकी हमको इक्वेशन पता है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा मतलब हम इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर देंगे वहां से डायरेक्टली अल्फा बीटा आ जाएगा तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी बोले एक लाइन कट कर रही है उस लाइन पे जो कट करेगी उस पे टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो आपको हमेशा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फंडा यूज करना है तो कंपेयर करें अगर अपन तो इसका कोफिशिएंट है अल्फा 2 उसका है 1 इसका है बीटा माइनस थ्री उसका है वन और माइनस टू अल्फा माइनस थ्री बीटा माइनस थ्री अपॉन में है इसका कॉम्पन माइनस थ्री तो अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आया माइनस का वन पहला रिलेशन और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा अपने पास थ्री से मल्टीप्लाई थ्री बीटा माइनस नाइन बराबर टू अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास टू थ्री बीटा कैंसिल आउट क्योंकि थ्री बीटा माइनस नाइन बराबर टू अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री तो थ्री बीटा कैंसिल आउट तो टू अल्फा बराबर माइनस ट्वेल्व अल्फा आ गया माइनस का सिक्स और अल्फा को पुट करेंगे माइनस सिक्स तो बीटा आ जाएगा सिक्स माइनस वन फाइव माइनस का फाइव और अल्फा बीटा आ गया है तो अल्फा बीटा को रख के यहाँ से वैल्यू अपन निकाल सकते हैं तो ये एक तरीका हो जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को यूज़ करने का तो एक ये सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था कि टेंजेंट्स एट द पॉइंट पी एंड क्यू मीट एट दिस पॉइंट अभी वाया है ना आपको कि पी और क्यू पे टेंजेंट्स हैं जो क्यू पे मीट कर रही हैं मतलब ये आर पॉइंट से आर पे टेंजेंट है पी और क्यू पे है जो आर पे मीट कर रही हैं तो ट्रेंगल पी क्यू आर का एरिया ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है सेम टू तो सेम बस डेटा चेंज हुआ है सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले किया है सेम फंड अप्लाई करना है ठीक है अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका आगे जो थ्योरी है वो हम पार्ट टू में कवर करेंगे आज हमने जितना पढ़ा है इसमें आपका जितना मेन से रिलेटेड थ्योरी है और एडवांस से रिलेटेड थ्योरी है वो पूरी कवर हो गई है अब जो बचा हुआ पार्ट है जिसके कि अभी क्योंकि इसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा बची हुई है एक साथ कवर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जिसमें कि हम इसका बचा हुआ जो पोर्शन है टेंजेंट से रिलेटेड और सर्किल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें कवर करेंगे ओके हो गया